सो नाउ यू हैव टू डिसाइड वेदर द सेपरेशन इज रिक्वायर्ड नो. उसके कंडीशंस अलग है. वी आर गोइंग टू सी कि इस केस में सेपरेशन कैसे डिटरमाइन करते हैं. बट इफ सेपरेशन इज रिक्वायर्ड एंड वी हैव टू फॉलो फ्यू स्टेप्स, तो स्टैंडर्ड इंड एस 109 क्या बोलता है दैट इफ द सेपरेशन इज रिक्वायर्ड देन यू ड्रॉ द एंटायर कॉन्ट्रैक्ट एंड ब्रेक द कॉन्ट्रैक्ट इन टू द होस्ट एंड द एम्बेडेड डेरिवेटिव. लेट्स अंडरस्टैंड वॉट इज हैपनिंग ओवर योर. एंटिटी इज गोइंग टू गिव द गुड्स टू द कस्टमर. एंटिटी इज गोइंग टू गिव गुड्स टू द कस्टमर and customer is going to give you $1,000 for the same. Now tell me, ye goods agar aapka Indian customer ko bechte, how much money you would have got? You would say, if I have sold the goods to Indian customer, my selling price would be 50,000. Mujhe 50,000 milta, but in how many months? 6 months. Now if the same export order mein, if the rates go up, how much are you going to receive? Agar samjho rate $1 ka 60 ho gaya, so you are going to receive actually 60,000. Now tell me, are you getting extra 10,000 because of the quality of the goods? Nahi, you are getting this 10,000. Ye aapko jo incremental 10,000 ka gain hua hai, this is not because the quality is superior, but because of the exchange rate, because you have priced the goods in dollar, or because you have taken that volatility, isliye aapko 10,000 extra mil raha hai. So this, can I say this value of 10,000 is getting because you have entered into a forward contract? Can I say कस्टमर आपको $100 दे रहा है? कैन आई से इट इज एज गुड एज सेइंग दैट यू आर गोइंग टू बाय $100, तो यू आर गेटिंग दिस 10,000 एक्स्ट्रा बिकॉज यू हैव एंटर्ड इनटू अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट. तो इधर ये लोग क्या बोल रहे हैं, यू डिवाइड इट इनटू टू. आपका पहला होस्ट कॉन्ट्रैक्ट कैसा रहेगा? दिस विल बी योर कॉन्ट्रैक्ट नंबर वन, दैट इज अ होस्ट कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज एम्बेडेड डेरिवेटिव इज ऑन परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स. तो आपका होस्ट कॉन्ट्रैक्ट इज परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड द एम्बेडेड डेरिवेटिव इज द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट टू परचेज डॉलर्स. अगेन यू आर गोइंग टू गिव गुड्स और वो आपको डॉलर देने वाला है. इज गोइंग टू गिव यू डॉलर, मतलब यू आर ट्राइंग टू परचेज द डॉलर्स फ्रॉम हिम. सो इट इज लाइक यू हैव एंटर्ड इनटू अ फॉरवर्ड परचेज. तो व्हाट आर दे सेइंग, ये कॉन्ट्रैक्ट को दो हिस्सों में तोड़ दो. यू फाइंड आउट व्हाट इज द होस्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड व्हाट इज द एम्बेडेड डेरिवेटिव, करेक्ट? सो नाउ अंडरस्टैंड व्हाट इज द होस्ट कॉन्ट्रैक्ट. इट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ ट्रांजेक्शन दैट entity is going to give goods to the customer. Entity is going to give the goods to the customer and customer is going to pay 50,000. Agar samjho, how are we going to break the contract? Apan sochte chalo ye forex hota hi nahi. How do we do the, apan host ko independently lete, samajhte ki samjho there would have been no forward currency derivative. Ye apna Indian currency mein contract hota. To Indian currency mein kya hota? Entity would have sold the goods to the customer and customer would have given us 50,000 at the end of the 6 month. तो हमेशा अज्यूम करेंगे इट इज सोल्ड टू इंडियन कस्टमर व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग द होस्ट कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज वी सी विदाउट द फॉरेन करेंसी. एंड एम्बेडेड डेरिवेटिव क्या रहेगा पता है? यू एज एन एंटिटी इज गोइंग टू परचेज द डॉलर्स. तो कस्टमर आपको डॉलर्स देगा, इज गोइंग टू गिव यू डॉलर्स बिकॉज यू सेंड द गुड्स. कस्टमर आपको $100 देगा एंड यू आर गोइंग टू बाय द $100 एट द रेट जो आपका बैंक के साथ आपने देखा था 50 रुपीज का फॉरवर्ड रेट था. सो हियर इट इज लाइक सेइंग यू हैव एंटर्ड इनटू अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, यू हैव एंटर्ड इनटू फॉरवर्ड परचेस कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर. कस्टमर के साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि आपको जब $1,000 देना है दैट यू आर गोइंग टू गिव, आई एम गोइंग टू बाय. सो टुडे ओनली आई एम एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद यू टू परचेज द डॉलर्स. तो अगेन व्हाट हैव वी डन टू इन ऑर्डर टू, बिकॉज अगर सेपरेशन रिक्वायर था इन डेज 109 सेज यू हैव टू रिकॉर्ड द होस्ट कॉन्ट्रैक्ट डिफरेंटली एम्बेडेड. तो अपने इसको ये एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को अपने दो हिस्सों में ब्रेक कर दिया. दिस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट ओनली वी हैव ब्रोकन इट इनटू टू पीसेस, दैट इज लेट्स सी व्हाट इज द एग्जैक्ट कॉन्ट्रैक्ट. If you look at only the host contract particularly क्या है, only purchase and sale. तो अगर Indian customer में purchase sale करता तो he would have given 6 months में गुड्स देता और इसको 50,000 मिल जाता. सेकंड कैसा है, ही इज गोइंग टू गेट डॉलर्स. सेकंड पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज गोइंग टू गेट डॉलर्स. इज गोइंग टू गेट डॉलर मतलब इज परचेसिंग. सामने वाला डॉलर दे रहा है तो आपके लिए क्या हो गया, परचेस हो गया. सो सेकंड कॉन्ट्रैक्ट इज लाइक यू आर परचेसिंग, यू आर एंटरिंग इनटू अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट टू परचेस डॉलर. सो हियर व्हाट आर वी गोइंग टू डू, अपन एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया टू परचेस $1,000. नाउ अंडरस्टैंड ओवर हियर, अगर आप देखोगे ये 50,000 इधर
एंड यू हैव एंटर इनटू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट टू परचेज दैट 50, दिस इज ऑल्सो 50,000. सो बेसिकली आप देखो 50-50 कट हो गया. तो एक्चुअली इफ यू सी वॉट इज द कॉन्ट्रैक्ट, यू आर गिविंग गुड्स टू द कस्टमर एंड कस्टमर इज गिविंग यू $1,000 ओनली. वाई आर वी डूइंग द बाइफोकेशन, अपने अलग अलग क्यों बनाया? बिकॉज सेपरेशन रिक्वायरमेंट है. सेपरेशन के हिसाब से वी हैड टू शो द होस्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड एम्बेडेड डेरिवेटिव. होस्ट कॉन्ट्रैक्ट वॉज टू परचेज एंड सेल, एंड वॉट वॉज द एम्बेडेड डेरिवेटिव? दैट द पर्सन विल बी गिविंग यू डॉलर, मतलब यू विल बी बाइंग द डॉलर फ्रॉम हिम, करेक्ट? सो नाउ 50,000, इफ यू सी इट गेट्स कैंसल इन फ्रंट ऑफ ईच अदर. सो ट्रांजेक्शन का एसेंस क्या है अभी तक, कि आपने गुड्स दिया और सामने वाले ने आपको डॉलर दिया. सो 50, सो और आई कैन ऑल्सो से 50,000 विल कम फ्रॉम द कस्टमर एंड वो पैसा अपन बैंक को दे देंगे. इज द सेम मनी विल गोइंग टू गिव द कस्टमर एंड कस्टमर अपने को $1,000 दे देगा. तो यूर इट इज लाइक यू आर सेलिंग सम. तो अभी ऐसे ये कौन से केस इम्पॉसिबल होता है? सपोज यू आर एंटरिंग इन टू ट्रांजेक्शन विद जेपी मॉर्गन. जेपी मॉर्गन आपने कुछ बेचा एंड आपने उनके साथ ही फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर दिया. सो मॉर्गन टू बाय डॉलर, सो इंस्टेड वी टेक इट एज अ सिंगल ट्रांजेक्शन. वी अभी जेपी मॉर्गन से यू हैव एंटर्ड इन ट्रांजेक्शन इन फॉरेन करेंसी एंड जेपी मॉर्गन की ओनली यू हैव एंटर्ड इन टू फॉरवर्ड डेरिवेटिव, आई बाय डॉलर फ्रॉम यू ओनली, बिकॉज आपको देना तो आई एम गोइंग टू बाय. सो दिस इज द होल एसेंस ऑफ द एंटायर ट्रांजेक्शन, कि इंडियन कस्टमर से मेरे को पैसा आएगा और वही पैसे से आई विल बाय डॉलर फ्रॉम यू, करेक्ट? नाउ अंडरस्टैंड. सो ऑलवेज रिमेंबर क्यू पॉइंट्स टू रिमेंबर ओवर हियर. आपका जो भी अंडरलाइंग परचेज है, वॉट एवर इज योर अंडरलाइंग परचेज और सेल, विल ऑलवेज बी मेजर्ड एट द फॉरवर्ड रेट. अपन ने इधर क्या किया था, 50,000 वी नीडेड आफ्टर, वी हैड टू, वी नीडेड आफ्टर 6 months. 50,000 का अपने को 6 months के बाद रेवेन्यू आने वाला था, तो अपने 6 months का फॉरवर्ड रेट लेके अपने डिटरमाइन किया. सो अंडरलाइंग परचेज सेल विल ऑलवेज इन मेजर्ड एट द फॉरवर्ड रेट. एक्चुअल परचेज सेल विल बी रिकॉर्डेड लेटर. एक्चुअल परचेज सेल जब 115 जब रिस्क रिवॉर्ड ट्रांसफर होगा तब रिकॉर्ड होगा. सेकेंड, द एम्बेडेड डेरिवेटिव, दैट इज द फॉरवर्ड परचेज. योर एम्बेडेड डेरिवेटिव, दैट इज द फॉरवर्ड परचेज और सेल. Now that would be measured using FVTPL principle. Derivative है तो FVTPL principle ही आएगा, as it is a derivative. Is it a derivative? See, no amount is paid on the date of order. Fair value at the initial recognition is also nil. So each reporting date क्या होगा? Derivative will be remeasured using FVTPL. ये proper derivative है. Settlement is not happening now. There is no investment. So here you can say आपको FVTPL record करना पड़ेगा. And each reporting date पे जितना भी fair value gain, जितना भी fair value loss होगा, that will be factored in. And on the date of settlement, when the contract is settled, that day will be the date when the purchase and sale will be actually recorded at the predetermined forward rate. Jo bhi aapne predetermined forward rate apne ke 50 bola tha, to 50 ke hisab se aap revenue aaj recognize karoge. And jo bhi derivative which you had remeasured, that will get settled. To jo bhi balance hoga derivative asset mein aur liability mein, that will be adjusted against the debtor creditor. Because why? Understand, ye contract to aapka settle ho gaya. Abhi in this particular derivative contract, if it is a gain, तो आपको इससे लेना है. जेपी मॉर्गन से लॉस हुआ तो आपको इसको पे करना है. तो वॉट एवर इज द बैलेंस इन योर डेरिवेटिव असेट और लाइबिलिटी विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट द डेटर और द क्रेडिटर ओनली. सो आर वी क्लियर? सो अगेन जस्ट अगर समझो ये ट्रांजेक्शन अगर इंपोर्ट का होता तो इंपोर्ट में थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट. यू वर एन एंटिटी, यू वुड हैव इंपोर्टेड द गुड्स एंड यू वुड हैव टू गिव द डॉलर्स, बरोबर? तो कैन यू से, कैन वी जॉट डाउन द टू ट्रांजेक्शन फ्रॉम यर. पहला ट्रांजेक्शन क्या रहेगा? फर्स्ट ट्रांजेक्शन विल बी टू इंपोर्ट द गुड्स. टू इंपोर्ट द गुड्स, एंटिटी विल इंपोर्ट द गुड्स एंड विल पे द मनी टू द लोकल इन लोकल करेंसी, करेक्ट? दैट इज टू द कस्टमर. एंड सेकेंड ट्रांजेक्शन क्या रहेगा? यर यू आर गोइंग टू गिव द डॉलर्स. तो आपका बेसिकली यू विल एंटर इन टू अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट टू सेल डॉलर्स. तो सेकेंड कॉन्ट्रैक्ट आपका क्या रहेगा? एंटिटी, entity, customer. Here the you will enter into a forward contract to sell the dollars, correct? This will be your second contract. तो आपने इधर भी contract को break कर दिया, there will be a forward contract to sell the dollars. जो forward contract में जितना भी rate आपने determine किया that you have to sell the dollars. And अगर export हो गया तो export के case में भी अपन ने पूरा देखा है कि entity will give the goods, customer will pay dollars. तो first contract will be the entity giving goods to the Indian customer, customer giving you money. एंड देन सेकेंड कॉन्ट्रैक्ट इज एंटिटी विल बी गेटिंग डॉलर्स, मतलब एंटिटी वो देने वाला तो अपने को परचेस करना पड़ेगा. सो एंटिटी हैज एंटर्ड इनटू अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट टू परचेस डॉलर्स. तो एंटिटी को क्या होने वाला है? कस्टमर इज गोइंग टू गिव यू डॉलर्स एंड सामने आप वही
सामने यू विल बी परचेजिंग द डॉलर, तो एंटिटी आपको डॉलर देगा और डॉलर के सामने पैसा देंगे बिकॉज यू आर परचेजिंग द डॉलर. इन द इम्पोर्ट केस ऑल्सो वॉट विल हैपन, इम्पोर्ट केस में यू विल बी गिविंग द डॉलर, इम्पोर्ट केस में यू विल बी गिविंग देम से $1,000 एंड द अदर पर्सन विल गिव यू गिविंग यू मनी एज पर द एक्सचेंज रेट. दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू फैक्टर इन केस ऑफ अ फॉरेन करेंसी डेरिवेटिव विद फॉरेन करेंसी एम्बेडेड डेरिवेटिव इन द परचेज एंड सेल. बट अबव इतना अपन ने जो डिस्कशन किया, अबव प्रोसीजर विल ओनली बी एप्लीकेबल इफ द सेपरेशन इज रिक्वायर्ड. सो हाउ डू वी डिटरमाइन सर इसमें सेपरेशन है कि नहीं है? नाउ इफ आई टेल यू द कंडीशंस ना, ऑलमोस्ट यू विल सी कि कभी भी सेपरेशन आपने नॉर्मली आपके ऑडिट में भी इफ यू कम अक्रॉस ऑल दिस यू वुड हार्डली एवर सी एनी फॉरेन करेंसी एम्बेडेड डेरिवेटिव बिकॉज द कंडीशन आर सच दैट वो पूरा का पूरा आपका सेपरेशन में जरूरत ही नहीं रहता. सो स्टैंडर्ड हैज गिवन यू सम कंडीशन दैट नो सेपरेशन इफ द इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स, इफ इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स आर क्लोजली रिलेटेड. करेक्ट, वन थिंग वी नो कि इफ द इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स आर क्लोजली रिलेटेड तो सेपरेशन चाहिए नहीं. सो अंडर वॉट कंडीशन दे आर कंसिडर टू बी क्लोजली रिलेटेड, नाउ इफ आई टेल यू द कंडीशन एवरीथिंग विल गेट कवर्ड ओवर हियर ओनली, हार्डली कोई एक आध चांसेस होगा. फर्स्ट, इफ द ट्रांजेक्शन If the transaction is determined, one second, I'll give you an example only. Say you are an Indian customer who deals in rupees and you are having a transaction with USA company who deals in dollar. And aapke bich mein jo transaction hai, if it is denominated in the functional currency of any of the parties, either rupees or dollars, then you will say that the economic characteristics are same, they are not separately related. So aapke mostly 90% of the cases will covered under this first exception only. Ki if the transaction, jo transaction is denominated in the functional currency of any of the party, then you would say that it is considered to be closely related. Okay, closely related ho gaya to separation required nahi hai. Second, suppose say you are a buyer, you are an Indian buyer in rupees, you are having a transaction with UAE company say for oil jo deal karta hai dirhams mein. Okay, now the transaction, if you see jo crude oil ka transaction hai, that is dollars. So what is the second condition says? Oil ka kabhi bhi measurement aata hamesha dollars mein aata. So second condition is that if the transaction which is denominated in a currency that is routinely used to price the commercial transaction, aap routine mein dekho koi bhi countries mein bhale koi bhi currency ho, oil ka price is always related to dollars only. So if the transaction denominated in a currency that is routinely used to price the commercial transaction of that product, so in that case we are going to say they are closely related. Bhale aap in rupees ho, bhale aapka functional currency mein nahi hai, but wo transaction hi aisa hai that it is denominated in dollars only, then we are going to say it is again closely related and no separation is required. So this will cover another 8 to 10% of the cases. Aur last condition, agar aapko kuch 1% case hua, wo bhi cover ho jayega. What are they saying? Say you are in India dealing in rupees, you are having a transaction with Switzerland jahan pe currency hai Swiss franc, but the transaction between you two is happening in euros. Now tell me, Switzerland mein euros bhi allowed hai and Switzerland mein Swiss franc bhi allowed hai. So what are they trying to say? If the transaction is determined in a currency that is routinely used in the economic environment of a country, if you see transaction with Switzerland, mein Switzerland mein euros bhi chalta hai, Swiss franc bhi chalta hai. So if the transaction is denominated currency that is routinely used in the economic environment of the country, so in that case we are going to say they are again closely related. And in that case, agar dekho ye rupees hota to aise bhi functional currency tha to aise bhi nahi hota. And agar samjho Switzerland mein Swiss franc chalta hai but still the transaction is in euros, so that is again considered as not a separate thing, but we are going to say they are considered to be closely related because Swiss mein, Switzerland mein Swiss franc bhi chalta hai, euros mein bhi chalta hai. Agar samjho ye rupees mein hota to aise bhi it would come under first condition, functional currency. So third type of condition is trying to cover this kind of transaction, ki if the transaction is denominated a currency that is routinely used in economic environment of a country, so in that case we can easily say that yes, they are closely related or economic separation, economic characteristics are same, separation is not required. So if all the conditions meet, if any of the conditions, apne teen cases dekhe, if any of the conditions meet,
वी कंसिडर द इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स टू बी रियली क्लोजली रिलेटेड, और आपका सेपरेशन कभी आएगा नहीं. तो 99% केसेस में आपका सेपरेशन कभी आएगा ही नहीं. वॉट एवर वी हैव स्टडीड इट विल वोंट बी एप्लीकेबल बिकॉज ऑल द थ्री सिचुएशन सच इट विल इट इज ट्राइंग टू कवर ऑल द केसेस. तो कभी एकाध कभी के केस कौन सा होना चाहिए, लेट से यू आर इन इंडिया, यू आर नॉर्मली डीलिंग इन गुड्स विद से यूएसए in dollars and the transaction is happening in euros. Now this kind of transaction will be covered under foreign currency derivative within embedded derivative in purchase or sale. जहाँ पे functional currency दोनों का अलग है, this transaction is अगर normal goods का transaction हुआ तो it is not the goods का transaction can mean any currency. Second condition में fulfill नहीं होगा and ना ही US में ना ही India में US euros allowed होते हैं. So it won't satisfy any of the condition. Now we can say that the economic characteristics are different and separation will be required. Are we clear? So now going to this, let's take this some more ahead. Let's look at next illustration. चलो let's look and come on illustration number. Come on to the next illustration. Illustration number. Or let's do this particular thing. Or let's continue with the first example only. Jahan pe apne with the first example, this one only. Where $1,000 ka tha, after 6 months we had to pay. Spot rate was 45 and forward was 50. Okay. Now understand what a transaction. Suppose separation was required. We have already done the separation. Now we'll have to record it. So on 1st Jan, suppose the transaction was entry was on 1st Jan. You have not paid anything. Aapne premium bhi pay nahi kiya, so no entry. Suppose beech mein 31st March aa gaya and the forward contract becomes, the spot rate becomes rupees 54. So now what will happen? Because the rate has gone from, aapko laga 50 hoga, but abhi 54 chala gaya. So contract, this particular forward contract which you are have, you it becomes more valuable for you. So you are still going to buy $1,000. Aapne to forward contract enter kiya hai $100 ka, but you are still going to buy 50 only, which is actually worth 54. So you are going to say derivative financial asset, derivative financial asset 4,000 to fair value gain, that is 4,000. Because understand, you had agreed derivative kya tha to purchase $1,000 at 50. Agar kal uth ke forward mein spot rate samjho 31st March ko 54 ho gaya. Now it would have become a loss for you, but you have entered into a forward contract. Wo jo aapka derivative tha, even though the spot rate is 54, still you are getting to buy the dollar at 50 only. So it is good for you. It is favorable in your favor. It is in your favor. So you will record. That is $1,000 का difference था, $4,000 था into 4 का currency difference, that is 4,000, it becomes a financial asset. Say on 30th June, the derivative contracts, अभी derivative contract 30th June में 6 महीने का ही था ना, from 1st Jan to 30th June, now you have been given the spot rate is rupees 60. Now what will happen, now you will record the sale of goods. Sale of goods अभी होगा, you will say first contract पहले होगा debtor account debit 50,000. First, the host contract will be settled, debtor account debit to sale 50,000, and now you look at the net settlement. Net settlement kya hoga? That particular person, jo 60 ka rate tha, aapka contract ke hisab se, you have the right to buy at 50. So the person won't give you the dollars and he'll pay difference. Wo aapko directly difference de dega. He will say 60 minus 50 into $1,000. So he's like, I have to pay you 10,000. So now what you will say that, see, 4,000 to gain I have already recorded over here and 6,000 is remaining out of 10,000. So what you will say, ki debtor se 10,000 lene ka hai. Now to derivative financial asset, jo aapka derivative financial asset apne banaya hua hai 4,000 ka, wo to apne already recognize kar diya hai. So derivative financial asset will be getting settled in the whole transaction 4,000 and remaining still 6,000 is yet left to show in the P&L. So you will say fair value gain P&L. In the P&L 6,000. Why? Because see, the whole derivative contract you earn 10,000. अभी 10,000 में से आपने 4,000 तो already recognize कर दिया. P&L में और कितना recognize करना बाकी है? 6,000. So you will say 4,000 जो recognize कर दिया, जो आपका financial asset दिख रहा था, because of the net settlement, the transaction, the derivative will also get settled. तो settle करने के लिए आपको credit करना पड़ेगा. And जितना recognize करना बाकी था, that will be recognized in the P&L. In old days, what used to happen, पता है? Directly 30th June को you would pass entry debtors to sale. We would say customer अपने को $100, $1,000 देगा and we will convert it at 60. In as per new AS, as per Ind AS 109, आपको अलग से, if the separation is required, you would have to show it separately, the host contract settlement and the
and the embedded derivative. So in our case now we can say that 50,000 up dekho, 50,000 we actually got for goods only, and 10,000 that is attributable to the fact that aapne dollars mein price kiya, jo extra mila, that is because of the forex amount. So here we are going to say ki we have shown separately because separation requirement concerning separation required tha, so we have actually shown the transaction properly. Old days mein kya hota, aap directly 60 likhte, but understand you are not getting 60 because of the goods, of the quality of the goods. Goods ke hisab se aapko 50 mil raha hai, 10,000 you are getting is because of the forex exposure which you have taken, so that should be recorded as a separate thing. Now understand forex, aap bolenge sir Ind AS 21 trigger nahi hua, Ind AS 21 only trigger if on the balance sheet date abhi bhi agar debtors pada hai. Understand, aapka first gen ko export order aaya, you have entered into a forex derivative, forex forward derivative, or sale kar diya. Abhi iske baad till 30th September ya 30th quarter, agar ye debtor outstanding raha, then only Ind AS 21 applicable ho. You have to record, nahi to fir if the balance sheet date will own won't come, to aapka principal Ind AS 21 aayega nahi. Ind AS 21 starts after later. Forex 21 कब ट्रिगर होगा? आफ्टर द बैलेंस शीट. अगर बैलेंस शीट डेट के दिन वो डेटर अभी भी रिसीवेबल है, देन ओनली फॉरेक्स विल बी एप्लीकेबल, अदरवाइज Ind AS 21 won't be applicable. So in, are we clear over here now? Now let's look at an illustration. Come on, illustration number 67. Illustration number 67. A limited functional currency, A limited is INR functional currency, A limited that is INR functional currency enters into a 10 lakh dollar sale contract on 1st Jan 2011 with B limited, jiska functional currency is JPY, Japanese yen, to sell the equipment on 30th June, that is after 6 months. Exchange rate is follow. So understand over here, A limited was functional currency is INR, has entered into contract with B limited to sell goods worth, which are to sell goods in dollars. Now understand over here, aapka jo current transaction in which the transaction, the currency in which the transaction is denominated is not the functional currency of any of the party, nor it is any of the goods that are routinely transacted. Or aisa bhi kuch nahi ki dollar INR mein India mein bhi chalta hai, Japanese mein bhi chalta hai. So here looking at the whole transaction, you can easily say that separation will be required, and B limited is going to give them 10 lakh dollars, correct? So if I have to ask you, separation is required, correct? How will you separate? You will separate the contract into two parts. First, you will say that A limited is going to sell the equipment to B limited, sale of goods, and this particular person, now based on the rate, aapka spot rate 45, as on the date you have entered the contract, the spot rate is 45 per dollar, 6 months forward is 55. So the first step jo apne dekha tha, that always the underlying purchase and sale will be measured in the forward rate. So what is the forward rate? Aapka 10 lakhs dollar tha, forward rate is 55. So you will say the first transaction will be that A limited selling goods and B limited giving them 5 crore 50 lakhs, correct? This is the first leg of the transaction. And the second leg of the transaction, what? You are going to receive 10 lakh dollars. This is like entering into a forward purchase to forward contract to purchase dollars. So second leg of the transaction will be that A limited and B limited. A limited is going to give 10 lakh dollars and A limited will give them 5 crore 50 lakhs, correct? Forward contract to purchase dollar, the forward purchase that you will purchase 10 lakh dollars and give them the money. Now what will be the journal entries? Let's start. As on 1st Jan, there will be no entry, the host, because host contract case se dekho, there is no entry because aapka equipment, the purchase and sale of goods will happen after 6 months. As on 1st Jan, the control has not been transferred only, so revenue kabhi recognize hoga nahi. So host contract case se there will be no entry. Derivative contract, again derivative contract case has to be no entry because you have not paid anything, there's no transaction price, so fair value will be nil. Now as on 31st March, let's do it over here only so we can be able to see the diagram also. Now as on 31st March, see, you have been given the values.
31 मार्च को स्पॉट रेट इज 45 पर डॉलर एंड 6 मंथ्स फॉरवर्ड इज 58 पर डॉलर. सो सी यू एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट टू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आपने 55 पर डॉलर के हिसाब से किया. बट नाउ द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट नाउ इफ यू सी द स्पॉट रेट और यू सी एज ऑन 31 मार्च द स्पॉट रेट इज डायरेक्टली कमिंग टू 45 पर डॉलर. सो योर दिस इज बिकमिंग अनफेवरेबल टू यू. आपको आपको यू हैव एंटर्ड मतलब आपको 55 रुपीस में डॉलर खरीदना ही पड़ेगा इवन दो द मार्केट में स्पॉट रेट इज 45 पर डॉलर. सो योर दिस विल बिकम अ फाइनेंशियल लाइबिलिटी फॉर यू. तो हाउ आर यू गोइंग टू रिकॉर्ड इट? फर्स्ट यू विल कैलकुलेट व्हाट इज द फेयर वैल्यू ऑफ द फाइनेंशियल लाइबिलिटी. यू विल से आई हैव टू बाय एट 55 इवन इट इज अवेलेबल एट 45 इनटू 10 लाख डॉलर. सो दिस विल बिकम 1 करोड़ का आपका पूरा लॉस हो जाएगा. सो यू विल से टू डेरिवेटिव फाइनेंशियल लाइबिलिटी डेरिवेटिव फाइनेंशियल लाइबिलिटी 1 करोड़ एंड फेयर वैल्यू लॉस विल बी टेकन टू PNL दैट विल बी 1 करोड़ करेक्ट. होस्ट के लिए केस में तो नो एंट्री रहेगा. सी दिस इज द एंट्री फॉर डेरिवेटिव. इफ यू सी फॉर द होस्ट, होस्ट में तो कभी आपने कुछ ऐसे रिकग्नाइज ही नहीं किया, नथिंग इज गोइंग आउट. होस्ट के लिए तो नो एंट्री, बट डेरिवेटिव में सिंस इट इज अनफेवरेबल टू यू तो यू हैव टू रिकग्नाइज अ डेरिवेटिव फाइनेंशियल लाइबिलिटी. सो बिकॉज एंट्री विल हैव टू परचेज स्टिल एट 55 रुपीज पर डॉलर वेर मार्केट में इजिली 45 पर डॉलर अवेलेबल है. नाउ वी आर डन ऑन 31st मार्च. नाउ वी कम ऑन द सेटलमेंट डेट दैट इज 30th जून. सो 30th जून को सबसे पहले अपन क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू रिकग्नाइज द सेल. सेल विल बी ऑलवेज बी रिकग्नाइज एट द प्री डिटरमाइंड फॉरवर्ड रेट. तो प्री डिटरमाइंड फॉरवर्ड रेट कितना था आपका 55 इंटू 10 लाख डॉलर. सो यू विल से डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल दैट इज 5 करोड़ 50 लाख. करेक्ट. नाउ व्हाट अबाउट द डेरिवेटिव? इफ यू लुक एट द डेरिवेटिव व्हेन यू कम ऑन 30th जून, द स्पॉट रेट इज 60. नाउ अंडरस्टैंड, नाउ दिस इज बिकमिंग फेवरेबल फॉर यू. पहले you have your forward contract was to buy the dollars at 55. Now the spot rate is 60. Still you are getting an option to buy it at 55 only. तो यहाँ पे आपका जितना भी पहले derivative financial liability था वो तो reverse हो जाएगा. You will say derivative financial liability of 1 crore entire will be reversed. And plus now how much is the value of derivative asset? If you have to go to try to calculate the fair value, तो you will say now at 60 I can still buy at the last that you have recognized. आपने जो last loss recognize किया था वो 45 पे किया था. So now from 45 directly आप आ रहे हो 60 पे into 10 lakh dollars. This will come to 1 crore 50 lakhs. So 1 crore 50 lakhs क्या हो गया? आप negative पे थे 1 crore 50 पे. Sorry, you were negative at 1 crore. Now you are going up to 150. तो पहले तो आपका पूरा liability reverse हो जाएगा 1 crore का, and then 50 lakhs you will recognize an asset. So over here you will say, and if you see how much is your asset, आपने 55 पे agree किया था, and the spot rate is 60. तो 5 का difference into 10 lakhs. So into 10 lakh dollar, that is 50 lakhs. तो your derivative financial asset will be shown at 50 lakhs only. And the entire thing will be taken to fair value gain, that is PNL. See, you could have directly recorded this 50 lakh also. कैसे बोलते आप? You would say the forward contract is at 55, but now the spot rate is 60. So 5 rupees का difference है. 5 rupees difference into 10 lakh dollars, that becomes 50 lakhs. So I can say my derivative fixed asset का value is 50. If 50 lakhs, अभी understand, if you are getting a derivative in your favor, तो derivative liability तो आएगा ही नहीं. तो आपने जो भी financial liability recognize किया था, पूरा का पूरा आपका reverse हो जाएगा. तो that will be 1 crore 50 lakhs and the total gain we will take it to PNL will be 1 crore 50. Or another way to calculate the fair value you could have directly done is 60 minus 45. Because आप 55 से 45 के level तक आपने measurement कर दिया था. Now directly you are going to 60. So directly a gain of shoot up हो जाएगा. 1 crore 50 का gain दिखेगा. You will reverse the financial liability of 1 crore and you will recognize a derivative financial asset of 50 lakhs. And next, अभी 50 lakhs कहाँ से आपको आने वाला है? Debtors से. So you will say debtors. You will say debtors account debit, that is B limited only. He will only give you 50 lakhs. And you, जो भी आपका derivative financial asset था, इसको आप reverse कर दोंगे, derivative financial asset. Because in net settlement, 50 lakh will be payable to us by debtor. So derivative financial asset का जितना भी balance था, जितना you have debited it account, at this much amount you have to collect it from your debtor. Are we clear? So let's look at the overall effect क्या रहेगा? Debtor, जो पहले 5.5 का था, now if you see debtor balance have reduced, increased by 50 lakhs, तो debtor का balance is at 6 crore.
द सेल ऑफ इक्विपमेंट इज मेजर्ड एट प्रॉपर 5.5 करोड़, और एक्चुअल में आपका जो रियल गेन था दैट इज 0.5, दैट इज एक्चुअली टेकन टू पीएनएल ऑल्सो 0.5. सी पीएनएल में हाउ इज गोइंग टू 0.5, आपने पहले 150 का आपने गेन पीएनएल, अर्लियर यू हैव रिकॉर्डेड फेयर वैल्यू लॉस इन पीएनएल अप टू 1 करोड़, देन यू रिकॉर्डेड गेन ऑफ 1 करोड़ 50. तो एक्चुअल नेट इफ यू सी दिस एंड दिस का नेट कितना होगा, 50 लाख, एंड दैट इज ओनली द एक्चुअल गेन. जो आपने मशीन बेचा वो 5.5 का बेचा, एंड डेटर से आपको आना है 6, तो एक्चुअल आपका जो गेन था 0.5, दैट इज एक्चुअली कमिंग इन योर फेयर वैल्यू गेन इन द पीएनएल. आर वी क्लियर? सो व्हेनेवर सेपरेशन इज रिक्वायर्ड, ऑलवेज रिमेंबर वी हैव टू डू इट सेपरेटली. वी हैव टू डू इट सेपरेटली एज इन आपको होस्ट कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज ओनली परचेज सेल, वो आपको अलग बताना पड़ेगा, विच वुड बी रिकॉर्डेड आफ्टर 6 मंथ्स. स्टार्टिंग में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं होगा, 6 मंथ्स के बाद रिकॉर्ड करोगे, दैट विल बी ऑल्सो गेट प्री डिटरमाइंड रेट. पर इन केस ऑफ द एम्बेडेड डेरिवेटिव, फ्रॉम इनिशियल रिकग्निशन यू हैव टू स्टार्ट. अगर कुछ पेमेंट नहीं किया देन एवरी क्वार्टरली, जो भी आपका अगर ईयर एंडिंग या क्वार्टर एंडिंग आएगा, यू हैव टू रिकग्नाइज द डेरिवेटिव अकॉर्डिंगली, एंड जो भी फेयर वैल्यू गेन या लॉस होगा, दैट हैव टू बी फैक्टर्ड थ्रू द एफवीटीपीएल प्रिंसिपल. Just to take an example, in case say this whole transaction or say B's functional currency was USD dollars, then tell me, was separation required? No, it would cover in the first transaction. If the function, if the transaction is denominated any of the party's functional currency, then no separation would be required. Economic characters would be closely related. So us case mein khali ek hi entry pass karte, separation chahiye nahi tha. So what entry would have passed? You would have debtors directly would have passed on 30th June, debtors B limited to sale of equipment. To sale of equipment, we would have directly passed 6 CR ka entry. Jo aapka 10 lakh dollars tha into 60. That is the spot rate on the date of transaction. We would have directly recorded. Because, and if the money would not have been received till the balance sheet date, then debtors will have to be taken, revalued in both the cases. Fir aapka Ind AS 21 applicable. Agar debtors se abhi tak paisa nahi aata, then Ind AS 21 would start triggering. Are we clear? Now, this is all the important part. Apna jo bhi Ind AS 109 mein, whatever was the important part of financial state instruments, we are done now. अभी आगे वी आर लेफ्ट, सो वी आर डन विद द एंटायर क्लासिफिकेशन पार्ट, वी आर डन विद द डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन एंड अकाउंटिंग एंड मेजरमेंट. दोस थ्री पार्ट्स वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वी आर डन टिल हियर. नाउ आफ्टर दिस वी आर लेफ्ट विद डी रिकॉग्निशन एंड वी आर लेफ्ट विद हेज अकाउंटिंग. दोस आर नॉट इंपॉर्टेंट, दैट इंपॉर्टेंट एग्जाम तक अब इतना भी अच्छे से करके जाओ, यू विल बी क्लियर विद फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट. बट नाउ आफ्टर दिस, दिस पार्ट्स विच वी आर गोइंग टू डू, दैट इज डी रिकॉग्निशन एंड हेज अकाउंटिंग, those are not that important. The most important part we have already covered, that is your classification. Classification is done. After that you are going to definition, classification and your accounting and measurement. And accounting and measurement mein bhi aapka important kaun sa tha, the most important was compound financial. So if I have to tell you what will be the hierarchy of the sum, the most important till now apne jo sabse padha aur majority exam mein question aayega, that will be your compound financial instrument pe question aane wala hai. Next important becomes your loan transaction, jo off market terms, on market terms apne kya tha, employer employees, parent subsidy, those kinds of sums are the second important in this particular chapter. Third becomes the derivative accounting, जो अपन ने किया है. And fourth will be your basic FVOCI classification, whether it's FVOCI, FPD classification पे आपको illustration पूछ सकते हैं. Rest, hedge accounting, derecognition, they don't come much. So till now, whatever we have done is the most important part of the financial instrument. After that, now we are starting with the least important part of the accounting standard, that is derecognition and hedge account. Now coming to the next part, that is the fourth part of the standard. We have already done with definition, we've already done with classification, we're done with accounting and measurement, and now we are coming to derecognition of financial asset. Derecognition of financial asset. What do you understand by derecognition of financial asset? Derecognition matlab removing the financial asset. Aapne jo financial asset ko recognize kiya tha, usko bhi derecognize karna. That means removing the financial asset from your books. Now, what is financial asset? It gives you a contractual right to collect the cash flows. So, a financial asset should be derecognized only when the risk and reward attached to the cash flows are transferred. You have the right, you have the risk and reward of all the cash flows to collect. The moment at the time of sale of fixed asset, the right to collect the cash flow is transferred. Along with the right, also the risk and reward attached to the cash flow is transferred. Tabhi apan usko bol sakte derecognition. Because many cases what happen, entity still continues to retain the risk attached to the cash flow.
राइट टू कलेक्ट कैश फ्लो ट्रांसफर कर दिया है, बट रिस्क एंड अभी तक रिस्क एंड रिवॉर्ड आर स्टिल विद द एंटिटी ओनली, देन इन दैट केस यू कैन नॉट डी रिकॉग्नाइज द फाइनेंशियल असेट. सो व्हाट इज द मेन प्रिंसिपल, व्हाट इज द मेन प्रिंसिपल बिहाइंड डी रिकॉग्नाइजिंग द फाइनेंशियल असेट, दैट द रिस्क एंड रिवॉर्ड विच इज रिस्क एंड रिवॉर्ड विच इज अटैच टू द कैश फ्लो, दैट शुड बी ट्रांसफर. द मोमेंट आपने रिस्क और रिवॉर्ड ट्रांसफर कर दिया तभी यू कैन से यू हैव डी रिकॉग्नाइज द फाइनेंशियल असेट. बट इफ द रिस्क एंड रिवॉर्ड ऑफ द कैश फ्लो आर स्टिल विद यू एंड यू हैव ओनली ट्रांसफर द राइट टू कलेक्ट कैश फ्लो, तो उसको अपन डी रिकॉग्नाइज ऑफ फाइनेंशियल असेट नहीं बोल सकते. द बेस्ट एग्जाम्पल फर्स्ट इज बिल्स डिस्काउंटेड. दिस यू हैव बीन डूइंग फ्रॉम योर FIJC. आप करते जाते हो बिल्स रिसीवेबल, बिल्स डिस्काउंटिंग. वॉट इज बिल डिस्काउंटिंग? बिल आपके पास है, यू गो टू द बैंक, बैंक आपको पैसा देता है एंड खत्म, द स्टोरी इज ओवर. नाउ अंडर बिल डिस्काउंटिंग व्हाट हैपेंस व्हेन यू, अभी आपका कोई डेटर्स का बिल रिसीवेबल, आपने बिल रिसीवेबल आपका है, यू हैव गिवन टू द बैंक. नाउ बैंकर ओनली गेट्स द राइट टू कलेक्ट द कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो. अंडरस्टैंड, कभी कल उठ के वो डेटर ने अगर डिफॉल्ट कर दिया तो बैंक विल कम एंड होल्ड, बैंक विल डायरेक्टली कैच अस. सो अंडरस्टैंड द रिस्क एंड रिवॉर्ड आर स्टिल विद यू. आपने खाली राइट टू कलेक्ट कैश फ्लो बैंक को दे दिया, बाकी अभी तक रिस्क एंड रिवॉर्ड कल के डिफॉल्ट होता है तो यू विल ओनली हैव टू कम एंड पे. सो हियर अंडरस्टैंड ओनली द राइट टू कलेक्ट कैश फ्लो इज ट्रांसफर, द रिस्क एंड रिवॉर्ड आर स्टिल अटैच विद द एंटिटी ओनली. सो इट इज रॉन्ग टू डी रिकॉग्नाइज द फाइनेंशियल असेट. अपन ओल्ड अकाउंटिंग साइड में क्या करते हैं, डायरेक्टली वी से बैंक अकाउंट डेबिट वट एवर इज द डिस्काउंटिंग एंड वी सेल टू बिल्स रिसीवेबल, अपन पूरा का पूरा डी रिकॉग्नाइज ही कर देते हैं. नाउ दिस इज रॉन्ग एज पर इंड एस 109, सिंस द रिस्क एंड रिवॉर्ड आर स्टिल विद द एंटिटी, जो भी आपने बिल्स रिसीवेबल को डी रिकॉग्नाइज किया है दैट कैन नॉट बी डन. एज पर इंड एस 109 बिल्स रिसीवेबल कैन नॉट बी डी रिकॉग्नाइज एज द रिस्क एंड रिवॉर्ड अटैच टू द कैश फ्लोज हैव नॉट बीन ट्रांसफर्ड. स्टिल द रिस्क, जो भी कैश फ्लो नहीं आया उसका रिस्क अभी भी आपके ऊपर ही है. सो वॉट डू वी डू इन दिस केस, अपन इसको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे. वी आर गोइंग टू से दिस इज लाइक अ लोन अरेंजमेंट, दिस इज लाइक अ लोन अरेंजमेंट. लाइक यू नीडेड मनी, तो आपने क्या किया, यू वेंट टू द बैंक, यू आस्क बैंक फॉर द लोन. बैंक इज लाइक गिव मी सम सिक्योरिटी, तो बिल्स रिसीवेबल यू गिवन इट ओनली एज अ सिक्योरिटी एंड बैंक हैज गिवन यू लोन. तो जो भी डिस्काउंटिंग चार्जेस है दैट इज एक्चुअली द इंटरेस्ट यू आर पेइंग ऑन द लोन. सो द एंटायर ट्रांजेक्शन विल बी कंसिडर्ड एज अ लोन अरेंजमेंट एंड नॉट बिल डिस्काउंटिंग. हियर द बिल विच यू आर गिविंग टू बैंक, इट इज जस्ट अ नॉर्मल सिक्योरिटी और कुछ नहीं है. जैसे एंटायर लाइक अ सिक्योरिटी, जो बिल आप दे रहे हो दैट इज सिक्योरिटी फॉर द लोन गिवन. सो व्हाट विल हैपन, हाउ आर वी गोइंग टू अकाउंट इट, से बिल्स रिसीवेबल इज ऑफ 100, द टर्म इज 1 year एंड प्रोसीड्स फ्रॉम द बैंक, बैंक आफ्टर डिडक्टिंग 10% इज गिविंग यू से 90.9, EIR इज 10%. सो ईयर जीरो में यू विल पास द एंट्री दैट यू हैव गॉट मनी, बैंक अकाउंट डेबिट दैट इज 90.9 ओनली, बिकॉज यू विल रिकॉग्नाइज द asset as fair value at initial recognition. So here this will be recorded at fair value at initial recognition and you will say to loan 90.9 and after 1 year this will the help of EIR will go to 100. So over the year aap entry pass karoge interest expense account debit PNL to loan that is 9.1. एंड नाउ एट दी एंड ऑफ ईयर वन वॉट विल हैपन, देर आर टू थिंग्स, या तो बिल ऑनर होगा या तो बिल डिस ऑनर होगा. इफ द बिल इज ऑनर्ड, इफ द बिल इज ऑनर्ड, सो वॉट विल हैपन, नाउ जो भी आपका लाइबिलिटी था, लोन था, सी बैंक मस्ट हैव कलेक्टेड द मनी, बैंक ने मनी कलेक्ट कर दिया, मतलब आपका लोन सेटल हो गया. सो यू विल पास द एंट्री लोन अकाउंट डेबिट 100 एंड नाउ इट इज द करेक्ट टाइम to de-recognize the financial asset that is bills receivable as 100. अभी आपका कोई भी रिस्क नहीं है, बिल सेटल हो गया है, बट इन केस इफ द बिल इज डिसऑनर्ड देन यू विल हैव टू पे टू द बैंक. आप बैंक को पूरा पे कर दोगे, यू विल से लोन अकाउंट डेबिट 100 टू बैंक 100, मनी विल हैव टू बी पेड बैक एंड नाउ अगेन यू विल हैव द राइट टू कलेक्ट द कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो फ्रॉम दैट बिल्स रिसीवेबल. तो अभी भी आपके बुक्स में बिल्स रिसीवेबल दिखेगा फिर एज अ फाइनेंशियल असेट, बट ओनली कंसिडर्ड अंटिल इट्स बैड. अगर बैड हो गया तो फिर आपको उसको राइट ऑफ करना पड़ेगा, बट टिल नाउ व्हेन द बिल इज डिसऑनर्ड बैंक को पैसा दे दो, यू अगेन यू हैव द कॉन्ट्रैक्चुअल राइट टू हैव द बिल. सो स्टिल द बिल रिसीवेबल इज बीन सीन एज अ फाइनेंशियल असेट ओनली, दैट इज द करेक्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट as per the index, which makes sense also because कल उठ के आपने एक बार ओल्ड एज में बिल्स दे दिया था, बट कल उठ के अगर सामने वाला डिफॉल्ट करता लाइबिलिटी आप पे ही आने वाला था, दैट इज वेरी रॉन्ग टू डी रिकॉग्नाइज. सो न्यू इंड एज दैट इंड एज विल टेक केयर दैट अंटिल द रिस्क एंड रिवॉर्ड आर ऑल्सो नॉट ट्रांसफर्ड इट विल बी स्टिल शोन इन योर बुक्स ओनली.
सो दिस इज सो वी आर बेसिकली फोर केसेस इन केस ऑफ डीरेकग्निशन पे पास चार केस है. सबसे फर्स्ट इज बिल्स रिसीवेबल, सेकंड इज फैक्टरिंग, थर्ड इज सेल्स एंड सेल्स एंड रेपो एंड द फोर्थ केस व्हाट वी हैव इज अगेन वी हैव थ्री केसेस ओनली. चलो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट केस दैट इज फैक्टरिंग. व्हाट इज फैक्टरिंग? यू गिव योर कंपनी का डेटर्स टू द फैक्टर्स की जाके तुम कलेक्ट कर लो. So how are we going to account? Are we going to de-recognize the debtors or not? Depends upon two things. Factoring check karo. Do they have the recourse option or they do not have the recourse option? Non-recourse matlab kya? Ki kal utke paisa nahi aaya. The factor will come to you and he will charge you the money. Ki in that case, what do you mean by recourse? Recourse matlab factor will not bear the bad debts risk. Will not bear bad debts risk. That means the factors have a recourse action that they can come and they can collect जो भी उनका bad debts अगर नहीं आएगा they can collect from you. So in this case again derecognition is not allowed because the risk and reward of the cash flows are still with you only. Only the right to collect the cash flow is with the factor. So in that case derecognition is not allowed and same generalities जो bill discounting में pass करते हो same generalities will come over here also. What about non-recourse? Non-recourse मतलब क्या? Factor is actually going to bear the risk. He does not have any recourse action. He cannot come back to you. Bad debts तो उसका भुगतना उसको पूरा मिल गया तो वो भी उसका इलाक. So in this case, what are we going to do? We will actually de-recognize the debtors at the time of factoring. Because अगर करके पैसा नहीं भी आया, it is the factor's headache and not our headache. So here the risk and reward, everything is transferred to the factor over here. So risk of bad debts is transferred. So you are going to get only 19.9. Factors आपको हाथ में पूरा 100 नहीं देगा. Factors will give you only 19.9 from factor. Now in case of debt of 100, अगर factor को पूरा 100 मिल गया तो वो 100 पूरा रखेगा. In case even if he gets say 80 rupees only, तो loss भी उसका रहेगा. If he gets full तो ठीक है वो उसका. And even if he does not get full, then the loss is also of the factor also. So here we will say bank में we have got 19.9. And we will say since it's a non-recourse, we will say loss on derecognition, that is 9.1, and we will say to trade receivable, that is 100. Are we clear? This is your derecognizing the debtors only if the factors are a non-coercible thing. Come on to the next illustration. Illustration number 68. ST assigns its trade receivable to AT Limited. The carrying amount of receivable is 10 lakhs. The consideration received in exchange of this assignment is 9 lakh. Customers have been instructed to deposit the amount directly in a bank account for the benefit of AT. AT Limited has no recourse to ST Limited in case of shortfall in collection. State whether derecognition will apply or not. Yes, derecognition will apply because the risk of bad debts. All the risk and rewards of the contractual cash flows are transferred to the factor. In this case, the entire thing we are going to derecognize. So now what generality we are going to pass over here? Because it is on non-recourseable basis, so apan pura ka pura financial asset ko derecognize kar sakte. We will say bank mein apne ko milega 9 lakh rupees. Two trade receivable will directly de-recognize 10 lakhs and the difference will be taken to loss on de-recognition. That is 10,000. Are we clear? This is your in case of factoring. The third situation we are going to case, jahan pe de-recognition applicable hoga, will be sale and repurchase option or sale and repurchase repo transaction. What is exactly over here? Say X Limited has sold a financial asset to Y. I'm using the word sold a financial asset to Y and then agreed to buy the same financial asset, repurchase the same at say some X price. Some jobs, the X has sold a financial asset to Y at 100 rupees and same X also agreed to buy the same asset at 110. So ideally, if you actually see this transaction, there is no sale or purchase. Ideally, ये कैसा एक loan transaction हो गया? Understand? कल उठ के अगर ये asset जो भी वापस repurchase करने वाले, इसका asset का value 150 हो गया, ये asset का value 10 भी हो गया. The risk is with whom? X or Y? It's still with X. So all the risk and reward are still with X. So how can you say this is a normal sale transaction and a purchase transaction? No, over here. Actually, ये क्या एक loan arrangement है?
What would have happened? X को पैसा चाहिए रहेगा, सो एक्स डजंट हैव मनी, सो ही वेंट टू वाई. वाई इज लाइक गिव मी सम सिक्योरिटी. तो आपने एक फाइनेंशियल असेट एज अ सिक्योरिटी रख दिया वाई के पास, एंड देन यू प्रोमिस टू एक्स, यू प्रोमिस टू वाई दैट आफ्टर अ ईयर आपको मैं वापस पूरा का पूरा, आई विल टेक बैक द असेट एंड आपने जो 100 दिया विद इंटरेस्ट आई विल पे यू 110. सो योर दिस फाइनेंशियल असेट इज नॉट एक्चुअली सेल एंड रिपर्चेस, दिस इज एक्चुअली केप्ट एज ओनली एज अ सिक्योरिटी. इधर आपने खाली इसको सिक्योरिटी तरह, बिकॉज इफ इट वॉज एक्चुअल सेल तो जो भी रिस्क एंड रिवॉर्ड होगा वो एवरीथिंग विल बी विद वाई. यहाँ पे वाई ऑल्सो कैनॉट डू एनीथिंग विद द असेट. वाई नहीं चाहे असेट बेच सकता है, वाई कैनॉट डू, वाई विल हैव टू कीप इट वेरी वेरी सेफली बिकॉज ही नोज एक्स विल टुमारो कम एंड बाय दिस असेट फ्रॉम मी. सो इन दैट केस यू कैन से द रिस्क एंड रिवॉर्ड आर स्टिल विद द सेलर ओनली, विद अ एक्स ओनली. सो यू कैनॉट से दिस इज अ सेल. Normally, we cannot say it is a sale transaction because आपने sale बोल दिया, you will end up derecognizing the financial asset. Understand, risk and reward are still with you. जब तक risk and reward transfer नहीं होगा, derecognition of financial asset will also not happen. So in this case, we are going to say this is not a sale transaction but a normal loan transaction. Are we clear? So do not derecognize the financial asset. अपन generally क्या pass करेंगे? We will say bank, we got 100 rupees, and we will say nothing but that is a loan. And year one में we will say interest account debit to loan that is 10 rupees and then as on 31st December we are going to repay, we will say loan account debit to bank, correct? So ये पूरा का पूरा transaction आपका loan arrangement हो जाएगा. This is not a sale and repurchase. You cannot say आपने 110 में वापस repurchase किया, no no, you are repaying, you are borrowing and repaying. This transaction is borrowing and repaying and not sale and repurchase. Are we clear over here? Now if what if the repo, that is the repurchase वाला option, they said कि जो भी उस time price रहेगा फेयर वैल्यू ऑन डेट ऑफ रिपर्चेस वो आपको दे देंगे. नाउ यू कैन से दिस इज नॉट अ रेपो, दिस इज नॉट अ रेपो ट्रांजेक्शन बट इट इज एक्चुअली ट्रांसफर ऑफ रिस्क एंड अवॉर्ड. अंडरस्टैंड, अर्लियर वॉट वॉज हैपनिंग, रिस्क एंड रिवॉर्ड एवरीथिंग वॉज विद द सेलर ओनली, बट हियर नाउ यू आर ट्राइंग टू से यू अग्रीड विद वाई की वॉट एवर इज द फेयर वैल्यू ऑफ दैट असेट आफ्टर वन ईयर आई विल पे यू. सो नाउ यू कैन से दिस इज एक्चुअली अ सेल एंड यू आर एक्चुअली रिपर्चेसिंग इट बिकॉज रिस्क एंड रिवॉर्ड भी ट्रांसफर कर रहे हो वाई को, करो के असेट का वैल्यू बढ़ा घटा एवरीथिंग इज ऑन वाई. सो नाउ यू कैन डी रिकॉग्नाइज द फाइनेंशियल असेट एंड यू कैन से द रिस्क एंड रिवॉर्ड इज एक्चुअली ट्रांसफर. सो नाउ यू कैन से दैट इट इज नथिंग बट अ सेल एंड रिपर्चेस ट्रांजेक्शन, दिस इज नॉट अ लोन ट्रांजेक्शन. आर वी क्लियर? सो इन केस ऑफ सेल एंड रिपर्चेस, जस्ट टू समराइज इट, इफ यू आर प्लानिंग टू रिपर्चेस, इफ यू आर प्लानिंग टू रिपर्चेस एट फिक्स प्राइस, आपने ऑलरेडी प्राइस डिटरमाइन कर दिया है, दैट इज बाय एडिंग द फिक्स इंटरेस्ट रेट. सो इन दिस केस ऑलवेज रिमेंबर, डी रिकग्निशन वोंट बी अलाउड बिकॉज यू आर नॉट सेलिंग द असेट ओनली. डी रिकग्निशन इज नॉट अलाउड, रिस्क एंड रिवॉर्ड आर स्टिल विद द सेलर, दिस इज नॉट अलाउड एंड दिस एंटायर ट्रांजेक्शन विल बी अकाउंटेड एज लोन ट्रांजेक्शन, एज लोन एंड रीपेमेंट. ये लोन एंड रीपेमेंट हो जाएगा, नॉट सेल एंड रीपर्चेस बट लोन एंड रीपेमेंट हो जाएगा. बट इन केस, इन केस the repurchase is at actual fair value on the date of purchase, agar ye situation hai, then you can say yes, now it is a proper sale and agar baad mein liya to proper purchase hoga. So now you will de-recognize the entire security sold, you will de-recognize the security sold, that is or because all the risk and reward are now transferred to the buyer and transaction will be accounted as sale as purchase. Jo aapne jab sale kiya, you will say bank account debit 100 to investment 100 and in case you are repurchasing it, to jo bhi fair value rahega investment account debit to bank. Now this won't be considered as a loan and repayment arrangement but this will be considered as a proper sale and this will be considered as a proper, you can say, sale and repurchase arrangement. Are we clear? Now what if this sale and repurchase, ye jo bhi aapka sale and repurchase hai, it comes with an option. Option matlab call option ya put option. Theek hai? So in that case, agar ye call ya put option pe rahega, to we have to see ki ye particular option hai, wo exercise hoga ki nahi hoga. Because if it will be exercisable, matlab wo wapas ghum ke repurchase hone hi wala hai. But if it is not going to be exercised, then you can say it as a sale and repo. For example, how are we going to see?
वी लुक एट द वैल्यू ऑफ ऑप्शन, अपन वैल्यू ऑफ ऑप्शन देखते हैं। वैल्यू ऑफ ऑप्शन मतलब क्या, इफ द वैल्यू, इफ द ऑप्शन इज डीपली इन मनी, डीपली इन मनी मतलब प्रॉपर, मतलब लॉजिकल उसमें फायदा ही होने वाला है तो वो एक्सरसाइज होने वाला है। कॉल ऑप्शन भी अगर डीपली इन मनी मतलब यू आर गोइंग टू बाय या सेलर इज गोइंग टू सेल, तो इन दैट केस इसको अपन बोलेंगे लोन एंड रीपेमेंट का ही अपन अकाउंटिंग करेंगे, बिकॉज द असेट इज गोइंग टू कम बैक टू द बायर, कम बैक टू द सेलर। बट इन केस द ऑप्शन इज एट मनी, एट मनी मतलब क्या हो गया, मार्केट प्राइस के हिसाब से, तो इन दैट केस वी आर गोइंग टू कॉल इट एज सेल एंड रेपो ट्रांजेक्शन। इफ यू आर गोइंग टू एक्सरसाइज द ऑप्शन तो वो रेपो भी हो जाएगा, बट इफ द ऑप्शन इज डीपली आउट ऑफ मनी, तो ट्रांजेक्शन इज डीपली आउट ऑफ मनी मतलब वो कभी भी एक्सरसाइज होने नहीं वाला, दिस इज द प्रॉपर क्लियर सेल, दिस इज द प्रॉपर क्लियर सेल, देन यू आर गोइंग टू सेल इट। एंड इन केस बाद में जाके अगर आपने एक्सरसाइज भी कर दिया तो वी विल कॉल इट एज अ सेल एंड रेपो ट्रांजेक्शन। So in case it's an option, how are you going to decide? आप चेक करोगे whether deeply in money, deep in money मतलब क्या हो गया? There is a high probability to exercise. मतलब if the option to buy the share, deeply in money तो वो buy करने ही वाला है. If the seller has a call option and if it's deeply in money, he is going to exercise and he is going to sell it. दोनों option अगर एक भी option deeply in money हुआ तो वो वापस असेट घूम फिर के सेलर के पास आने वाला है, अगर सेलर के पास आने वाला है यू नो फ्रॉम द फर्स्ट डे बिकॉज ऑफ द ऑप्शन, देन यू आर गोइंग टू से दिस इज अ लोन अरेंजमेंट एंड नॉट अ सेल एंड रेपो। सो इन दिस केस यू आर गोइंग टू कंटिन्यू टू रिकॉग्नाइज द फाइनेंशियल असेट एज ऑप्शन विल बी एक्सरसाइज एंड द फाइनेंशियल असेट विल बी कमिंग बैक टू द सेलर, तो इसको अपन बोलेंगे लोन एंड रीपेमेंट। बट इन केस इट इज एट मनी मतलब पार विद द मार्केट के हिसाब से, और इट इज से आउट ऑफ मनी, सो हियर द प्रोबेबिलिटी टू एक्सरसाइज इज लो और निल। तो इस केस में वो लोग बोलते हैं कि नहीं, ये जेन्यून सेल है और वापस अगर आपने ऑप्शन एक्सेस किया तो उसको वापस आप रिपर्चेस कर सकते हो। सो हियर यू विल एक्चुअली डी रिकॉग्नाइज एट द टाइम ऑफ सेल बिकॉज द असेट मे नॉट नेसेसरी रिवर्ट बैक टू द सेलर। तो अपन जो लीगल फॉर्म है, अगर सेल का लीगल फॉर्म है तो लीगल फॉर्म में अपन स्टिक टू इट एंड रीपर्चेस का लीगल ऑप्शन वी आर गोइंग टू बाय इट। बट इन केस लेटर ऑप्शन, अगर लेटर ऑप्शन गेट्स एक्सरसाइज देन यू पास द एंट्री ऑफ रीपर्चेस, रीपर्चेस का एंट्री अपने को वी ऑलरेडी नो। सो लेटर earlier you thought it is out of option but market mein kuch hua, as condition got improved and now you want to exercise it, then you have to say it at a repurchase. So us time aapko wapas purchase ka entry karna padega. Are we clear? Let's look at an illustration. Come on, illustration number 69. A government bond is sold for 1 lakh under the repurchase agreement after 1 year, and the repurchase price as per the agreement is fixed price of 1,10,000. Evaluate the derecognition principle under the following scenario. Repurchase government is for the same government bond, and second, repurchase agreement provides the transferee a right to substitute other government bond of equal fair value, मतलब दूसरा bond भी दे सकता है same value का 1,10,000 का, to the transferred government bond at the repurchase date. What do you think? Will you This is, does it look like a legit sale and repurchase transaction? No, this is not a legit repurchase. See, repurchase is happening after 1 year, which happens at a fixed price also of 1,10,000. So your sale and repurchase should not be subjected to derecognition, and instead it will be entirely treated as a loan. ये कैसा होता? This transfer has given person the loan, और उसने बाद में आगे जाके 1,10,000 के through repay कर दिया. So this is a genuine loan and repayment, and not a सेल एंड रेपो ट्रांजेक्शन। सो गवर्नमेंट बॉन्ड विल स्टिल बी कंटिन्यू, तो इसके ट्रांसफरर की बुक्स में जो भी गवर्नमेंट बॉन्ड है दैट विल कंटिन्यू टू बी रिकॉग्नाइज्ड, विल कंटिन्यू बी रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरर, इवन इरिस्पेक्टिव वेदर बॉन्ड इज रिसीव्ड और अनदर बॉन्ड। बिकॉज देखो, गवर्नमेंट बॉन्ड ये बॉन्ड हो कि सेम वैल्यू का बॉन्ड हो, बात तो एक ही हो गया ना। यू आर गिविंग, हाँ, इफ इज गिविंग समथिंग मोर देन और समथिंग लेस, बोला कि मैं एक्स्ट्रा कुछ, आई गिव यू अनदर बॉन्ड विच इज वर्थ 1,20,000 या 1 lakh, तो यू कैन से समथिंग इज डिफरेंट। बट अगर फिक्स प्राइस, आपने फिक्स प्राइस कर दिया 1,10,000 का इक्विवेलेंट मिलने वाला है, सो इन दैट केस इट डजंट मैटर, यू गिव द सेम गवर्नमेंट बॉन्ड और यू गिव द अनदर गवर्नमेंट ऑफ द सेम वैल्यू, द डीरेकग्निशन वोंट हैपन। ये पूरा का पूरा ट्रांजेक्शन आपका लोन ट्रांजेक्शन हो जाएगा एंड इट वोंट बी अ सेल एंड अ रेपो ट्रांजेक्शन। आर वी क्लियर?
Coming to the next illustration, illustration number 70. A financial asset is sold and the transferee has a put option. Let's look at some alternate scenario. So you have, say, seller and buyer. So financial asset is sold and transferee, in case this is a transferee, he has a put option. Let's look at some alternative scenario. If the put option is deeply in money, matlab it is such an option which is highly probable to exercise. Agar wo exercise karne hi wala to wapas asset aane hi wala hai. In this case, this will be a loan and repayment transaction. If the asset, if the put option is deeply out of money, in case the right to sell, put option is right to sell. If it is deeply out of money, matlab wo kabhi bhi wo asset bechne nahi wala hai. So basically the exercise won't be happening. Asset kabhi revert hoga nahi. In that case, this is a genuine sale and repo transaction. Are we clear? After this, now we come to the next scenario. We come to this one more scenario of derecognition, that is securitization. What do you understand by securitization? So before understanding the word securitization, let's take an example and try to explain what is the exact procedure. Say HDFC company, HDFC Bank has a portfolio of non-performing assets. Inke paas bahut non-performing assets hai, say to the tune of 100 crore. And he is selling, I am ready to sell someone the same portfolio jo worth 100 crore hai, I am ready to sell it at 40 crores only. Now, so there are many companies which are known as ARC. ARC matlab Asset Restructuring Company. Asset Restructuring Companies. Who are ready to take this loans owning to good realization policy. वो बोलते हैं हमारा तरीका ऐसा, हम लोग पूरा पैसा वसूल करके देंगे आपको. We have our new policies, new ways, asset restructuring company, कि हम लोग आपका पैसा वसूल करके दे देंगे. So what? So HDFC like, okay, you take for me, I cannot realize it, so it's non performing for me. For them, this becomes an asset. तो वो लोग क्या करते हैं? They will take this particular portfolio which is worth 100, they will take it at 40. Again, why will the asset restructuring company take? Because they are very sure of their asset, or they are very sure of their realization policy, कि हम लोग इसमें से proper पैसा realize करके दे देंगे. So they are going to take it. So what happens? Say you have an HDFC bank. The fair value of the asset portfolio is 100. They are going to transfer 40 crore ka, they will go to a trust. जो अपना asset restructuring company क्या कर रहा है? They are ARC which form trust, और वो trust के हिसाब से वो लोग काम करते हैं. So now understand, trust के पास तो इतना पैसा होगा नहीं. So ARC क्या करता है? He ideally issues depository certificates. He issues participatory certificate. Participatory certificate, they are like more like say debenture note जैसे अलग अलग investors को देते हैं, जैसे investor Mr. A. So what will happen? Mr. A will give money and trust will pass that money 40 crores to the HDFC. Correct? Again, investor will invest in the trust. Trust will give that money and they will buy the entire bond of portfolio. So in the books of trust, generally it is क्या रहेगा? They will get money bank, or first they will say कि loan asset account debit 40, and they will pay to the bank HDFC, and then they will issue depository receipt, उसमें उनको 40 आएगा to. Now understand, ARC does not have money over here. Understand, ARC का पैसा नहीं था. तो इन लोगों ने क्या बोला, ARC ने depository ये debenture notes issue किए, like debentures. So Mr. A बोलता, क्या बोलता है, I am investing in you, but I expect some fixed percentage of interest. Now understand, whenever recording this too, your ARC does not have money to repay, still उसको कुछ ना कुछ जुगाड़ करके अरेंज करके देना ही पड़ेगा. They are like debentures of the, they are like the debentures of the trust company. So liability, and so you'll have to record it as a debenture liability. इसको आपको debenture liability की तरह recognize करना पड़ेगा. That is 40. Asset should, तो इधर आपको asset भी दिखेगा आपकी books में, and will also see a debenture liability. Both will not be de-recognized, because still ये cash flow को इकट्ठा करने का, इसका जिम्मेदारी अभी भी आपके पर. Risk and reward attached to this cash flow are still with you. So you cannot de-recognize the asset. It is still at the risk of ARC. ठीक है? This is a normal case. Now understand what happens. इनको बोला आपको percentage नहीं मिलेगा, fixed percent नहीं मिलेगा. We will give you the proportionate share in the collection. What is happening in participatory? ये लोग अभी है ना, ARC वाले participatory notes attach करते हैं. They issue
participatory notes, and जो पार्टिसिपेटरी नोट लोग क्या करते हैं, जो भी वो फाइनेंशियल असेट का रिस्क होता है दे ट्रांसफर टू द इन्वेस्टर. वो इन्वेस्टर को क्या बोलते हैं, जितना भी पैसा आएगा, जितना हाउ मच एवर मनी वी रियलाइज, वी विल गिव यू योर प्रोपोर्शनेट शेयर. इफ यू आर पेइंग, यू आर टेकिंग द रिस्क ऑफ 80%, तो 80% शेयर हम आपको देंगे. हम जितना भी कलेक्ट करेंगे, वी कलेक्ट 30 तो 80% आपका, वी कलेक्ट 70 तो 80% आपका. सो योर इन्वेस्ट थ्रू सो इन्वेस्टमेंट एक्सेप्ट, तो इन्वेस्टर क्या बोलता है, ठीक है आई एम ओके विद इट. सो इन्वेस्टर यूर एक्सेप्ट द प्रपोजल ऑफ द प्रोपोर्शनल शेयर ऑफ द अमाउंट. सो यहां पर क्या होता है, थ्रू पार्टिसिपेटरी नोट्स टू दिस पर्टिकुलर पार्टिसिपेटरी नोट्स द एआरसी कंपनी ट्रांसफर द 80% ऑफ रिस्क टू मिस्टर ए. और जैसे ही आपने रिस्क ट्रांसफर कर दिया, यू नाउ हैव द राइट टू डी रिकॉग्नाइज द एंटायर फाइनेंशियल असेट. सो योर जितना भी रिस्क था अप टू 80%, नाउ इट इज नॉट योर रिस्क बट इट इज ऑफ मिस्टर ए. सो यू डी रिकॉग्नाइज द लाइबिलिटी डायरेक्टली बाई 80%. सो आप बोलोंगे आपने जो, सो इंस्टेड अगर समझो अगर फिक्स रिटर्न नहीं होता तो ये एंट्री आपका नहीं होता, बिकॉज नाउ यू इट्स नो मोर अ लाइबिलिटी कंपोनेंट फॉर यू. एंटायर रिस्क इज, जितना भी वो रिस्क लेके जा रहे, इट इज ऑफ द इन्वेस्टर. सो नाउ यू विल रिकॉग्नाइज द एंट्री, दैट इज यू हैव रिसीव्ड बैंक में 40 रुपीज. सपोज यू आर ट्रांसफरिंग द रिस्क वर्थ 80%, तो 40 जो आपका लोन का फाइनेंशियल असेट, लोन फाइनेंशियल असेट 40 दिख रहा है, उसको डी रिकॉग्नाइज कर दो 80%. यू विल से टू लोन 32 and the remaining will be taken to your PNL, that is 8. That is, आपको 40 rupees मिला है by transferring, by giving a set of 32, the remaining is your profit and loss. So now exactly what happened, the ARC company ended up buying loans of fair value 100 lakh, which were only purchased at 40, and through the promissory notes, ये जो notes के through, इन्होंने पूरा का पूरा नहीं, कैसे 80% risk they have transferred to the outside party and they have retained only 20% risk. So what you do is you de-recognize the 80% of the loan asset. आपने जो loan asset बताया था, you de-recognize as 80% is not your financial asset but now it is of Mr. A. You only have the right to collect the cash flow but all the risk and all the rewards attached to the cash flow are with Mr. Investor A. Earlier case में when you assured them fixed percentage, तब risk reward सब आपके पास था, इसलिए आपने Mr. A को debenture liability में बताया था. But now when you through promissory notes, अगर आपने risk transfer कर दिया, तो भी वो loan से जो भी उसका जो भी आपका loan, जो भी आपका financial asset loan है, whatever is a financial asset loan, उसका पूरा risk and reward you have transferred to the investor. So now in this case, what you will do, तो आपने बोला मेरे पास financial asset 40 का है, 80% I have transferred the risk, तो इसका 80% ही recognize कर दो, बाकी जो आपका पड़ा है, that is 8, that will go to your PNL. Are we clear? तो 40 you got, you transferred 32 का risk and 8 is your PNL. और बाकी का जो 20% है, अभी भी 40 का 20%, that risk is still with you only because rest 20% risk is still you are only bearing. So now what is exactly इस पूरे process को अपन securitization बोलते हैं. Now understand, I'm reading the definition of securitization. An entity may hold the portfolio of loans. So entity, what does it does? It holds the portfolio of the loans. जैसे SBI से या HDFC बैंक से आया था, सो ARC कंपनी विल होल्ड द पोर्टफोलियो ऑफ द लोन्स एंड इश्यू द सिक्योरिटीज टू द इन्वेस्टर ऑन द बेसिस ऑफ दिस लोन. दिस सिक्योरिटीज वुड पास थ्रू अ प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ रिस्क टू द इन्वेस्टर. ये जो आपने सिक्योरिटीज दिया है, ये जो भी आपने सिक्योरिटी ऑन द बेसिस ऑफ द लोन, द सिक्योरिटीज वुड पास थ्रू अ प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ लोन कलेक्टेड टू द इन्वेस्टर. मतलब जितना भी आपको कैश फ्लो आएगा, उतना प्रोपोर्शन आपको इन्वेस्टर को देना है. दिस एंटायर प्रोसेस इज कॉल्ड सिक्योरिटाइजेशन. सो एंटिटी अगेन हैज ओनली द राइट टू कलेक्ट द कैश फ्रॉम द लोन, बट द रिस्क एंड रिवॉर्ड आर ट्रांसफर टू द अल्टीमेट इन्वेस्टर. जितना भी रिस्क का वर्ड ट्रांसफर किया, वो अल्टीमेट इन्वेस्टर को आपने ट्रांसफर कर दिया है. देयरफॉर इट इज अप्रोप्रिएट टू डी रिकॉग्नाइज द फ्रेशरी. अगेन, डी रिकॉग्नाइजेशन का मेन प्रिंसिपल क्या है? Do you transfer the rights to collect cash flow, but the risk and reward should also be transferred. Till the time risk and reward are with the entity, you cannot de-recognize. Either aapne through promissory notes aapne risk or reward transfer kar diya, agar risk or reward transfer kar diya, then you are allowed to de-recognize the financial asset. So when it is considered ki risk or reward transfer ho gaya, standard says check three conditions, that if whatever money is coming, whatever money is coming or which you are going to collect,
इफ इट इज गोइंग टू पास ऑन, अगर आप वो पूरा का पूरा जो आपका कलेक्शन है जितना अग्रीड रिस्क है, यू आर पासिंग ऑन दैट रिस्क एंड यू कैन नॉट ट्रांसफर दिस लोन अकॉर्डिंग टू योर विल, बिकॉज द रिस्क इज ऑफ द इन्वेस्टर, आपके हाथ में नहीं है अभी वो लोन को बेचना नहीं, बिकॉज रिस्क इज विद द अल्टीमेट इन्वेस्टर. इफ यू कैन नॉट ट्रांसफर द लोन एट योर ओन विल एंड यू रेमिट द एंटायर कैश फ्लो विदाउट एनी डिले, जैसे पैसा आया आपको पैसा दे देना चाहिए एंड नॉट दैट यू आर यूजिंग द मनी, अगर ये सब विदाउट एनी डिले, इफ दिस ऑल कंडीशन फुलफिल, देन ओनली वी कैन से द रिस्क एंड रिवॉर्ड आर ट्रांसफर टू द इन्वेस्टर. बिकॉज अंडरस्टैंड, अगर पैसा आ गया यू आर नॉट गोइंग टू पास, तो यू आर कीपिंग द रिवॉर्ड. इफ यू आर हैव द राइट टू सेल द लोन, वो लोन फाइनेंशियल आपने बेच दिया किसी और को, अगेन द रिस्क एंड रिवॉर्ड इज विद यू. इफ यू आर रेमिटिंग द कैश फ्लो आफ्टर थ्रू 3-4 ईयर्स, आप पैसा यूज करो बिजनेस करो, तो दैट इज अगेन रॉन्ग. सो इफ इफ यू वॉन्ट टू से द रिस्क एंड रिवॉर्ड आर ट्रांसफर, तो ये तीनों कंडीशन फुलफिल होगा तभी आप बोल सकते हो कि रिस्क एंड रिवॉर्ड आर एक्चुअली ट्रांसफर. अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल नहीं होगा तो यू कैन नॉट से द रिस्क एंड रिवॉर्ड आर ट्रांसफर टू द रिस्क एंड रिवॉर्ड आर ट्रांसफर टू द अल्टीमेट इन्वेस्टर. नाउ लेट्स लुक एट एन इलस्ट्रेशन, कम ऑन इलस्ट्रेशन नंबर 71. एंटिटी ए मेक्स अ 5 ईयर इंटरेस्ट बेरिंग लोन, द ओरिजिनल दैट इज द ओरिजिनल एसेट ऑफ 100 करोड़ टू एंटिटी बी. सो बेसिकली एंटिटी ए ने एंटिटी बी को लोन दिया 100 सीआर. एंटिटी ए सेटल्स अ ट्रस्ट एंड ट्रांसफर्स द लोन टू द ट्रस्ट. तो एंटिटी की ए के पास जो भी लोन था टू बी, दे हैव ट्रांसफर्ड दैट एंटायर लोन टू अ ट्रस्ट. The trust issues participatory notes to an investor, entity C, that entitles to the investor to the cash flow from the asset, that is the loan to B. As per the trust agreement with entity C, in exchange for a cash payment of 90 crore, trust will pass entity C 90% of all the principal and interest payment collected from entity B. As and when if collected, trust accepts no obligation to make any payment to entity C other than 90% of exactly what has been received from entity B. Trust provides no guarantee to entity C about the performance on the loan and has no rights to retain 90% of the cash collected from entity B, nor any obligation to pay cash to entity C if the cash has not been received from entity B. Compute the amount to be derecognized. See, very easy. There's an entity A जिसने कभी बी को लोन दिया था और अभी वो लोन इसका फाइनेंशियल असेट हो गया, लोन टू बी फॉर एंटिटी ए, करेक्ट. नाउ व्हाट इज डन, एंटिटी ए ने क्या किया, ये पूरा का पूरा लोन दे दिया ट्रस्ट को एंड ट्रस्ट ने व्हाट हैज दे डन, दे हैव फाउंड एन इन्वेस्टर एंटिटी सी एंड थ्रू द प्रॉमिसरी नोट्स और थ्रू द पार्टिसिपेटरी नोट्स, they have been able to transfer 90% of the risk to the investor. कि जो पैसा आएगा उसका 90% आपको आएगा, अगर आया तो आपको 90% आएगा, नहीं आएगा तो वी आर हैव नो ट्रस्ट हैज ऑलरेडी मेड अ क्लियर अग्रीमेंट दैट इवन इफ द मनी कम्स देन वी आर गोइंग टू गिव यू, अगर नहीं आया तो वी आर नॉट अंडर एन ऑब्लिगेशन टू पे यू ओवर यूर. अब ये क्लियर. So let's see the general entry. So in the given case, we can understand that trust has obligation to pay exactly 90% of whatever is collected, no obligation to pay anything over and above. And we are assuming ki amount collected jo hoga pura ka pura saath mein remit ho jayega, and assuming the other condition is also satisfied, therefore this transaction qualifies for proportionate derecognition of financial asset because risk and reward of this particular loan have been transferred to the participatory receipt to investor C. To abhi trust apni books mein jo bhi financial asset hai loan to bhi wo pura ka pura derecognize kar dega. So your trust would proportionally recognize how much 100 crore ka hai, that will be 90%, or 90% wo pura ka pura derecognize kar dega. So your journal entry will be bank account debit to loan, derecognize 90, correct, no obligation to pay money, we have derecognized the entire loan, we wouldn't create a liability because koi obligation nahi pay karne ko. So or just I think we forgot one step before this. What entry trust would have passed before giving the deposit? पहले लिया तो रहेगा ना, तो what they have, what entry they must have passed, they must have recognized loan to be to bank which is of 100 crore. See logically समझने की बात है, ये जो loan जो pay किया है ना, this would be ideally be less, वरना कोई 100 अगर
suppose the loan would have been good, why would entity give at the same price? Ideally, if you ask me, this would be a bit less. इसलिए उसने ट्रस्ट को दिया रहेगा एंड देन ट्रस्ट ने ये एंट्री किया रहेगा, डिपॉजिट रिसिप्ट को पास ऑन कर दिया. सो वॉट इफ ट्रस्ट, जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, वॉट इफ ट्रस्ट ने ये 100 करोड़ का लोन अगर 95 में लिया होता, अगर 95 करोड़ में लोन लिया होता, तो देन 95 करोड़ का 90% वुड हैव बीन ट्रांसफर्ड टू सी. सो इन्वेस्टर सी वुड हैव पेड थ्रू बैंक 90 लाख या 90 करोड़ जो भी रहेगा, एंड वी वुड हैव डीरेकग्नाइज्ड द लोन टू द एक्सटेंट ऑफ 95 करोड़ इनटू 90%, दैट इज 85.5, एंड डिफरेंस वुड हैव बीन आर गेन टू गेन, दैट इज 4.5, बिकॉज इट्स अंडरस्टूड यू हैव रिसीव्ड, द ट्रस्ट हैज रिसीव्ड समथिंग फ्रॉम इन्वेस्टर 90 रुपीज, जिसका वर्थ खाली 85.5 है, तो बाकी जो भी डिफरेंस होगा वो आपका गेन होगा. बाकी 10% का तो रिस्क स्टिल विद द ट्रस्ट, दैट इज दैट विल बी स्टिल शोन एज अ फाइनेंशियल असेट इन द बुक्स ऑफ द ट्रस्ट, बट 90% जो आपने रिस्क ट्रांसफर कर दिया है, वो 90% ट्रांसफर करने के लिए आपको 85 आप यू हैव रिसीव 90 रुपीज फॉर ट्रांसफरिंग वर्थ रिस्क 85.5, सो इट्स अ गेन फॉर यू, तो आपके इधर 4.5 आ जाएगा. आर वी क्लियर? नाउ कंटिन्यूइंग विद फर्दर, if you remember when we had done financial liabilities, we had seen there were 6 items which are specifically specified under FVTPL category. We were left with one of the item. Kaun si 6 item thi? First was derivatives, then held for trading liabilities, you had guarantees, you had contingent consideration, you had assets liabilities designated as FVTPL, aur ek aur apna baki tha, that is continuing involvement. Now let's understand what was that continuing involvement all about. Now the last what we have seen, the factoring part. अगर factoring non-recourse basis पे होता है तो what do you do? We normally derecognize the asset. अभी अपने देखा जब factoring का अगर non-recourse basis पे होता है तो entire risk is of the debt of the factor, तो we derecognize the entire financial asset. But what happens if you give guarantee for some amount of debtor? अगर आपने बोला कि नहीं इतना थोड़ा amount आएगा debtor से, then you are still continuing or your involvement is still with that particular asset. You are still continuing the involvement of with the asset because you have given a guarantee. आपने जो non-recourse basis पे दिया, आपने बोला थोड़े debtors का आपने guarantee दिया है, तो still you are continuing, your involvement is still there with the debtor, with that particular financial asset. तो उसको बोलते हैं अपन continuing involvement approach. That because of the guarantee, you are still continuing the involvement with that particular financial asset. There is a transfer, but also there is a guarantee. Transfer kar rahe ho, financial asset will get de-recognized. But again, there is a guarantee. So let's take an example. See, you have a debtor of 100 and you have sold this debtor on non-recourse basis. On non-recourse basis, aapne debtor, you have sold, let's say 80. Now, you have given a guarantee. You have given a guarantee of say 15 rupees worth debtors. Ki 15 rupees to 100% you are going to get only. So now what journal entry you are going to pass? You will pass a journal entry that since the debtors are on non-recourse basis, pure ke pure debtors will be de-recognizing in your books of accounts. At the same time, you are going to say that I have received for this de-recognition 80 rupees. But then now you are going to say ki you have also given a guarantee. Matlab you might have an obligation to pay agar debtor nahi pay karega. So you will also credit to guarantee liability of 15 because you are liable to pay in case of the shortfall. But साथ साथ में अगर liability है तो आपके पास वो debtor भी आपका asset है. If you are continuing the involvement with the debtor, तो आपको books में ये same amount का debtor भी दिखाना पड़ेगा, continuing debtor. Because you will still continue, because the debtor, अभी भी आपने बोला कि 15 का guarantee आप लेते हो, so still this is a debtor for you. You are continuing involvement, तो आपका continuing debtor भी आपका 15 debit होगा, and the remaining balance will be taken as loss account, that is the balancing figure of 20. Now understand, अगर आप normal भी देखो, तो आपका loss कितना आने वाला था, 100, 80, 20. Still the loss is coming 20 only, but here you have to also recognize, you have to tell your users that aapne guarantee diya hai 15 rupees ka, and for that guarantee you also have a right on the debtor also. And suppose kal utke samjho, if the debtors pay, agar debtors ne pay kar diya, so you will reverse this guarantee to continuing debtors. Debtors bhi aapne wapas jo recognize kiye, wo aap nikal dunge books mein se. In case that suppose the debtor, in case the other party does not pay or defaults, to aapko pay karna padega, then you will reverse guarantee to bank.
15, एंड वो डेटर्स पे अभी भी आपका ही हक है, 15 का अभी भी आपकी बुक्स में वो फाइनेंशियल असेट दिख रहा है. सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू फैक्टर इन द एंटायर थिंग. सो आइडियली आपका लॉस जो 80 होना चाहिए, 20 होना चाहिए, स्टिल योर लॉस इज कमिंग 20 ओनली, बट यू हैव जस्ट टोल्ड योर यूजर्स दैट यू हैव अ गारंटी, एंड सामने सामने यू आर कंटिन्यूइंग विद द डेटर्स ऑफ 15 ऑल्सो इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट. नाउ प्रॉब्लम व्हाट हैपेंस कि नॉर्मली आप देखो कभी भी कोई गारंटी देता है किसके लिए, तो ही रिसीव्स अ गारंटी कमीशन ऑल्सो. सो योर इंस्टीट्यूट ऑल्सो बिलीव दैट इफ द पर्टिकुलर पर्सन, इफ वी आर गिविंग द गारंटी ऑफ 15 रुपीज, देन वी वुड डिमांड सम गारंटी कमीशन ऑल्सो. अपन ऐसे ही गारंटी नहीं देने वाले. सो इफ देर इज अ गारंटी, ऑलवेज रिमेंबर, सो इफ देर इज अ गारंटी लाइबिलिटी, देन देर विल बी अ फेयर वैल्यू अटैच टू द लाइबिलिटी ऑल्सो. सॉरी, देर बी अ फेयर वैल्यू अटैच टू दिस गारंटी ऑल्सो. अगर आपने गारंटी दिया तो आपको कुछ फेयर वैल्यू इसका गारंटी का भी आपको मिलना चाहिए. सो व्हाट वी बिलीव कि आपने कोई जो 80 रुपीज मिला है ना, दिस 80 रुपीज से फेयर वैल्यू ऑफ द गारंटी इज 5 रुपीज. ओके, तो व्हाट वी बिलीव इज जो अपने को पैसा मिल रहा है, वी विल बिलीव वी आर गेटिंग 5 रुपीज फॉर द गारंटी, एंड फॉर डेटर्स वी आर रिसीविंग ओनली 75. अंडरस्टैंड ओवर हियर? सो नाउ इफ यू एक्चुअली गो टू सी आपका एक्चुअल लॉस कितना होगा पता है, 20 नहीं होगा पर 25 होगा. बिकॉज वॉट यू विल डू इट, अभी आप इधर एक और चीज ऐड करोगे टू अर्न अर्नड गारंटी इनकम. आपको 5 रुपीज जो मिला है, यू आर सेइंग जो 5 रुपीज है दिस इज नथिंग बाय बाय अर्न अर्नड गारंटी इनकम, ये भी आप 5 का रिकॉर्ड करोगे, एंड नाउ योर लॉस विल बिकम 25. सो एक्चुअल लॉस इज नाउ 25, बिकॉज फॉर डेटर्स ऑफ 100, जो आपके पास डेटर्स 100 थे, आपको उसके लिए 75 मिला. यू हैव नॉट गॉट 80, यू रिसीव्ड 80 बट 5 रुपीज आपको गारंटी के लिए मिला है, बाकी डेटर्स के लिए 75 मिला है. तो एक्चुअल लॉस ऑन योर डेटर्स इज एक्चुअली 25, 20 भी नहीं, एंड दिस 5 रुपीज विल बी अमोर्टाइज ओवर द पीरियड. जितना भी गारंटी का पीरियड है वो आपका पूरा अमोर्टाइज हो जाएगा. हाँ, वे क्लियर? सो नाउ अल्टीमेटली वेन यू गो टू योर PNL, आपके PNL में ये सेम चीज कैसा दिखेगा, यू विल बी शोइंग अ लॉस ऑफ से 25, एंड सामने सामने आपका गारंटी इनकम भी दिखेगा 5 रुपीज का. सो स्टिल द नेट लॉस विल बी ओनली रिफ्लेक्टेड एट 20 रुपीज ओनली. दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डू. सो वॉट आर द स्टेप्स यू आर गोइंग टू फॉलो. फर्स्ट क्या करेंगे, वी डी रिकॉग्नाइज द एंटायर वैल्यू ऑफ द असेट ट्रांसफर. आपने जितने का असेट 100 का असेट ट्रांसफर किया आपने, वो पूरा का पूरा विल गोइंग टू डी रिकॉग्नाइज. सबसे पहला वो रहेगा. सेकेंड, वी विल कंटिन्यू रिकॉर्डिंग द असेट. वी विल कंटिन्यू टू रिकॉर्ड द असेट एट वॉट वैल्यू, इधर द कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट ट्रांसफर्ड और द गारंटी अमाउंट विच एवर इज लोअर. अपने केस में गारंटी अमाउंट वॉज 15, कैरिंग अमाउंट ऑफ द असेट वॉज स्टिल 100 ओनली. तो हियर वी विल से विच एवर इज लोअर, तो पहले पूरा का पूरा असेट डी रिकॉग्नाइज कर दो, देन शो द देन रिकॉर्ड द कंटिन्यूइंग असेट. जो भी आपका कंटिन्यूइंग असेट है, आपका इन्वॉल्वमेंट है, यू हैव टू रिकॉर्ड दैट ऑल्सो, बट एट वॉट ऑफ लोअर ऑफ इधर दी कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट ट्रांसफर और द गारंटी अमाउंट विच एवर इज लोअर. एंड देन एसोसिएट गारंटी लाइबिलिटी आपको क्रिएट करना पड़ेगा. वॉट विल बी द गारंटी लाइबिलिटी, वी हैव शोन इट सेपरेट. आप इन दोनों एंट्री को एक साथ में बता सकते हो टू गारंटी लाइबिलिटी. सो योर गारंटी लाइबिलिटी विल इंक्लूड द गारंटी अमाउंट जो आपने डिसाइड किया इतने का गारंटी देने वाले हो, प्लस इट विल ऑल्सो इंक्लूड द फेयर वैल्यू ऑफ द गारंटी कमीशन. यू कैन बोथ क्लब इट टूगेदर एंड शो इट एज अ गारंटी लाइबिलिटी. आर वी क्लियर? फेयर वैल्यू जो भी फेयर वैल्यू का ग्रांट गारंटी कमीशन का, जो जैसे आर के सेट इज 5, दैट विल हैव टू बी अमोर्टाइज ओवर अ पीरियड ऑफ जितना भी गारंटी पीरियड आपका रहेगा. एंड वॉट एवर इज द गेन एंड लॉस आर के सेट इज 25 विल हैव टू बी रिकोगनाइज इमिजिएटली राइट नाउ ओनली. जितना भी आपका लॉस होगा वो आपको अभी का भी रिकोगनाइज करना पड़ेगा. एंड इट इज अज्यूम दैट फेयर वैल्यू ऑफ द गारंटी कमीशन इज द पार्ट ऑफ द, हमेशा एक अजम्पशन लेके चलो कि जो भी आपको पैसा मिल रहा है इसके अंदर जो भी फेयर वैल्यू ऑफ द गारंटी अगर 5 है तो उसके अंदर 5 आपको गारंटी कमीशन का मिला है. वॉट एवर इज द वैल्यू ऑफ द गारंटी कमीशन, फेयर वैल्यू ऑफ दैट गारंटी कमीशन, यू विल ऑलवेज अज्यूम दैट आपको जो भी पैसा मिला है उसके अंदर सेम अमाउंट इज इंक्लूडेड. आर वी क्लियर? दिस इज योर होल अकाउंटिंग ऑफ कंटिन्यूइंग इन्वॉल्वमेंट अप्रोच. करेक्ट? लेट्स लुक एट कम ऑन इलस्ट्रेशन नंबर 72. एंटिटी सी अग्रीज विद द फैक्टरिंग कंपनी डी टू एंटर इनटू अ डेट फैक्टरिंग अरेंजमेंट. अंडर द टर्म्स ऑफ द अरेंजमेंट द फैक्टरिंग कंपनी बी अग्रीज टू पे 91.5 crores लेस अ सर्विसिंग चार्ज ऑफ 1.5 crore. मतलब नेट प्रोसीड आपको 90 करोड़ साथ में आने वाला है फॉर अ डेटर विच आर वर्थ
डेटर्स विच आर वर्थ 100 आपको आगे दिया है इन एक्सचेंज फॉर 100% ऑफ द कैश फ्लो फ्रॉम द शॉर्ट टर्म रिसीवेबल द रिसीवेबल हैव अ फेस वैल्यू ऑफ 100 करोड़ एंड कैरिंग अमाउंट ऑफ 95 मतलब 5 करोड़ के जो डेटर्स थे वो ऑलरेडी आपने पेरियल में लॉस बता दिया होगा बिकॉज इसलिए द कैरिंग द ओरिजिनल वैल्यू वॉज 100 बट नाउ इज द कैरिंग वैल्यू 95 मतलब 5 का और मैं ऑलरेडी पीएनएल में उसका बता दिया रहेगा 5 यू मस्ट हैव ऑलरेडी रिकॉग्नाइज एज बैड डेट्स The customers will be instructed to pay the amount owed into a bank account of the factoring company. NTDC also writes a guarantee to the factoring company under which it will reimburse any credit losses up to 5 crores over and above the expected credit loss of 5 crores and losses up to 15 crore are considered reasonably possible. The guarantee is estimated to have a fair value of 0.5 crore. So understand, let's determine पहले guarantee कितना दिया है. They have given in a very different way. क्या बोले? NTDC also writes a guarantee to the factoring company under which it will reimburse एनी क्रेडिट लॉसेस अप टू 5 करोड़ ओवर एंड अबव द एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस मतलब अगर मैं समझो ये मेरा स्टार्टिंग जीरो पॉइंट है सो दिस इज माय से स्टार्टिंग पॉइंट ओके सो फ्रॉम 0 to 5 करोड़ तो एक्सपेक्टेड है इतना तो क्रेडिट लॉस आपको आने वाला है द कंपनी सेइंग आई एम गोइंग टू रीइंबर्स यू वी आर गोइंग टू रीइंबर्स यू ओवर एंड अबव द क्रेडिट लॉस 5 करोड़ व्हाट आर दे सेइंग अगेन NTDC writes a guarantee to the factoring company under which it will reimburse for any credit losses up to 5 crore up to 5 crore matlab 5 crore ki to aapka hone wala hai over and above the credit losses of 5 crore matlab over and above credit losses of 5 crore we are going to reimburse only for the 5 crore difference iske liye hi aapko guarantee mil raha hai and company wale bolte hain normally the expected guarantee is minimum 15 CR मतलब इसके लिए आपको कोई गारंटी नहीं मिलने वाला गारंटी इज ओनली फॉर दिस पर्टिकुलर डिफरेंस अगेन लेट्स रीड द लाइन एंटिटी से आल्सो राइट्स अ गारंटी टू द फैक्टरिंग कंपनी अंडर व्हिच इट विल रीइंबर्स एनी क्रेडिट लॉसेस अप टू 5 CR ओवर एंड अबव द एक्सपेक्टेड क्रेडिट ओवर एंड अबव द एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस ऑफ 5 CR एंड लॉसेस अप टू 15 CR आर कंसिडर्ड रीजनेबली पॉसिबल The guarantee is estimated to have a fair value of 0.5 crore. So directly we can start with the journal entry. How much money have you received? Net, आपको कितना पैसा आया है? Bank में you have got 90 rupees, of which 0.5 is the fair value of the guarantee commission. You have derecognized the asset. आपके बुक से debtors, leave few lines. पूरा का पूरा डेटर्स आपका डी रिकॉग्नाइज हो जाएगा वो कितना डी रिकॉग्नाइज होगा 100 और 95 ऑलवेज द कैरिंग वैल्यू बिकॉज़ बाकी तो आपने राइट ऑफ कर चुके हो सो डेटर्स विल बी डी रिकॉग्नाइज बाय 95 एंड यू विल आल्सो डेबिट कंटिन्यूइंग डेटर्स कंटिन्यूइंग डेटर्स आपका कितना है टेल मी व्हाट हाउ डू वी डू इट वी सी द कैरिंग वैल्यू और द गारंटी अमाउंट व्हिच एवर इज लोअर कैरिंग अमाउंट इज 95 कैरिंग गारंटी अमाउंट इज 5 व्हिच एवर इज लोअर तो कंटिन्यूइंग डेटर्स आप 5 बोलोगे पर सामने सामने ये कंटिन्यूइंग डेटर्स 5 के लिए यू हैव आल्सो टेकन अ गारंटी फॉर दिस 5 CR तो आपका इधर एक और आ जाएगा टू गारंटी लाइबिलिटी नाउ गारंटी लाइबिलिटी विल इंक्लूड बोथ द अमाउंट द कंटिन्यूइंग जो आपने जितने का गारंटी दिया है वो प्लस द फेयर वैल्यू ऑफ द गारंटी ऑल्सो दैट इज 5.5. So now after doing everything, after all the entries are passed, then what we do is finally अपन देखेंगे balancing figure में क्या आएगा profit है कि loss. In this case a loss. So you will say loss on derecognition that is 5.5. अभी clear? So first you get the money. Money के साथ आपको guarantee amount भी आया है. तो 5 रुपीज का आपका गारंटी था तो आपने डेटर्स भी रिकॉग्नाइज किया आपने पूरा का पूरा असेट को डी रिकॉग्नाइज भी किया एंड यू हैव शोन द लॉस दिस इज ऑल द एंट्रीज यू आर गोइंग टू डू एंड यू आर व्हाट आर व्हाट अबाउट दिस पर्टिकुलर 0.5 अमाउंट दिस यू आर गोइंग टू अमोर्टाइज ओवर द पीरियड ऑफ गारंटी सो व्हाट आर वी गोइंग टू से गारंटी लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट से एक साल का ये 0.5 एंड एंटायर अमाउंट विल शो इट एज अ गारंटी इनकम इन द पीएनएल ऑफ 0.5 आफ्टर दैट What if the debtors are going to pay? अगर debtor ने pay कर दिया तो sorted. Then तो जो भी आपका guarantee liability वो reverse हो जाएगा. Guarantee liability to continuing debtors will be reversed. And in case debtors do not pay, अगर debtors ने नहीं pay किया, तो then in that case जो भी आपने debtor आपने जो भी factor को guarantee दिया था, वो तो आपको pay करना ही पड़ेगा. So you will say guarantee liability account debit and you will have to pay for now
that is 5 CR. Are you clear? This is the last continuing involvement approach, and with this now we are complete with all the aspects of financial assets, financial liability and equity. Ek apna concept, baki tha continuing involvement, wo bhi aapka idhar clear ho gaya. Now we go to the next part. अपन ने अभी तक डीरेकग्निशन का पढ़ा, बट व्हाट अबाउट इफ देयर इज अ पार्शियल डीरेकग्निशन? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पार्शियल डीरेकग्निशन? सो नाउ सी, अगर आपके हाथ में एक बॉन्ड है, ओके, यू हैव अ फाइनेंशियल असेट बॉन्ड, तो यू गेट टू थिंग्स. यू हैव बेसिकली अ बॉन्ड, इफ यू आर होल्डिंग इट, टिपिकली प्रोवाइड्स यू विद टू कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोस. कौन सा? एक तो यू कैन कलेक्ट द कैश, दैट इज द इंटरेस्ट, करेक्ट? एंड द सेकेंड ऑब्लिगेशन इज यू गेट टू collect the principal amount. Now understand, what if you transfer right to collect? ये आपने समझो right, अगर आपने transfer कर दिया, basically किसी को आपने transfer किया कि भाई principal मैं collect करूँगा, interest I am letting you to collect. So here what are you trying to do? You are basically you are stripping the interest का benefit. आपने एक bond से जो भी वो interest का benefit था, आपने वो स्ट्रिप करके किसी और को दे दिया है. सो सपोज लेट्स टेक एन एग्जांपल, से यू हैव बीन गिवन लोन एट 10%, ओके, आपने एक बॉन्ड लिया 5 इयर्स का 10,000. सो नाउ तो इवन यू मस्ट बी रिमेम्बर कि फेयर वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट अमाउंट कितना होगा आपका 3791, एंड फेयर वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल विल बी 6209, एंड तब जाके आपका फेयर वैल्यू ऑफ इनिशियल रिकॉग्निशन 10,000 आएगा. Now we are not doing complete, अपन ये पूरा का पूरा सेटल नहीं करे, we are not giving the right to collect the contractual cash flow on the entire instrument, but only partial वाले. अपन ने खाली बोला कि कल उठ के someone has offered us to buy this particular interest strip at 4,000 rupees, बोला ये interest का खाली मुझे दे दो, I will collect the interest. Now this is not complete derecognition, but this is known as partial derecognition. So, आप क्या जल एंट्री पास करोगे? You will say bank से you have got 4,000 rupees, then you will credit the investment. Now how much you will credit? You will not credit 10,000, but you will only credit 3,791, because अभी भी principal पे the contractual obligation to collect the principal amount is still yours. So you will not derecognize the entire financial asset, but only the investment, that is the interest strip, and the difference will be nothing but to gain on partial derecognition, that is 209. Are we clear? Why it is gain? It is gain because it is like we have sold the bond. इधर पूरा bond नहीं बेच रहे, पर अपने you can say we have tried to sell the major part of the bond. तो अगर आपने major part of the bond बेच दिया, then you can surely recognize any gain or loss on such particular transaction. Now what problem comes is, what if you have been given कि 10% loan है, जिसका फेयर वैल्यू स्टिल 10,000, बट द लोन हैज कैरिंग अमाउंट ऑफ ओनली 9,000 इन द बुक्स. बुक्स में खाली 9,000 का कैरिंग अमाउंट है, भले फेयर वैल्यू 10,000. सो नाउ सपोज अगेन द सेम पर्सन कम्स कि आई वांट द इंटरेस्ट स्लिप, सो यू विल अगेन से बैंक अकाउंट डेबिट, यू विल से 4,000, एंड देन नाउ अगेन यू विल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट. आप बोलोगे कैन वी डायरेक्टली क्रेडिट 3791? Now this is wrong. 3791 आप नहीं कर सकते, because अभी आपके books में carrying value is only 9,000 and not 10,000. So you'll have to calculate a proportionate fair value. मतलब what are you going to do? You will say 3791 6209 मिला के 10,000 होता है, correct? Now if my fair value is only 9,000, then how much will be my interest strip and how much will be my principal strip? You do the cross multiplication. तो ये आपको आएगा 3412, this will come to 3412, and this will come to 5588, correct? So now when you are crediting the investment, up 3791 nahi kar sakte, because the carrying value is different in the original books. So either aap credit karoge by, you will credit only by 3412, and jo bhi aapka difference aega, that will be shown as gain on partial derecognition, that is of 588. Are we clear? So always remember what are the steps to know over here. Ki first you always have to find out the fair value. You always have to find out the fair value of the part which you are transferring and the fair value of the part you are retaining. Agar ye particular case mein samjho, aapne agar
फेयर वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट ट्रांसफर कर दिया तो ये आपने रिटेन किया था, सबसे पहले आपको ये निकालना पड़ेगा। एंड सपोज यू हैव बीन गिवन डायरेक्टली द कैरिंग वैल्यू डिफरेंट फ्रॉम द फेयर वैल्यू, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट यू हैव टू स्प्लिट द कैरिंग वैल्यू, जो भी आपका कैरिंग वैल्यू रहेगा अपने केस में 9000 था, यू हैव टू स्प्लिट इट इन द रेशियो ऑफ द फेयर वैल्यू। तो सबसे पहले आपका स्टेप क्या था, अगेन व्हाट वाज द फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट यू फाइंड आउट द फेयर वैल्यू ऑफ द पार्ट ट्रांसफर्ड एंड ऑल्सो फाइंड आउट द फेयर वैल्यू ऑफ द पार्ट रिटेन। उसके बाद जो भी आपका कैरिंग वैल्यू रहेगा यू हैव टू डिवाइड इट इन द रेशियो ऑफ दिस पर्टिकुलर वैल्यूज ऑफ स्टेप वन एंड देन वॉट एवर इज द गेन और लॉस ऑन द पार्शियल रिकॉग्निशन दैट विल बी रिकॉग्नाइज। एंड वो क्या रहेगा, आपका जो भी सेल प्रोसीड्स रहेगा इन आर केस वॉज 4000 माइनस द प्रोपोर्शनेट कैरिंग वैल्यू ऑफ द पार्ट ट्रांसफर, जो ट्रांसफर किया अपने केस में 3412 था एंड दैट्स हाउ वी गॉट द गेन ऑफ 588। आर वी क्लियर? सो नाउ लेट्स रीड आवर इलस्ट्रेशन, कम ऑन इलस्ट्रेशन नंबर 73। सी हैज लेंट अ सम ऑफ 10 लाख टू डी लिमिटेड 3 इयर्स बैक। सो 3 इयर्स बैक द वैल्यू ऑफ द बॉन्ड वाज लेंट अ सम, तो लोन था 10 लाख। द कैरिंग वैल्यू ऑफ दिस लोन इन द बुक्स ऑफ सी इज ऑल्सो 10 लाख। सी लिमिटेड डिसाइडेड टू ट्रांसफर अ पार्ट ऑफ द प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट टू अ बायर फॉर अ टोटल कंसिडरेशन ऑफ 9,98,000। द फेयर वैल्यू ऑफ द एंटायर लोन टूडे इज 12,23,960। अगर आज आप देखो तो ये लोन का वैल्यू है 12,23,960 एंड द फेयर वैल्यू ऑफ द प्रिंसिपल रिटेन्ड इज 29 एंड फेयर वैल्यू ऑफ द इंटरेस्ट रिटेन्ड इज 184,620। सो आपको बोला है कि कितना रिटेन है और कितना आपने बाकी, तो आउट ऑफ 12,23,000 से आउट ऑफ 12,23,000 यू हैव रिटेन्ड द प्रिंसिपल ऑफ 29,000 एंड यू हैव मैनेज्ड टू रिटेन द इंटरेस्ट पोर्शन ऑफ 184,620। तो टेल मी हाउ मच मस्ट बी द फेयर वैल्यू ऑफ द इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल दैट हैज बीन ट्रांसफर्ड। कैन आई से 12,23,000 माइनस 29,000 माइनस 184,60। कैन आई से द फेयर वैल्यू ऑफ द इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल रिटेन्ड इज द ट्रांसफर्ड इज 103,480 करेक्ट। सो द सोल्यूशन टू दिस विल बी, नाउ सी फर्स्ट यू सी वॉट इज द फेयर वैल्यू ऑफ द एंटायर लोन। आपके पूरे लोन का फेयर वैल्यू कितना है, 12,23,960 करेक्ट। नाउ व्हाट आर वी सपोज टू थ्रू, फर्स्ट स्टेप वॉज टू फाइंड आउट द फेयर वैल्यू ऑफ द पार्ट ट्रांसफर और पार्ट रिटेन। कितना आपने रिटेन किए, फेयर वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल रिटेन इज 29,000, फेयर वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट रिटेन इज हाउ मच 184,620। मतलब बाकी जो बचा दैट विल बी नथिंग बट द फेयर वैल्यू ऑफ द इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल दैट हैज बीन ट्रांसफर्ड 1010340। बट प्रॉब्लम क्या है कि when you want to recognize the in the journal entry you cannot take the fair value because अभी आपके books में carrying amount कितना बताया है कि still the carrying amount of value of this loan is still 10 lakhs. So what you will have to do is कि समझो आपका अगर fair value of the loan है 12,23,960, so here आपने fair value of principal जो retain किया हुआ है, फेयर वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट रिटेन किया है एंड फेयर वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल यू हैव ट्रांसफर्ड करेक्ट। हाउ मच हैव यू रिटेन्ड, 29,000, 184,620 एंड 1010340। सो नाउ यू हैव टू सेट स्टेप टू, क्या था, द स्प्लिट द कैरिंग वैल्यू इन द रेशियो ऑफ स्टेप वन। तो आपका जो भी कैरिंग वैल्यू 10 लैक्स का दैट हैज टू बी स्प्लिट इन दिस पर्टिकुलर रेशियो। तो दिस विल बी 23,693, दिस विल बी 150,838, and the transferred amount will be 825,468. Now when you have to pass the journal entry, now you can say कि bank से आपको पैसा आया है 9,90,000 and you have direct carrying value जो 10 लाख का था आपने derecognize किया asset को, loan को, to the tune of 825,468 and there will be a gain on partial derecognition that will be 164,532. Another entry what you can record is, ये optional था कि जो भी आपने retain किया है उसको आप books में वापस बता दो. So you will say interest strip जो आपने retain किया है 150,838, principal strip जो आपने retain किया है that is 23,693 and you will show the loan again in your books to the tune of 174,532.
आप पूरा डी रिकग्नाइज करके बाद एक्चुअली जब भी आपने कुछ रिटर्न किया हुआ है तो यू कैन पास दिस पर्टिकुलर एंट्री एंड ऑल्सो शो इन द बुक्स ऑफ द अकाउंट्स. आप क्लियर? Now that we are done with all the types of derecognition of financial asset, now we move on to the next part, that is derecognition of financial liabilities. What do you understand by financial liability ka derecognition? That is the time when you can derecognize the financial liability. Abhi aap liability aapke book se kab nikal sakte ho? When you pay off the liability, ya to aapka liability waive off ho gaya hoga. But now, to in that case, to aapko normal aapko liability, you will debit the liability and it is out from your books. But what if there is substantial, there is a contract modification. Aapka contract tha, suppose to pay, you have taken a loan of 100, you were supposed to pay in equal installments, principal and interest. 5 saal ke baad aapne jaake bol diya ki no, now I don't have money, let's sit down on the table and modify some contract. Aapne bola ki main aur next 5 saal baad dunga aur I will pay the entire amount. You do some adjustment over here. So what are you trying to do over here? You are trying to modify the contract. You are trying to modify the contract term. In that case, your liability may be aapka change ho jayega and you might have to de-recognize some of the liability component. So in case of a modification, we have to check if the modification is substantial. If there is a substantial modification in the contractual terms, then we are going to apply extinguishment accounting. What do you understand by extinguishment accounting? Pura ka pura old loan ko de-recognize kar do and show the new loan. What would have happened? Aapke old terms mein kuch changes ho rahega. So what is the standard saying? Increase the substantial term, to samjho purana loan aapne settle kar diya or the old loan is settled and you show a new loan in the books of accounts. In case of extinguishment accounting, ki jo bhi aapka carrying value ke hisab se tha, you de-recognize the entire old loan based on the carrying value and you recognize a new loan based on the fair value. But in case the modification is not substantial, agar not substantial hai, then we are going to follow modification accounting only. What is modification accounting? We are going to study now. But sabse pehle, to kabhi bhi agar aapka contractual terms mein change aaya, to first you have to see whether it is substantial or non-substantial. How are we going to see what is substantial or non-substantial? Understand, we have to calculate the difference. Apne ko difference nikalna padega. Kiske beech mein? The present value of the modified cash flows. जो न्यू टर्म्स आपने अग्री किए, इफ द कैश फ्लोज आर गोइंग टू चेंज ओनली, सो फाइंड आउट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मॉडिफाइड कैश फ्लोज बट एट द ओल्ड ईआईआर. अंडरस्टैंड, अगर आपने न्यू ईआईआर से किया तो ऐसे भी आपका चेंजेस आने वाला है. वी आर गोइंग टू सी ओनली बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो कितना फर्क आ रहा है, माइनस जो भी आपका करंट कैरिंग वैल्यू. अगेन, what are you going to do? आप देखो present value of the modified cash flows at the old year, because understand, अगर आपने at the new EIR किया, so तो difference आने वाला है. अगर modification नहीं भी होता, अगर आप कोई particular loan को new EIR पे कहते, तो ऐसे भी difference आने वाला है. Here we don't want to see the change because of the EIR, we only want to see because अगर contract modify किया है, तो what would be the change, and then we are going to do our accounting. So fair value of the modified cash flow at old EIR minus current carrying value divided by current carrying value into 100. Now understand, this is important. If the difference, ये जो answer का आपका difference आया, if the difference is more than 10%, अगर ये particular difference आपका 10% से ज़्यादा आया, so we are going to say this is nothing but substantial modification. We are going to call this as a substantial modification item, and the accounting we are going to follow is extinguishment accounting. Extinguishment accounting मतलब old loan को book से निकालो and recognize the new loan at the fair value at the new EIR. अगर आपका आपको मालूम पड़ गया कि substantial modification है, the standard says you remove the old loan and show the new loan at the fair value of the new EIR. That will be your new loan. But in case the percentage is less than 10%, then in this we don't call it a substantial modification, but इसको अपन बोलेंगे non-substantial modification. And we are going to follow the modification accounting only. Now, what is the difference between here? See, substantial, jab aapka extinguishment hota hai. See, what is my extinguishment? Aapko usko nikalne ka hai. So, what are you going to do? Jo aapka old loan tha, at the old carrying value, usko pura ka pura nikal do book se. So, you will say old loan account debit. Because it was a loan, to liability tha, to pura ka pura nikal diya aapne. Debit. And you will show two
न्यू लोन, बट नाउ अंडरस्टैंड, यहां पे आप जो प्रेजेंट वैल्यू लोगे ऑफ द मॉडिफाइड कैश फ्लो, इट विल बी एट द न्यू ईआईआर. अभी तो आपका प्रॉपर लोन जैसे, सी यर द ओनली रीजन यू टू ओल्ड ईआईआर टू यू एक्चुअली वॉन्टेड टू सी द डिफरेंस बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन. नहीं तो अगर आप न्यू ईआईआर करते तो अगर कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन नहीं भी था तो भी आपका वैल्यू चेंज होने वाला था. सो यू टू टुक ओल्ड ईयर, बट व्हेन यू हैव टू रिकॉग्नाइज, जब आप एक्चुअली रिकॉग्नाइज कर रहे हो तब नाउ यू आर गोइंग टू टेक ओवर ईयर एज द, इसको अपन लेंगे न्यू ईआईआर. वी आर नॉट गोइंग टू टेक इट एज ओल्ड ईआईआर, बट वी आर गोइंग टू टेक इट एज अ न्यू ईआईआर. एंड व्हाट एवर इज द डिफरेंस विल बी द लॉस ऑन एक्सटिंग्विशमेंट, दैट इज द बैलेंसिंग फिगर. एंड इन केस इफ देयर इज अ नॉन सब्सटेंशियल मॉडिफिकेशन, तो यहां आपके पास दो अप्रोच रहता है. हियर यू हैव टू अप्रोचेस, अप्रोच वन एंड अप्रोच टू. अप्रोच वन क्या बोलते हैं, जो भी आपका कैरिंग वैल्यू ऑफ द लोन है उसको एडजस्ट करो. अप्रोच वन इज व्हाट यू डू इज यू एडजस्ट द कैरिंग वैल्यू ऑफ द लोन. EIR आपका कॉन्स्टेंट ही रहेगा, जो EIR पहले भी था वो ही रहेगा, बट यू एडजस्ट द कैरिंग वैल्यू ऑफ द लोन. वी आर गोइंग टू 99% यूज दिस मेथड ओनली फॉर सिंप्लिसिटी. द सेकेंड मेथड इज यू एडजस्ट द EIR. यू हैव टू एडजस्ट द EIR यूजिंग ट्रायल एंड एरर मेथड. दे आर सेइंग कैरिंग वैल्यू को सेम ही रखो, बिकॉज सी दिस इज नॉट एक्सटिंग्विशमेंट. तो पुराना लोन अभी भी आपके बुक्स में पुराना लोन ही दिखेगा, बट यू इधर हैव टू एडजस्ट द कैरिंग वैल्यू और यू हैव टू एडजस्ट द EIR. कैरिंग वैल्यू को कॉन्स्टेंट रखो, टू थिंग्स कैन हैपन. सी एक्सटिंग्विशमेंट में तो पूरा का पूरा ओल्ड लोन खत्म हो जाता है. इन केस ऑफ नॉन सब्सटेंशियल मॉडिफिकेशन द ओल्ड लोन इज स्टिल देयर इन द बुक्स. सो वॉट यू डू इज यू एडजस्ट द कैरिंग वैल्यू ऑफ द लोन और यू एडजस्ट द EIR. वी विल बी डूइंग प्रॉपरली, we are going to see proper sums on this. It will clear your all your doubts. Come on, next illustration. Come on, illustration number 74. Illustration number 74. X Limited has taken a loan of rupees 10 lakhs on 1st April 2001 at a 10% coupon, same as market rate on 1/4/11, for a period of 10 years. Interest is to be paid annually and the principal at the end of the 10 years. X Limited continued interest payment for 5 years, that is till 1/4/06, and then renegotiated the loan. मतलब इधर पे आप contract modification आ रहा है. Renegotiated the loan for a lump sum payment of rupees 25 lakh to be paid after 8 years. Fifth year पे आया negotiation किया कि directly I will pay you after 8 years or 25 lakh. That is in 31st March 14. In lieu of all the interest and the principal payment earlier agreed. Market rate of interest on 1/4/2006 was 8%. Advice on the accounting. Would it make any difference if the lump sum amount renegotiated was 20 lakh or being equal? So let's take the first case. Case 1, jo aapka hai lump sum payment ka. Lump sum payment of 25 lakhs. And second case was of पेमेंट ऑफ 20 लाख. सो हाउ आर वी गोइंग टू स्टार्ट? सबसे पहले तो अपने को देखने का ये मॉडिफिकेशन है, इज इट अ सब्सटेंशियल मॉडिफिकेशन और नॉन सब्सटेंशियल, बिकॉज एंटायर अकाउंटिंग विल डिपेंड ऑन दैट. सो हाउ आर वी गोइंग टू कैलकुलेट अ मॉडिफिकेशन? वी विल से डिफरेंस इज नथिंग बट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द न्यू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द मॉडिफाइड कैश फ्लोस एट द ओल्ड EIR माइनस कैरिंग वैल्यू डिवाइड बाई कैरिंग वैल्यू इन 200. For first, let's do the easy part. What is the present value of the modified cash flows? आप बोलेंगे what is the your modified cash flows is 25 lakhs and ये directly आपको 10% के हिसाब से 8 year के बाद देना है. So the present value of rupee 1 at the rate 10% in after before अगर 8 year का present value is 0.4665. So the present value of the modified cash flows at the old EIR. Old EIR is clearly given question में 10%, that is same as market rate. तो आप इसको old EIR ही लोगे. You are not going to take the new EIR because new EIR was 8%, but we are not going to take it. Difference के लिए अपन हमेशा old EIR लेते हैं. So this will come to 1166250. Correct? So अपना first figure is 1166250. माइनस द कैरिंग वैल्यू ऑफ द लोन. जिस दिन आपने मॉडिफिकेशन किया है उस दिन का कैरिंग वैल्यू क्या है? नाउ अंडरस्टैंड इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, नॉर्मली हाउ डू वी फाइंड आउट द कैरिंग वैल्यू? अपन पूरा अमोर्टाइजेशन टेबल बनाता है. वी स्टार्ट फ्रॉम ईयर वन, EIR, इंटरेस्ट माइनस ओपनिंग प्रिंसिपल एंड क्लोजिंग बैलेंस अपने को अमोर्टाइज करता है. बट अंडरस्टैंड इन आर केस अपना कूपन रेट भी सेम है
और EIR भी सेम है, एंड देर इज नो ट्रांजेक्शन लॉस, सर देर इज नो ट्रांजेक्शन कॉस्ट, देर इज नो गेन और नो लॉस ऑन रिडम्पशन. तो समझने की बात है, से इफ योर ईयर वन में ओपनिंग बैलेंस इज 10 लाख, अगर EIR भी 10%, कूपन रेट भी 10% आपको मिल रहा है, EIR भी 10% है, दैट इज 1 लाख, तो दैट्स अंडरस्टूड कि आपका जो क्लोजिंग अमोर्टाइज बैलेंस आएगा वो भी 10 लाख ही रहेगा, एंड दिस विल कंटिन्यू फॉर ऑल द 10 ईयर्स बिकॉज योर कूपन रेट एंड EIR इज सेम. एंड नॉर्मली टेल मी वाई डज द EIR मिस डिफरेंट, कभी भी कूपन रेट और EIR में फर्क क्यों आता है? द ओनली रीजन इज इधर देयर इज अ प्रोसेसिंग फी, बिकॉज अगर प्रोसेसिंग फी हो गया तो अमाउंट यू रिसीव लेस एंड आपको जो पेमेंट करना होता है वो ज्यादा होता है, इसलिए आपका EIR अलग होता है. और इफ देयर इज अ प्रीमियम और अ डिस्काउंट और ऑन इश्यू और रिडम्पशन, अगर समझो बॉन्ड्स इश्यू हो रहे बट यू हैव टेकन इट एट अ डिस्काउंट और द रिडम्पशन इज हैपनिंग एट अ प्रीमियम, तो इन दैट केस क्या होगा, जो आपको अमाउंट मिल रहा है, जो आपको अमाउंट देना पड़ेगा, दैट विल बी डिफरेंट फ्रॉम द अमाउंट यू सब्सक्राइब, इसलिए आपका EIR का फर्क आता है. हियर इन दिस केस देयर इज नो ट्रांजैक्शन कॉस्ट, देयर इज नो गेन और नो लॉस ऑन रिडम्पशन, कूपन और EIR आपका सेम है, तो हमेशा आपका जो भी वैल्यू रहेगा इट विल रिमेन सेम ओनली. सो यू गो टिल हियर 5 ऑल्सो, जब आपका मॉडिफिकेशन हुआ है देन ऑल्सो द वैल्यू इज 10 लाख ओनली, द वैल्यू इज नॉट चेंजिंग. सो हियर वॉट आर वी गोइंग टू डू, we are going to say 11650 minus carrying value of 10 lakhs divided by the cash carrying value of 10 lakhs into 100. So this comes to 16,250 divided by 10 lakhs into 100. This will come to 16.625%. Now I can say that this is a substantial modification. अपना limit क्या था कि अगर 10% से ज्यादा रहा तो उसको अपन substantial modification बोलेंगे. And if it is substantial modification, we are going to follow extinguishment accounting. So what are we going to do over here? अभी अपन क्या journal entry pass करेंगे? We will say आपका extinguishment accounting में we debit the old loan, पूरा old loan आपका 10 lakh से debit होगा, and we credit the new loan. We directly credit the new loan, but at what present value of the modified cash flows at the new EIR? तो ये अपने को calculate करना पड़ेगा. You will say 25 lakhs earlier आपने old EIR से किया था. Now you will do it by the new EIR. So you are say 25 lakhs into present value factor of 8% for after 8 years 0.5402. This will come to 1350500. तो आप इधर credit करोगे 1350500, and now there will be loss on extinguishment seen, that is 3,50,500. Are we clear? So why are we doing itna accounting upon kyun kar rahe? The reason is old standard mein kya hota tha, we directly pass the entry in the year 8. 8th year mein jaise apan aayenge na, we will directly pass the entry of 25 lakh, but in DSS this 25 lakh what you are paying is not only attributable to 8th year but is attributable to all the years and not just the 8th year. So as a result standard check karta hai ki bhai ye modification mein substantial modification ho raha hai ki non substantial ho raha hai. So what is the logic behind this? See, ideally you are not actually repaying. Samjho koi company is in a very poor state, so it has able to get into a negotiation with the bank ki now we are not going to pay you interest not principal, directly after 8 years hum aapko principal interest de denge. Company announce karti hai shareholder meeting mein ki we have been able to crack a very good deal, we don't have to pay anything now, directly after 8 years we have to pay. अपने इंडियंस का मेंटेलिटी कहता है कि आज कुछ नहीं पेगा ना, जब होगा तब देखा जाएगा. तो शेयर होल्डर्स विल बिकम वेरी हैप्पी, वाओ शेयर होल्डर्स हैव डन लाइक द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैव डन वेरी गुड वर्क, कि अपने को भी नेक्स्ट 8 साल के लिए कुछ इंटरेस्ट का मगजमारी नहीं है. बट एक्चुअली इफ यू सी द अकाउंटिंग, एंड तो रीडर को समझ में नहीं आएगा कि इधर कुछ लॉस है, इधर आप एक्चुअली देखोगे आपका लॉस है. The board of directors have actually entered into a loss deal. Why? Because for a liability जो books में 10 lakhs का दिख रहा था, अभी because you have accepted the new terms, ये आपका liability बढ़ गया है, तो actually आपने loss किया. Users को तो आपको ये समझ में नहीं आएगा. So you have to tell the users that you have entered into a modification, and because of that modification, you have basically incurred some losses. Because reader would say कि company ने अच्छा job किया है. Company has done a very good job. They have avoided a coupon payment for next 8 years. जब होगा तब देखा जाएगा. But at what cost? If I ask you, company ने avoid किया interest or a coupon for next 8 years. But at what cost? In your books, you have agreed something worth
13,50,500, which was originally at 10 lakhs. आपने आपका ही liability बढ़ा दिया है, so you have actually entered into a loss. Therefore, we treat it as a current loan repaid and issued new loan. तो अभी अपना accounting कैसे रहेगा? तो डिफरेंस इज नथिंग बट, तो ये जो आपका डिफरेंस आया है, दिस डिफरेंस इज नथिंग बट लॉस ऑन एक्सटिंग्विशमेंट. लॉस ऑन एक्सटिंग्विशमेंट विच शेयर होल्डर को कभी मालूम नहीं पड़ेगा अगर आप डायरेक्टली एथ ईयर में एंट्री पास करते. व्हाट एंट्री वुड हैव पास्ड? यू वुड हैव डायरेक्टली पास लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक. शेयर होल्डर को कभी मालूम ही नहीं पड़ता दैट यू हैव एक्चुअली बिकॉज ऑफ दिस अग्रीमेंट यू हैव एक्चुअली इनकर्ड लॉस. बट नाउ इन डेज टेक्स केयर ऑफ दैट. दे आर ट्राइंग टू से दैट इफ द मॉडिफिकेशन इज सब्सटेंशियल देन यू डू द एक्सटिंग्विशमेंट फॉलोइंग. पूरा का पूरा ओल्ड लोन आप निकाल दो बुक से, शो द न्यू लोन एंड शो द डिफरेंस व्हाट यू हैव गेन और लॉस. आर वी क्लियर? सो नाउ दिस वाज अ केस ऑफ अ सब्सटेंशियल मॉडिफिकेशन. बट लेट्स अंडरस्टैंड केस टू भी अपने पास था वेयर द लमसम पेमेंट वॉज से ओनली 20 लाख. करेक्ट? नाउ अगेन वी डू कैलकुलेटर डिफरेंस. अभी वापस अपन डिफरेंस निकालने जाएंगे. दैट इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मॉडिफाइड कैश फ्लोस माइनस कैरिंग वैल्यू अपॉन कैरिंग वैल्यू इनटू 100. चलो कैरिंग वैल्यू तो अपने को ऑलरेडी पता है 10 लाख का है, 10 लाख का है. बट दिस वी हैव टू कैलकुलेट. दिस विल बी हाउ मच? वी विल से 20 लाख पे करना है बट एट द ओल्ड ई आई आर ओनली फॉर आफ्टर 8 ईयर्स. करेक्ट? सो दिस विल बी 0.4665. ये आपका आएगा 9,33,000. सो now you will say 9,33,000 minus 10 lakhs divided by 10 lakhs into 100. So when you go to calculate, ye aapka negative mein aega. So here the standard says jo bhi aapka deviation rehta hai, jo bhi difference rehta hai, that has to be seen on absolute terms. Absolute terms matlab you have to ignore the sign also. Now since the modification, since the percentage or the, since the difference is less than 10%, so abhi apan, we are not going to follow the extinguishment accounting, but we are going to follow the modification accounting. Now, modification accounting mein, you have two approaches. The first approach is, they are saying, ye aap carrying value hi adjust kar do loan ka. Approach number one is, you adjust the loan amount only. You adjust the loan where your EIR will remain constant. तो अभी आज के डेट पे सपोज इफ यू डू द मॉडिफाइड कैश फ्लोस एट द ओल्ड ईयर, आपका कैरिंग वैल्यू कितना आ रहा था? 9,33,000. करेक्ट? व्हाट इज द कैरिंग वैल्यू इन आवर बुक्स? 10 लाख. सो व्हाट इज द स्टैंडर्ड सेइंग कि ईआईआर के हिसाब से ये 9,30,000 विल वाइंड अप. ये होते होते बढ़ते बढ़ते दिस विल कम टू 20 लाख. तो स्टैंडर्ड इज सेइंग ये डायरेक्टली 10 लाख को आप अभी 9,33,000 पे ला लो, फिर आगे जाके प्रॉपर 9,33,000 आपका 20 लाख हो जाएगा. सो दे आर सेइंग ऑन 1/4/16 ऑन द डेट ऑफ मॉडिफिकेशन ओनली यू एडजस्ट द लोन अमाउंट. आपका जो 10 लाख का लोन दिख रहा था, यू गेट इट टू द वैल्यू, यू गेट इट टू द करंट वैल्यू ऑफ द न्यू कैश फ्लो. सो यू वेर जो आपका 10 लाख का लोन दिख रहा, आपको लोन थोड़ा कम करना पड़ेगा. सो यू विल डेबिट लोन अकाउंट डेबिट that is 67,000 the difference to gain. Now you the users will see nahi inhone kuch acha kaam kiya hai, they have been able to get a good deal and company ko gain hua hai. This is the first approach. Again, what are we doing in the first approach? You are adjusting the loan amount only. EIR aapka remaining constant. We are not going to take the new EIR, jo old EIR ka, because we are doing the modification is not substantial. तो अपन old loan अभी भी रख रहे, तो EIR भी continue रहेगा. But what are we going to do? जो भी आपका carrying value है, you get it to the carrying value of the जो भी modification के बाद at old EIR उसको लेके आ जाओ and then do the accounting. This is your first approach. Second approach is about, they are saying you adjust the EIR only. लोन को उतना constant ही रखो. Loan remaining constant. If the loan remaining constant मतलब 10 लाख पे रखो, but now when you go to this 10 lakh, ideally you know ki 20 lakhs hona chahiye aapko. Jab bhi 8 years ke baad aapko 20 lakhs pay karna padega, so this 10 lakh should grow at 20 lakhs. So they are saying ki aap aisa EIR calculate karo that 10 lakhs will actually grow to 20 lakhs. Matlab they want you to not adjust the carrying value 10 lakhs se rakho, but aap EIR hi change kar do. So here now this becomes very difficult. To aapko idhar trial and error method karna padega ki kaun se EIR pe apna ye jaake 10 lakhs ya apna 20 lakhs hoga. So say let's take EIR of 9%. So what is EIR? अपन समझो 9% के हिसाब से पकड़ते हैं. So we will say this 20 lakhs get it to the present value. 20 lakhs into present value factor say 9% for 8 years. This comes to 0.5.
तो यर दिस इज 10 लाख. सो नाउ आई कैन से द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो. सो EIR इज बाय 9%. सो एट 9% का प्रेजेंट वैल्यू द करंट कैरिंग वैल्यू ऑफ 10 लाख गोइंग फॉरवर्ड विल बिकम 20 लाख. सो EIR शुड बी रिकॉर्डेड बेस्ड ऑन द 9%. सो नॉर्मली फॉर सिंप्लिसिटी वी आर गोइंग टू ऑलवेज एंड ऑलवेज यूज अप्रोच वन ओनली बिकॉज डायरेक्टली दैट इज मोर रीजन है. तो ट्रायल एयर मेथड से आपको ये एरर निकालना बहुत डिफिकल्ट होगा. यर वी टुक 9%, 9% के हिसाब से अपने लिया और अपने को आ गया. व्हाट इज EIR? योर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोस कैश आउटफ्लो वी शुड बी इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो. एट EIR ऑफ 9% आई वाज एबल टू सी कि 20% व्हेन आई गॉट टू द प्रेजेंट वैल्यू इट इज इक्वल टू द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो. सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू अप्रोच द सम. आर वी क्लियर? लेट्स लुक एट नेक्स्ट इलस्ट्रेशन. कम ऑन इलस्ट्रेशन नंबर 75. वील्को लिमिटेड बोरोड Wilco Limited borrowed 50 crores from a bank of a bank on 1st Jan 2011. From a bank on 1st Jan 2011, the original terms of the loan were as follow. Interest rate is 11%, repayment of principal in 5 equal installments, payment of interest annually on accrual basis, upfront processing fee is 58,70,096. So let's keep everything, all the figures in lakhs only. Effective interest rate on loan is 11.5. On 31st December 2012, Wilco Limited paid the interest on second installment but was not able to make the principal payment and therefore approached the bank citing the liquidity issues in meeting the principal cash flow required for immediate installment and renegotiated the terms of the loan with bank as follow. Interest rate is 15%, repayment of outstanding principal in 10 equal installments starting 31st December and payment of interest on a regular basis. Record the general interest in the books of Wilco Limited till 31st December 2013 after giving the effect of the change in terms of loan on 31st December. So is the renegotiation happening? Yes. So matlab ye apne ko check karna padega pehle modification is a substantial modification or a non-substantial. So to find the difference we need first thing is present value of modified cash flows at the old EIR minus the carrying value divided by carrying value. Now understand, यहाँ पे आपका transaction cost भी है, so your coupon rate will be different from the EIR. अपने को दिया भी coupon rate 11%, EIR is your 11.5. So first let's calculate the carrying value. जिस दिन आपने the second year when you have renegotiated, let's find out the carrying value. So how are you going to find the current carrying value? करंट कैरिंग वैल्यू अपने को चाहिए 31st December 2012 का. वी हैड टेकन अ लोन ऑन 1st Jan 2011, करेक्ट? एंड वी एंटर इनटू नेगोशिएशन ऑन 31st. दिस दिन आपने नेगोशिएशन एंटर किया और जिस दिन नेगोशिएशन हुआ, दैट व्हाट इज द करंट कैरिंग वैल्यू? यू विल से ईयर वन, यू विल से ओपनिंग. नाउ अंडरस्टैंड, इट्स अ फाइनेंशियल लाइबिलिटी, वी ऑलवेज रिकॉग्नाइज एज फेयर वैल्यू माइनस ट्रांजेक्शन कॉस्ट. तो इधर आप बोलोगे, सिंस वी आर एक्सप्रेसिंग इट इन लैक्स, अपन बोलेंगे 500 लैक्स माइनस we are expressing in 10 lakhs. So 500 lakhs minus 58.7, sorry, 5.87, and this will come to 494.13. Now EIR at the rate 11.5% comes to, this will be 56.82. Your coupon rate that is at 11% is 55, and there is a principal repayment also clearly bola hai, repayment of principal in 5 equal installment. So ye aapka ho jayega 100. So your closing will come to 494.3 plus 56.82 minus 55 minus 100. This will come to 395.95. Then in year 2 you start with 395.95. EIR 15% become 11.5 becomes 45.53. Now tell me, will your coupon bill still be 55 only? Either students make a mistake. Understand, आप principal repayment भी कर रहे हो, तो अभी original coupon जो आपका 500 था, अभी 100 आपने prepay कर दिया है. So now the balance, outstanding balance on the principal amount is only 400. तो 400 पे 11% will be only 45. कूपन आपने पे किया है, क्वेश्चन में क्लियरली बोला है दैट ही हैज पेड द इंटरेस्ट ऑन सेकेंड इंस्टॉलमेंट बट प्रिंसिपल पे नहीं कर पाया था. सो व्हाट इज द कैरिंग वैल्यू? विल बिकम 395 प्लस 45.53 माइनस 44, सो 1.53 का डिफरेंस आ गया. यू विल से 397.48. सो योर कैरिंग वैल्यू विच यू आर गोइंग टू यूज विल बी 397.48, करेक्ट?
Then, what is the present value of the modified cash flow at the old EIR? You will say, आपको पूरा अगर निकालना पड़ेगा. अभी प्रॉब्लम क्या हो रहा है, ईयर यू कैन नॉट डायरेक्टली डू बिकॉज प्रिंसिपल रीपेमेंट हो रहा है, सो योर इंटरेस्ट विल चेंज एवरी ईयर. यू कैन नॉट टेक द प्रेजेंट वैल्यू एनुइटी फैक्टर बिकॉज इंटरेस्ट इज एवरी ईयर गोइंग टू बी डिफरेंट. सो विल एक्चुअली हैव टू मेक द एंटायर टेबल. सो यू आर गोइंग टू से कि आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल अभी कितना बचा, 400 इन 10 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे करना है, मतलब 40. सो हियर वी आर गोइंग टू प्रिपेयर द एंटायर चार्ट ओवर हियर. नाउ वी आर गोइंग टू से हियर कूपन principal, you see your total, then you discount it at the rate 11.5, that is the old EIR, and that will give you your present value of cash flows. So you will say year 1 coupon aapka rahega 60, principal will be 40, correct? Coupon will be how much? 60, that is 400 pay. This will be 400 pay. The new interest rate that you have agreed is 15%. So 400 by 15, that's 60. Principal repayment is 40. Total first year we are going to repay is 100. Discounting factor 0.8968, and this will be 89.68. So you have to solve for year 1, 2, 3, 4, 10 years ka hai, to apne ko 10 years tak pura solve karna padega. Every year one thing is going to be constant, that is the principal amount. So aap principal amount ko constant rakhoge. And your interest will keep on changing because principal repayment हो रहा है. तो next year में your interest will be that interest will be on 400 minus 40, मतलब आपका 560 पे 50%, that will be 54, then it will be 48, 42, 36 and go on. तो आपका second year में आपका कितना हो जाएगा? One second, I've gone to third year. So second year it will be 54 plus 40, 94 you are going to pay 0.8043, present value will come to 75.60. Next year will be 48, 40, this will be 88, this will be discounting factor 0.7213, 63.47. Now this you have to solve the entire table. Understand, directly upon present value of annuity factor क्यों नहीं ले सकते? Because your interest every year, your interest amount is changing every year. You cannot directly take the formula. अगर interest same रहता तो अपन what is annuity factor? Expecting the same amount every year and getting into the present value. यहाँ पे आपका सब amount अलग है. तो now you cannot do it as per the same, you cannot do it as per the same formula. But आपको पूरा एक निकालना पड़ेगा. So when you solve the entire thing, this I'm just looking at the solution. The answer will come to 451.9. So now, अभी आपको मालूम पड़ गया कि when you calculate the difference, this is 451.49 minus 397.48 upon 397.48 into 100. This comes to 13.58%. Now this is a substantial modification because this is more than 10%. So now which accounting are we going to follow? We have to follow एक्सटिंग्विशमेंट अकाउंटिंग. एक्सटिंग्विशमेंट अकाउंटिंग में क्या करते हैं? ओल्ड लोन तो निकाल दो पूरा. ओल्ड लोन जो आपका 397.48 का कैरिंग वैल्यू था वो निकाल दो. टू न्यू लोन. नाउ देयर विल बी अ प्रॉब्लम. अभी नाउ व्हाट इज न्यू लोन? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द मॉडिफाइड कैश फ्लोज एट द न्यू EIR. अभी आपको सेम टेबल वापस पूरा का पूरा वापस आपको सेम बताना पड़ेगा. बट योर डिस्काउंटिंग फैक्टर इंस्टेड ऑफ टेकिंग द ओल्ड EIR, दिस विल टर्न टू 15%. So आपने जो ऊपर टेबल बनाया ना, जो कैश फ्लोज आर गोइंग टू रिमेन सेम ओनली, यू डायरेक्टली टेक दिस वैल्यू. आप वापस टेबल बनाओ, डायरेक्टली टेक दिस टोटल वाला वैल्यू और खाली आपका जो डिस्काउंटिंग फैक्टर है, आपका जो खाली डिस्काउंटिंग फैक्टर होगा इंस्टेड ऑफ 11.5, ये आपका 15% हो जाएगा. सो दिस विल बी से 0.8695, 0.7561, 0.6575. बिकॉज अभी आपने को सेम कैश फ्लो दिखाना है बट एट द न्यू EIR. सो एवरीथिंग विल रिमेन सेम बट ओनली डिस्काउंटिंग फैक्टर ऑफ 11.5 ये आपका हो जाता है 15%. सो यू व्हेन यू गो टू कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर, नाउ दिस विल कम टू 400 एग्जैक्टली. आपका राउंड फिगर आएगा 400 एंड दिस वैल्यू यू आर गोइंग टू यूज इन द न्यू लोन, दैट इज 400 एंड डिफरेंस आपका आ जाएगा. लॉस ऑन एक्सटिंग्विशमेंट विल गो टू PNL एट द अमाउंट ऑफ 2.52. सपोज अगर मॉडिफिकेशन वॉज नॉट अ सब्सटेंशियल देन इतना मगजमारी करना नहीं पता. यू कुड हैव डायरेक्टली एडजस्टेड द कैरिंग वैल्यू और यू कुड हैव एडजस्टेड द EIR. बिकॉज इट वॉज अ सब्सटेंशियल मॉडिफिकेशन, वी हैड टू कैलकुलेट ऑल द कैश फ्लोज अगेन बाय टेकिंग द न्यू EIR. And then next year, what entry are going to pass 31st December ko? You will say interest expense 31st December 2013 be
इंटरेस्ट एक्सपेंस आपका पीएनएल में जाता 60, यू वुड हैव टेकन लोन अकाउंट 40 एंड यू वुड हैव पेड द बैंक बाय बैंक, आपको 100 से पे करना पड़ता। यू वुड हैव रिकॉर्डेड द इंटरेस्ट एक्सपेंस, यू वुड हैव गिवन द लोन अमाउंट और बाकी आप 100 का पूरा पेमेंट कर देते। आर वी क्लियर? सो वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इट्स एन एग्जाम काइंड ऑफ, इट्स एन एग्जाम और आरटीपी क्वेश्चन, आई हैव टू चेक, बट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन व्हिच हैव बीन आस्क्ड बिफोर, व्हिच हैज बीन आस्क्ड बिफोर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन नंबर 76। ए लिमिटेड द कंपनी मेक्स अ बोरोइंग फॉर INR 10 लाख फ्रॉम द आरबीसी बैंक विद बुलेट रिपेमेंट ऑफ INR 10 लाख एंड एन एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ 12% पर एनम। Now company defaults at the end of the fifth year and consequently a rescheduling of the payment schedule is made beginning sixth year onward. The company is required to pay 13 lakhs at the end of sixth year for one-time settlement in lieu of defaults in payment made earlier. Does the above instrument meet definition of financial liability? Yes, because you have a contractual obligation to pay. Analyze the difference amount to be charged for one-time settlement. So again, because renegotiation kiya, लाइब्रेरी खत्म नहीं हो रहा है, पूरा पूरा आप लाइब्रेरी सेटल नहीं कर रहे हो, यू आर एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन। सो फर्स्ट वी हैव टू सी वेदर द मॉडिफिकेशन इज अगेन सब्सटेंशियल और नॉन सब्सटेंशियल। तो फर्स्ट ट्राई टू कैलकुलेट द करंट कैरिंग वैल्यू एट द एंड ऑफ ईयर 5। अगेन ये समय भी देयर इज नो प्रोसेसिंग फी, नो गेन और लॉस, ईआईआर इज अज्यूम टू बी सेम एज कूपन रेट, कूपन रेट 12% है, ईआईआर भी आपका 12% रहेगा। सो पूरा चार्ट बनाने मत बैठना, ईयर ओपनिंग EIR at the rate 12%, coupon, principal and closing. So year one you will say your opening is 10 lakhs, you say opening is 10 lakhs, EIR aapka 1.2 aayega, coupon bhi 1.2 aayega, your closing will always be the same as the opening. So when you come on the year fifth, you will say the opening is 10 lakhs, EIR के हिसाब से 1,20,000 होता है, बट इन ईयर 5 जैसे पूरा डिफॉल्ट ही किया है तो आपको कूपन भी नहीं आया होगा, सो योर क्लोजिंग बैलेंस और प्रिंसिपल भी रिपे किया नहीं, तो क्लोजिंग विल चेंज विल कम टू 11,20,000। आर वी क्लियर? वंस आपने कैरिंग कैरिंग वैल्यू निकाल दिया है, सेकेंड फाइंड आउट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द मॉडिफाइड कैश फ्लोस एट द ओल्ड ईयर, करेक्ट? दैट इज यू विल से 13 लैक्स इंटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, ओल्ड ईयर इज 12% एंड वन ईयर में पे करना है। व्हाट हैव यू डन? कंपनी डिफॉल्ट्स एट द एंड ऑफ द ईयर 5 एंड कॉन्सिक्वेंटली द पेमेंट शेड्यूल इज मेड बिगिनिंग द सिक्स्थ ईयर ऑनवर्ड्स ओनली एंड बुलेट पेमेंट, पूरा का पूरा कंपनी इज रिक्वायर्ड टू पे 13 लैक्स एट द एंड ऑफ सिक्स्थ ईयर, एक सिक्स ईयर में, एक साल में आपको पे करना है, दैट विल बी वन ईयर, दिस विल बी 0.8928, यू विल डू 1160640, करेक्ट? नाउ इफ यू गो टू कैलकुलेट अ डिफरेंस, अगर आपने डिफरेंस कैलकुलेट करने जाओगे, सो यू विल से 1160640 माइनस 1120000 माइनस डिवाइड बाय 11,20,000 इन 200, द परसेंटेज दिस डिफरेंस कम्स टू 1160640 माइनस 12 लैक्स, दिस कम्स टू 39,360 डिवाइड बाय 11,20,000 एंड ये आपका आएगा, सॉरी दिस इज 40,000, दिस इज नॉट 13, दिस इज 40,640 डिवाइड बाय 11,20,000, दिस कम्स टू 3.63%। नो टेल मी वेदर इज द मॉडिफिकेशन सब्सटेंशियल और द मॉडिफिकेशन ओवर ईयर इज नॉन सब्सटेंशियल, लेस देन 10% तो नॉन सब्सटेंशियल हो गया। तो नाउ ईयर वी हैव टू अप्रोचेस, फर्स्ट विल गो टू सी द अप्रोच, बोलता है यू एडजस्ट द कैरिंग वैल्यू ऑफ द लोन, आज के रेट पे आपका कैरिंग वैल्यू लोन द लोन कितना है 11,20,000, यू गेट इट एज पर द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द मॉडिफाइड कैश फ्लो, आपको ये 1,12,000 को बढ़ा के करना पड़ेगा 1,16,640, सो यू विल पास द एंट्री दैट इज यू विल से लोन का वैल्यू बढ़ाना है टू लोन, दैट इज हाउ मच बाय 40,040 का से आया, दैट इज 1,160640 माइनस 11,20,000 एंड यू विल डेबिट लॉस ऑन मॉडिफिकेशन एंड यू आर गोइंग टू टेक इट टू पीएनएल अकाउंट दैट इज 40,640। आर वी क्लियर? एंड 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 ऑफ योर सिक्स, जब आपका लास्ट ईयर आ जाएगा, यू विल सेव, सबसे पहले एक साल खत्म होगा तो इंटरेस्ट इनकम आपका अक्रू होगा। नाउ समझने की बात है, सी टुडे योर कैरिंग वैल्यू इज हाउ मच,
116,0640 और आपको नेक्स्ट ईयर 13 लाख्स पे करना है, मतलब अगर 1 ईयर ही है तो आई कैन से जो भी डिफरेंस होगा दैट इज नथिंग बट द इंटरेस्ट ओनली, सो यू कैन डायरेक्टली से डिफरेंस आपका आएगा 139,360, तो डायरेक्टली यू विल से इंटरेस्ट एक्सपेंस यू विल टेक इट टू पीएनएल अकाउंट डेबिट टू लोन दैट विल बी 139,360. To 139,360, and then when the time comes, you will prepay the entire loan of 13 lakhs loan account debit to bank, that is 13 lakhs. So you had to pay 1 lakh 16 plus 139. Aapko 13 lakh pay karna tha, aapne pura ka pura pay kar diya. Now let's look at the second approach. Second approach mein idhar institute ne shortcut liya hai. What are they saying? ICA ne kya kiya? कि दे आर सेइंग यू आर नॉट एडजस्टिंग द कैरिंग वैल्यू ऑफ द लोन, आपका कैरिंग वैल्यू ऑफ द लोन 11,20,000 ही है. दे आर सेइंग कि आईसीए ने बोला कि ये आगे जाके 13 लाख ही होने वाला है, तो डायरेक्टली इन दोनों का डिफरेंस जो दैट इज कमिंग टू समवॉट अराउंड 1,80,000, डायरेक्टली दे हैव टेकन दिस डिफरेंस इन द पीएनएल विदाउट चेकिंग फॉर एक्सटिंग्विशमेंट और मॉडिफिकेशन. दिस इज अ शॉर्टकट ओनली एप्लीकेबल अगर सेटलमेंट आपका विद इन सेम ईयर होने वाला है. सो ईयर 5 में द वैल्यू वॉज 11,20,000, ईयर 6 में वैल्यू जाके हो रहा है 13 लैक्स. तो व्हाट आर दे सेइंग, जो बैलेंस होना है बैलेंस हैज टू बी 1,80,000 ओनली ऑफ द फाइनेंस कॉस्ट, करेक्ट. सो वो जो भी आप ईआर कैलकुलेट करो एंडिंग में, जो अगर आपने जो भी ईआर कैलकुलेट किया व्हेन यू अप्लाई ऑन दिस यू गेट दिस टू द प्रेजेंट वैल्यू. आप ईआर कैलकुलेट करोगे, आप इसको प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आने की ट्राई करोगे विच विल बी इक्वल टू दिस, तो जो भी डिफरेंस होगा ईआर आप छोड़ो, जो ईआर व्हाई डू वी कैलकुलेट ईआर, वी नीड ईआर सो दैट वी कैन नो हाउ मच इंटरेस्ट इज गोइंग इन द पीएनएल. नाउ वी आर इन द 1 ईयर इन द सेम ईयर ओनली, तो जो भी डिफरेंस होगा दैट इज 1,80,000, दिस इज योर फाइनेंस कॉस्ट. आप ईआर चलो कैलकुलेट भी कर लोगे, यू विल ट्राई गेटिंग 13 लाख टू द प्रेजेंट वैल्यू विच विल बी इक्वल टू 11,20,000, तो जो भी डिफरेंस होगा वो पूरा फाइनेंस कॉस्ट में जाना है. तो डायरेक्टली इंस्टीट्यूट ने क्या किया, यहाँ पे बोल दिया फाइनेंस कॉस्ट दैट वाज गोइंग टू द पीएनएल विल बी 1,80,000 टू लोन 1,80,000. दिस इज अ शॉर्टकट दैट दे हैव डायरेक्टली टेकन बिकॉज दे बिलीव आप जो भी ईआर लाओगे ईआईआर पे यू विल आपके प्रिंसिपल जो भी आउटस्टैंडिंग है उस पर आप ईआईआर अप्लाई करोगे एंड दैट विल डायरेक्टली गो अप टू 13 लैक्स. तो जो डिफरेंस आपका अगर ये 2 साल का होता समझो दिस वुड बी ईयर 8 और ईयर 9, देन यू वुड हैव टू कैलकुलेट ईआईआर, बट बिकॉज इमीडिएटली इन द सेम ईयर मतलब ईयर 5 का ईयर 6 में हो रहा है यू आर अलाउड टू डू दिस एडजस्टमेंट. आर वी क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट योर Extinguishment or partial derecognition of liability. Just one thing, we haven't spoken about transaction cost on the modification. अपन ने अभी तक जो बात किया है वो सब अपने इनिशियल लोन पे ट्रांजेक्शन कॉस्ट का देखा था, बट इन केस अगर ट्रांजेक्शन कॉस्ट आपका मॉडिफिकेशन भी आएगा तो इन दैट केस अंडरस्टैंड इफ द ट्रांजेक्शन कॉस्ट इज ऑन मॉडिफिकेशन ऑल्सो देन यू वुड हैव टू टेक इन बोथ द केसेस. अंडरस्टैंड, अगर ट्रांजेक्शन कॉस्ट आपका मॉडिफिकेशन में होगा तो जब आप इधर आपने कैलकुलेट किया है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द मॉडिफाइड कैश फ्लोस एट ओल्ड ईयर, ये इधर भी आपको ट्रांजेक्शन कॉस्ट को फिगर इन करना पड़ता है एंड यू वुड हैव टू फिगर इन द ट्रांजेक्शन कॉस्ट ओवर ईयर ऑल्सो. वॉट एवर सम फीस अपने जगह मॉडिफिकेशन के बाद हुआ उसमें कोई ट्रांजेक्शन कॉस्ट नहीं था, बट इफ द ट्रांजेक्शन कॉस्ट वुड हैव कम देन यू वुड हैव टू बी कंसिडर्ड एट द टाइम ऑफ कैलकुलेशन ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द मॉडिफाइड कैश फ्लोस एट द ओल्ड ईयर. ओल्ड ईयर पे भी कैलकुलेशन में आपको यूज करना पड़ता और न्यू ईआर maybe you would have to factor in the transaction cost. Are we clear? The impact of transaction cost would be considered in both the cases. ऐसा नहीं है कि just because question में था नहीं we were never discussed, अगर होता तो we would have considered in both the cases. And anyways your new loan जो भी आपका रहेगा that will be accounted using amortized cost. तो transaction cost would have to be deducted from the loan amount. तो आप क्या करेगा, transaction cost होता इधर से भी आप deduct कर देते और आप इधर से भी कर लेते, दोनों जगह से कैलकुलेशन में यू वुड हैव डिडक्टेड इन कैलकुलेशन ऑफ डिफरेंस एज वेल एज डिटरमिनेशन ऑफ. तो कैलकुलेशन ऑफ डिफरेंस में भी यूज करते एंड कैलकुलेशन ऑफ न्यू लोन दोनों जगह पे ट्रांजेक्शन कॉस्ट होता वी वुड हैव रिड्यूस्ड इट फ्रॉम द लोन अमाउंट वी वुड हैव बिकॉज अपन वॉट एवर इज द फाइनेंशियल लायबिलिटी वी रिकॉग्नाइज दैट फेयर वैल्यू माइनस ट्रांजेक्शन कॉस्ट, तो फेयर वैल्यू से अपने को निकालना पड़ता. आर वी क्लियर? नाउ नेक्स्ट व्हाट आइटम वी आर गोइंग टू सी इज समथिंग वेरी अनयूजुअल दैट इज debt for equity swap. मतलब क्या, इन केस नॉर्मली बोरोअर हैज टू रीपे द फाइनेंशियल लाइबिलिटी, इधर ही पेज फुल्ली
or if pays partially. Abhi in case samjo borrower doesn't have money, so he says I will issue my own equity instruments instead of cash. Again, in such case, if borrower repays the financial liability, borrower repays the financial liability by issuing your own issuing own equity instruments instead of cash, to usko apan bolenge debt for equity. कि डेट के सामने इक्विटी स्वैप हो गया, जो लोन था लोन के बदले अपने जो जो भी आपका डेट का था, इंस्टेड ऑफ गिविंग द मनी यू हैव गिवन, इंस्टेड ऑफ डेट आपने उनको इक्विटी शेयर दे दिया है. सो हाउ आर वी गोइंग टू अकाउंट फॉर दिस? सो डेट फॉर इक्विटी, बिकॉज व्हाट वुड आई से, आई हैव अ लोन इन माय बुक्स, सो आई हैड अ फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन टू रीपे. मैंने क्या किया, मेरे पास पैसा नहीं था, मैंने कोई शेयर्स दे दिए. सो हियर आई हैव स्वैप, डेट की जगह मैंने स्वैप कर दिया इक्विटी शेयर्स, खुद के मैंने शेयर ही दे दिए. सो हियर ये व्हाट विल, हाउ आर यू गोइंग टू अकाउंट फॉर दिस? यू विल सी, फर्स्ट इज द लाइबिलिटी, जो भी आपका लाइबिलिटी विच इज एस्टिंग्विश्ड, लाइबिलिटी विच इज एस्टिंग्विश्ड बाय योर ओन शेयर्स, द लाइबिलिटी विच इज एक्सटिंग्विश्ड बाय ओन शेयर्स, उसका अपन जनरली क्या पास करेंगे? वी विल से लाइबिलिटी एस्टिंग्विश लोन अकाउंट डेबिट, जितना भी एक्सटिंग्विश हुआ है द प्रोपोर्शनेट कैरिंग वैल्यू विल बी डेबिटेड एंड वी आर गोइंग टू इश्यू इक्विटी शेयर कैपिटल और सिक्योरिटीज प्रीमियम, एंड जो भी डिफरेंस होगा दैट विल गो टू लॉस ऑन सेटलमेंट. आर वी क्लियर? दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डू फॉर द लाइबिलिटी विच इज एक्सटिंग्विश बाय ओन शेयर्स. बट वॉट अबाउट द रिमेनिंग लाइबिलिटी? नाउ अंडरस्टैंड, रिमेनिंग लाइबिलिटी में क्या होगा, यू हैव टू चेक रिमेनिंग लाइबिलिटी. अगर आपने पे ऑफ कर दिया है or that is still continuing without any change, wo abhi tak bhi chalu hai, to then you'll have to do no adjustment. But in case agar aapne renegotiate kar diya, to now entire you have to check whether modification ho raha hai, to substantial modification hai, if he has an extinguishment accounting, if there's no substantial modification then we are going to follow the modification, but only for the remaining liability, because jo pay off बाकी आपने कन्वर्ट कर दिया तो वो तो कन्वर्ट हो गया, एंड रिमेनिंग अगर पे ऑफ कर दिया या अगर कंटिन्यूइंग एट द सेम वैल्यू तो कुछ नहीं. बट इफ यू आर रीनेगोशिएटिंग देन वी हैव टू सी वेदर विच अकाउंटिंग टू फॉलो, एक्सटिंग्विशमेंट अकाउंटिंग और मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग, बाय टेकिंग द प्रोपोर्शनेट अमाउंट एज अ कैरिंग वैल्यू, जितना आपका बाकी था रिमेनिंग लाइबिलिटी उसका कैरिंग वैल्यू लेके वी आर गोइंग टू डू द अकाउंटिंग. आर वी क्लियर? नाउ अंडर इन सच केसेस वी विल बी गिवन द वैल्यू ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, जितना भी रहेगा ना the fair value. We have many sources to find out the fair value of the equity instrument. One that is Gordon's formula se kar sakte ho, PE multiple approach hai, dividend approach hai, net asset method hai. So based on the data given to you, you have to find out the fair value of the equity instrument. But in case if no data is given of the fair value of the instrument, then we are going to assume it as the same amount jitna apne liability settle kiya hai. अगर दिया है तो ठीक है, नहीं दिया तो जितना भी आपने लाइबिलिटी सेटल किया विल अज्यूम द सेम अमाउंट वी हैव इशूड एज अ इक्विटी शेयर कैपिटल. लेट्स लुक एट एन इलस्ट्रेशन ऑन दिस. कम ऑन, इलस्ट्रेशन नंबर 77. जेके लिमिटेड हैज एन आउटस्टैंडिंग अनसिक्योर्ड लोन ऑफ 90 करोड़ टू अ बैंक. द इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट EIR ऑफ दिस लोन इज 10%. Owing to the financial difficulties, JK Limited is unable to service its debt and approaches the bank for the settlement. The bank offers the following terms which are accepted by JK Limited. That 2/3 of the debt, matlab 90 crores ka 2/3 kitna ho gaya, 60 crores, is unsustainable and will be converted into 70% equity interest in the JK. So, khud ke shares, jo JK, what will happen? JK will have to issue the own shares only. Matlab, jitna bhi share, 2/3 का है उतना पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाएगा इनटू 70% इक्विटी इंटरेस्ट इन जेके लिमिटेड. द फेयर वैल्यू ऑफ द नेट असेट ऑफ जेके इज 80 करोड़ एंड 1/3 व्हिच इज सस्टेनेबल. बैंक अग्रीज टू सर्टेन मोरेटोरियम पीरियड एंड डिक्रीज इन द इंटरेस्ट रेट इन द इनिशियल पीरियड. द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश फ्लो एज पर द रिवाइज टर्म कैलकुलेटिंग यूजिंग ओरिजिनल EIR इज 25. द फेयर वैल्यू ऑफ द कैश फ्लो एज पर रिवाइज टर्म इज 28 CR. सो लेट्स स्टार्ट. First, let's understand, कुछ तो liability अपने extinguish किया है by equity, correct? Some is done by equity and the remaining you have renegotiated. तो पहले जो आपने equity का किया, let's see what is the proportionate carrying value which you've just seen, 90 crores का 2/3 that is 60 crores.
Now, have you been given the fair value of the equity instrument issued? You will say loan account debit of 60, but have you been given how much are the fair value of the equity instrument issued? Yes, आपको बोला है that net assets जो आपके 80 करोड़ से उसका 70% they have clearly mentioned in the question that will be converted into 70% equity interest. Equity interest 70% equity interest. Total net assets are 80. तो 80 का 70% मतलब 56 करोड़ के आप उनको equity instrument देने वाले हो. So you will say two equity instruments. Securities premium 56, and you can say there is a gain on which will go in PNL at 4 crores. So this is we have deal with the liability which is extinguished by own share. What about remaining liability? Have they paid off or whether it's just lying? Aisa kuch nahi hai. We have renegotiated a deal. So first we have to see jo ye apne ko check karna padega pehle modification substantial hai ki normal modification hai. So what is the proportionate carrying value? You will say carrying value is 90 ka 1/3. That is 30 crore. So we are trying to calculate a difference. Difference kaise karte? Present value of modified cash flows at old EIR minus you will say carrying value divided by carrying value into 100. Have you been given this value directly? Dekho question mein diya aapko. The present value of the cash flows as per the revised terms calculated using original EIR is 25 crore. So directly they have given the value of 25 minus 30. 25 minus 30 divide by 30 into 100. So, ye aapka aa jayega minus 16.67%. Now, tell me, is the difference greater than 10%? Yes. So, isko apan bolenge substantial modification and we are going to follow which accounting we are going to follow? Extinguishment accounting. So, we will recognize the derecognize the entire old loan by 30 rupees and we will show the new loan. Again, present value of the modified cash flows at new year. Wo bhi aapko directly diya hai, 28 lakhs. So difference will be taken to gain on exiting. That is, will be taken to PNL at 2. Ye directly apne ko value diya hua tha. So we didn't have to calculate. Are we clear? So this is all about your derecognition of financial liability. Normally, agar pura ka pura apne derecognize kar diya, so you can directly, if you have paid the entire liability, पूरा लाइबिलिटी वेव ऑफ हो गया तो आप पूरा निकाल सकते हो बट इन केस देयर इज अ रीनेगोशिएशन तो इन दैट केस यू हैव टू सी व्हाट काइंड ऑफ अकाउंटिंग इज रिक्वायर्ड अगर मॉडिफिकेशन हो रहा है तो वेदर सब्सटेंशियल टू एक्सटिंग्विशमेंट एक्सटिंग्विशमेंट अकाउंटिंग एंड वेदर नॉन सब्सटेंशियल मॉडिफिकेशन वी आर गोइंग टू हैव टू अप्रोचेस फर्स्ट अप्रोच इज यू ईदर एडजस्ट द कैरिंग वैल्यू ऑफ द लोन और सेकंड अप्रोच यू गोइंग टू एडजस्ट द ईआर फर्स्ट वी विल ऑलवेज गो फॉर सिंपलिसिटी फर्स्ट अप्रोच ओनली आर यू क्लियर नाउ वी गो ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दैट इज Impairment of financial asset. Now, impairment we have already studied under Ind AS 38 impairment, but that was applicable on PPE and other kind of assets. But now, when we are talking about financial asset, so the impairment of financial asset is covered under this particular accounting standard only. So, impairment. Understand what do you understand by impairment? Matlab asset ka earning capacity kam ho raha hai. If you have a financial asset, what is the earning capacity? That is a contractual cash flow jo aapko milne wale. So impairment applies only on the asset which gives you the contractual right to collect the cash flow. So impairment matlab kya hoga? Reduction in the contractual cash flow. Jaise Kingfisher ke bonds, you were holding Kingfisher ke bonds or DLF ke bonds. Now suddenly the cash flows generation, jo asset, jo bond se, jo cash flow generate hone wale the, no longer you're going to get the cash flow. So in that case, we are going to say there is impairment of financial asset. That is reduction in the you can say reduction in the contractual cash flow. Usko apan impairment bolte. So understand, impairment cannot be applicable for equity instrument. Equity instrument kabhi bhi impairment I can because there is no contractual obligation to pay in the first place. So it's not possible. And second, so impairment is only possible in case of FVOCI or AMC because agar aap FVTPL mein measure kar rahe ho to they to are already at fair value agar asset ka value kam ho raha hai to market mein fair value kam hoga you are already measuring at FVTPL you are already measuring at fair value so in that case if you are measuring bonds at FVTPL to already impairment usme factored ho gaya hoga jo bhi profit loss hoga wo already PNL mein chala gaya hoga but in case of FVOCI or AMC
एएमसी के केस में प्रॉब्लम क्या होगा, एएमसी इज नॉट एट फेयर वैल्यू, तो व्हाट डू वी डू, वी टेक द डिफरेंस, और जो भी डिफरेंस होगा उसको अपन पीएनएल में लेके जाएंगे, वी वी एक्चुअली चेक द व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोस एंड व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एक्सपेक्टेड कैश फ्लो, और जो भी डिफरेंस होगा वी आर गोइंग टू टेक इट इन पीएनएल बिकॉज एएमसी इज नॉट मेजर एट फेयर वैल्यू. इन केस ऑफ एफयूसीआई दो इट इज ऑल्सो एट फेयर वैल्यू ओनली, बट यहाँ पे जो भी फेयर वैल्यू का इंक्रीज या डिक्रीज होगा इट इज नॉट गोइंग इन टू पीएनएल, इट इज गोइंग इन टू ओसीआई. सो अपन क्या करेंगे, जो भी आपका डिफरेंस होगा whatever amount that is going to be with the balance in OCI that we are going to transfer in the PNL. Are we correct? So so what is, again just to summarize, what is impairment? Impairment is nothing but the reduction in the cash flow, reduction in the cash flow of contractually agreed. So, जो भी डिफरेंस होगा वो डिफरेंस ऑफ वॉट, फर्स्ट आई विल कैलकुलेट वॉट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो माइनस द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एक्सपेक्टेड टू रिसीव. सी ये आपका जो होगा दैट इज द एज पर द अग्रीमेंट, बट एक्चुअली आपको जो मिलने वाला है उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालो, एंड जो भी अगर डिफरेंस रहा दैट इज नथिंग बट इंपेयरमेंट, की इतना अभी वो असेट में जनरेशन कैपेसिटी नहीं है, इट इज नॉट गोइंग टू गिव यू दैट मच कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो, अगर नहीं आने वाला है सो यू विल स्टार्ट रिकॉग्नाइजिंग द डिफरेंस एज अ लॉस. सो इंपेयरमेंट टेस्टिंग टू बी ओनली डन इफ देयर इज एन इंक्रीज इन द क्रेडिट रिस्क, अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट में क्रेडिट रिस्क आपका सेम ही है सो इंपेयरमेंट टेस्टिंग इज नॉट नीडेड. नाउ अनलेस गिवन, अनलेस anything is given, if the payment is overdue beyond 30 days, agar payment is overdue beyond 30 days, that only will indicate that it is a credit. Samjho, aapka payment aana tha, but the payment is beyond 30 days, agar abhi tak payment nahi aaya due date se, then only you can say that there is an increase in the credit risk and hence you will account for impairment. Uske alawa apan impairment ke liye accounting nahi karne wale. So now let's look at an illustration. Chalo, come on, illustration number. Illustration number On 1st April 2017, A Limited lent 2 crores to a supplier in order to assist them with their expansion plan. So, A Limited has given 2 lakh to a supplier. The arrangement of the loan cost to the company, the arrangement of the loan cost the company 10 lakhs. So, ye aapka transaction cost jaisa ho gaya. So, whenever financial asset, we always add the transaction cost and then recognize. The company has agreed not to charge interest on this loan to help the supplier's short-term cash flow, but expected the supplier to repay 2.4 crores on 31st March 2019. That don't pay interest right now, but after 2 years, you'll have to pay us 2.4 crores. As calculated by the finance team of the company, the effective annual rate of interest on this loan is 6.9. On 28th Feb 2018, that is immediately after almost a year, the company received the information that the poor economic climate condition caused the supplier significant problems. In order to help them, the company agreed to reduce the amount repayable by them as on 31st March to 2.2 crores. Suggest the accounting entries. Tell me, how are we going to account this? So first we are going to see, let's calculate first carrying value kitna tha as on 31st March 18 when we have been asked the accounting entries. What was the carrying value? You'll say year one the carrying opening was not 2 but 2.1. अपन transaction cost हमेशा financial asset में add करते हैं. In EIR was at the rate 6.9%. So you will say 0.1449. There was no interest payable, no coupon, no principal. तो आपका closing कितना आ जाएगा? This will be 2.2449. Now what are we going to calculate? We are going to calculate what is the present value of the expected. We ek saal khatam ho gaya, okay? This was on 1st April 17. Now this is the value as on 31st March 18. So now 31st March 19 ko the supplier was supposed to pay us. So let's see what is the present value. Because on 20th Feb 18 ko aapko malum pad gaya ki supplier ka halat nahi hai. So as on when you get to know, you have to see agar impairment ho raha kitne balance sheet date pe aap aaye. So what is the present value of the expected cash flow? Now you are expecting only 2.2, that to ERR of 69% immediately after 1 year. So 0.9354. So this will be 2.0579. So aapko laga that expected cash flow
expected cash flow, the expected cash flow is you that you expected is 2.2449, but what you are actually expecting is only 0.579. Aapko laga as on 31st March 18, as per 31st March 18, you thought, one second. Sorry, there was some computer error. Yeah, so you thought that aapko laga ki as per the normal contractual terms, the cash flow what you were expecting would be 2.2449. But actually, apne, as on 28th Feb, dekha, the conditions were not good. So as on 31st March, you check for the annual impairment thing. So aapne dekha, annual impairment ke hisab se, the expected cash flow you are expecting is only 2.0579. So yaha to samne samne aapko dikh raha hai impairment loss, which will be recorded as on 31st March. When you come on the balance sheet date, you'll do the impairment testing, and that time you got to note at 2.2449 minus 2.0579, 0.187 is the impairment loss. So how are you going to record it? First journal entry upon start karenge 1417, so you must have recorded loan account debit. You apne loan diya supplier ko to bank of 2.1, and you must have also calculated the interest EIR ke hisab se apne record bhi kiya hi rahega, that is loan account debit to interest income in your PNL, that will go in your PNL, that is 0.1449 as per EIR. And now, and on 31st March 18, see, aapko conditions malum padi on 28th Feb, impairment will do at the balance sheet date. Balance sheet date pe aap annual impairment testing karoge. So 31st March 18 ko you got to know the asset is impaired, so you will recognize impairment loss, aur aap utne se aapka financial asset ko kam kar doge, that is 0.187. Are we clear? Now we come to the next concept, that is a very new concept which pehle kabhi tha nahi, that is expected credit loss. Expected credit loss model. So basically, model mein, what are we trying to find? We are trying to find the expected credit loss. See, in bank every year, agar aap dekhte ho banking mein, aapne jab IPCC mein padha hoga, we make provision for standard assets, standard asset, substandard asset, loss asset, non-performing, हर एक के लिए अपन provision बनाते हैं, correct? We do it and अपन provision जो बनाते हैं वो limits को decide करता है RBI. Based on the RBI का limits we create a provision. Now in this belief, why don't we make provision for all the companies? खाली banking companies के लिए ये क्यों applicable है? Why don't we make a provision for all the companies? They are saying in start only you recognize the financial asset. अगर आपको starting से पता है ये आगे जाके financial asset bad होने वाला है, based on some past experience. Then why are we not recognizing the loss today only? Why wait जब तक वो credit वो जब तक खराब नहीं होगा? Why are we waiting? Bank में मैं तो बोलता हूँ, in banking we for standard assets also we make a provision. Standard asset के लिए हम provision बना के रहते हैं based on the expected past years losses. Now that is applicable only to banking company. RBI governs only banking company. Now Ind AS 109 is applicable to all the entities. So here what are they saying? You try to find out the expected credit loss. आप देखो आपके old past experiences और there are many other ways you try to calculate the credit loss. आपको लग रहा है कि giving a financial asset or giving something you are expecting कि कुछ ना कुछ loss होने वाला है. Try to calculate the credit loss. अगर वो आप calculate कर पाए, then start recognizing the loss right now. Because if you know based on the past experience, आपको मालूम है. See normally समझो आप आपके friend को loan देते हो, आपको मालूम है वो 100 रुपीज में 10 रुपए खाने वाला है. तो अगर आपने लोन दिया है, द मोमेंट यू हैव गिवन द लोन आपको पता है 10 रुपीज नहीं आने वाला, तो यू शो इट अ लॉस एट राइट नाउ ओनली. सो व्हाट इज द ईसीएल? सो जस्ट टू समराइज, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस अप्रोच? एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस क्या बोलता है? दैट द लॉस अलाउंस विल हैव टू बी क्रिएटेड एट द टाइम ऑफ इनिशियल रिकॉग्निशन ऑफ फाइनेंशियल, नॉट व्हेन द एक्चुअली. आपको आज ही पता है कि एट द टाइम ऑफ फाइनेंशियल रिकॉग्निशन कि ये असेट पे कुछ लॉस होने वाला है, तो यू क्रिएट अ प्रोविजन एज ऑन टुडे ओनली. ईच बैलेंस शीट डेट बाद में यू रीमेजर द प्रोविजन, एंड अगर आपको लग रहा है कि लॉस और बढ़ने वाला है, तो यू इंक्रीज द प्रोविजन और डिक्रीज द प्रोविजन. सो नाउ टू कैलकुलेट दिस, आपको चाहिए रहेगा ईसीएल परसेंटेज, एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस कितना परसेंट हो सकता है, एंड द ईसीएल अमाउंट. ये कहां से कैलकुलेट होगा? दिस विल बी बेस्ड ऑन हिस्टोरिक क्रेडिट लॉस. आपका पहले का देखो, पहले का ओल्ड रिकॉर्ड चेक करो, जो भी आपका पास्ट एक्सपीरियंस है उसको फैक्टर इन करो, उसके अकॉर्डिंगली यू कैलकुलेट द प्रोविजन, एंड इफ यू थिंक फ्यूचर के हिसाब से एनी एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, देन यू एडजस्ट द प्रोविजन अमाउंट अकॉर्डिंगली. सो नाउ दे हैव बीन गिवन मेनी, अपने को टोटल 3 मेथड्स वी हैव टू स्टडी. द फर्स्ट मेथड वी आर गोइंग टू स्टडी इज द लॉस रेट मेथड.
What is the loss rate method? Here the entity has the historical loss. इधर entity के पास आपके पास पूरा data होना चाहिए कि previous loss ये previous क्या experience था, कितना loss आपने incur किया था, say over the last 3 years which you expect to continue in future. So say you are a bank and you are in the policy of loan giving. तो आप automobiles पे भी loan देते हो and you give on housing also. Now on an average you have say 1000 customers in both. The loan amount which you give the loan amount which you give is say rupees 200 and housing mein aap loan dete ho say almost at the rate of 800. So the total loan which you are going to give, total loan ye aapka kitna ho gaya 2 lakhs and you have 3 lakhs. Now understand, आपको पता रहेगा, यू हैव बीन गिवन द डेटा कि पास्ट एक्सपीरियंस आपको मालूम पड़ा कि डिफॉल्ट है कि चार लोग, आपके चार कस्टमर ऐसे हैं हु आर नॉट गोइंग टू रीपे. इन केस ऑफ ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल में आपको ऑलरेडी पता है कि आपके चार कस्टमर है जो आपको पैसा नहीं देने वाले. एंड इन केस ऑफ हाउसिंग यू नो दैट देर आर टू कस्टमर्स हु आर नॉट गोइंग टू गिव यू मनी. सो डिफॉल्ट यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है. And you have something that is known as LGD. What is LGD? That is the loss, you can say that is the loss given default. Matlab, what is LGD factor? LGD factor matlab kya? That agar default hua, to how much would be the loss jo apna ko paisa nahi milne wala hai. Say if I am saying 75% idhar hai, dono ke cases mein suppose idhar is 75% hai. So agar kisi ne default kiya, to 75% of the amount won't be receivable. So you're based on your past experience. Ye aapka sab past experience hai. You are trying to calculate the loss amount. Loss amount kitna rahega? You will say 4 customers hai jo 2000 ka loan leke baithe and if they default 75% paisa hi wapas apne ko aayega. That is 75%. What is the LGD factor? Loss given default implies that in case of default, loss would be 75% of the amount receivable. So amount aapko 100 aata 75% nahi aayega. To loss kitna hoga? 0.75. Yahan pe 2 customers won't give you 800 rupees up to the extent of 75%. So loss maximum kitna hai? 600 possible hai and yahan pe 450. Then you will try to calculate something that is known as loss rate. Loss rate kya hota hai? ऑटो लोन्स पे ऑन एन एवरेज व्हेन यू गिव अ लोन ऑफ 2,600,000 का आपको लॉस होता है. सो बेस्ड ऑन द परसेंटेज आपका ऑटो लोन का आएगा 0.3% एंड हाउसिंग में यू विल से ऑन एन एवरेज व्हेन आई गिव अ लोन ऑफ 3 lakh आई गेट अ लॉस ऑफ. Above loss rate implied that whenever आगे कंपनी कभी भी एक ऑटो का एक भी लोन देगी, whenever a new loan is given, a provision for the expected credit loss that is 0.3% and in case of housing 0.15%, आपको इसका provision बनाना पड़ेगा. Expected credit loss a provision should be created. So आपने क्या किया? You see in your past experience, आपने बोला 5-4 का default होता है, 2 का default होता है and when a default happens, you are only able to recover say 25%. आप कैलकुलेट करते हो बेस्ड ऑन द टोटल अमाउंट गिवन. सो यू गेट टू नो व्हाट परसेंटेज इज पॉसिबल कि आपका पैसा डूबेगा एंड जो भी आपको लग रहा है आपका लॉस होने वाला, यू आर गोइंग टू क्रिएट अ प्रोविजन. सो द फर्स्ट मेथड इज द लॉस रेट मेथड. आर वी क्लियर नाउ? सो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट मेथड, व्हाट वी हैव इज प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट. Now this method is only applicable in case we don't have sufficient information for calculating the historical loan rate. अपन अभी previous method में देखा loss rate के case में, based on the historical data we were able to calculate what is the historical loan rate का default. Now problem is in case we do not have sufficient information for calculating the historic loss rate, then we are going to और एक हो सकता है लाइफ टाइम. सो व्हेन, व्हिच टू यूज व्हेन?
अगर आपको लग रहा है सम में देर इज नो इंक्रीज इन द क्रेडिट रिस्क, देन यू कैन गो फॉर 12 मंथ्स प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट इफ देर इज नो इंक्रीज इन क्रेडिट रिस्क. बट अगर आपका क्रेडिट रिस्क बढ़ गया है, देन यू हैव टू गो फॉर दिस पर्टिकुलर ऑप्शन दैट इज ऑफ द लाइफ टाइम पीओडी. नाउ व्हाट इज 12 मंथ्स प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट? हियर इट रिफर्स टू अ पॉसिबिलिटी ऑफ एन एंटिटी डिफॉल्टिंग इन द कॉन्ट्रेक्चुअली अग्रीड कैश फ्लो फॉर ओवर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स ओनली. अगेन 12 मंथ्स नाम से आपको मालूम पड़ेगा कि 12 मंथ्स का जो भी आपका एस्टिमेट होता है, और रिफर टू द पॉसिबिलिटी ऑफ द एंटिटी, सामने वाला एंटिटी डिफॉल्ट करेगा ओनली इन द स्पैन ऑफ 12 मंथ्स, दैट इज नोन एज अ 12 मंथ्स प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट. बट इन केस ऑफ लाइफ टाइम, अगर आपका क्रेडिट रिस्क बढ़ गया, देन यू विल रिफर टू द पॉसिबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट ओवर द एंटायर लाइफ ऑफ द इंस्ट्रूमेंट. सी, अगर क्रेडिट रिस्क नहीं बढ़ा है, देन यू कैन ओनली एस्टिमेट कि चलो 12 मंथ्स के अंदर, नेक्स्ट 12 मंथ्स के अंदर व्हाट इज द पॉसिबिलिटी द एंटिटी विल डिफॉल्ट इन मेकिंग द पेमेंट. बेस्ड ऑन दैट प्रोबेबिलिटी, बेस्ड ऑन दैट पॉसिबिलिटी, यू आर गोइंग टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट. बट इन केस आपका क्रेडिट रिस्क बढ़ गया है, सो इंक्रीज अगर क्रेडिट रिस्क बढ़ गया, नाउ यू लुक एट द पॉसिबिलिटी दैट इफ द एंटिटी डिफॉल्ट, व्हाट इज द पॉसिबिलिटी कि एंटिटी विल डिफॉल्ट ओवर द एंटायर लाइफ टाइम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एंड दैट विल नॉट जस्ट द इमीडिएट 12 मंथ्स. तो हमें आपका जो लाइफ टाइम पीओडी का रेट रहेगा, इट ऑलवेज बी ग्रेटर देन 12 मंथ्स पीओडी. सो नाउ इन केस ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स, इनका आपका जो लाइफ टाइम पीओडी रहेगा एंड जो आपका 12 मंथ्स का प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट रहेगा, दैट विल बी सेम, बिकॉज नॉर्मली ट्रेड रिसीवेबल्स वी कॉल इट एज अ करंट असेट बिकॉज इट विल बी सेटल्ड विद इन 12 मंथ्स. तो इन दैट केस, इन केस ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स हुज लाइफ इज ओनली लेस देन 12 मंथ्स, इन दैट केस लाइफ टाइम पीओडी एंड योर 12 months period is always be going to remain same only. Now let's look at an illustration. How are we going to solve it? Come on, illustration number 79. Entity A originates a 10-year amortizing loan for 1,000 million. Taking into consideration the expectation from the instrument with similar credit risk, the credit risk of the borrower and the economic outlook for the next 12 months, Entity A estimates that the loan under initial recognition has a POD of 0.5% over the next 12 months. मतलब 12 months का probability of default आपका कितना है? 0.5%. Entity A also determines that change in the 12 months POD are a reasonable approximation of the change in the lifetime POD for determining whether there has been a significant increase credit risk since initial recognition. Loss given default is estimated as 25% balance outstanding. आपको LGD factor भी दिया हुआ है. Calculate the loss allowance. Now here we can say कि they have clearly mentioned there is no increase in the credit risk. तो अपन directly क्या कर सकते हैं? We will say the loan is of 100 million and 12 months का आपका POD, 12 months POD is say 0.5%. And LGD is coming to, that is your loss given default factor is coming to 25%, correct? So now, मतलब अगर default हो तो आपका loss कितना हो सकता है? 25%. So how much provision are you going to make? You will say 1000 into 25% into 0.5%. Now this will come 1.25. So how much provision are you going to make? You will say P&L account debit, that is 1.5. To provision from ECL is 1.5. Are we clear? तो probability of default में हमेशा याद रखना, अगर आपको लग रहा है the creditors is increasing, then you look at the probability of default for the entire life of the instrument. But in case the creditors is not increasing, then you only factor in the probability of default in the coming next month. की next that possibility of the entity defaulting in the coming next month of the on the agreed contractually cash flow. But agar aapko lag raha hai ki credit risk badh raha hai, in that case you'll have to take the lifetime probability of default. Are we clear? And the last step is the most easiest one, that is debtors aging schedule. Now again, that aapko based on the age, based on the life of the debtors, matlab, or I can say based on the due date of the debtors, ki you will have, aapke paas pura list hoga ki kaun se debtors aapke is 1 month mein due hai, 60 to 90 days, 30 to 60 days, 60 to 90, more than 90 days, and based on the age of the debtors, you will create a provision. Let's look directly, come on the illustration number 32 only. Come on, illustration number 80. Come on, illustration number 80 directly.
company, a manufacturer has a portfolio of trade receivables of currency 30 million in 2011 and operates only in one geographical region. The customer base consists of a large number of small clients, and the trade receivables are categorized by a common risk characteristic that are representative of the customer's ability to pay all the amounts due in accordance with the contractual terms. The trade receivables do not have a significant financing component in accordance with Ind AS 115. In accordance with paragraph 5.15 of Ind AS 109, the loss allowance for such trade receivable is always measured as the amount equal to the lifetime expected credit loss. They have been given the information ki current jo aapke due hai. One second. You have been directly given the table that current which are 1 to 30 past dues, there are how much is the gross carrying amount, that is jo current wale hai, jo current aapke due hai, that are 1 crore 50 lakhs, then 1 to 30 days they are 75 lakhs, 31 to 60 days are 40 lakhs, 61 to 90 days past due are 25 lakhs, and more than 90 days are 10 lakhs. So total aapka ho jayega, that is 30 million, that is 3 crores, correct? Now, company M uses the following default rates for making the provision. That default rate for the current is 0.3%, 1 to 30 days ke liye 1.6%, 31 to 60 3.6, 61 to 90 6.6, and more than 90 days is 10.6. Determine the expected credit loss. Very easy. What are you going to do over here? Directly aap calculate karunge, that is you will say, you will make a table, that is particulars. Then you are going to say how much are the amount of debtors, how much is the provision, and how much is your provision required in rupees, correct? Now first one, which are current. Now current are not due. Wo kitne hai aapke books mein? Those are 1 crore 50 lakhs, correct? 1 crore 50 lakhs. Now how much is the provision required? Dekho current mein table mein kitne hai? 0.3%. So this comes to 45,000. Then you have debtors of 1 to 30 days past due. Those are 75 lakhs. And the provision required over here is 1.6%. That comes to 1,20,000. Then you have 30 to 60 days. The debtors are 40 lakhs. And the provision required is given 3.6%. To directly have multiply kar sakte ho, 1,44,000. Then you have 60 to 90, that are 25 lakh debtors. Expected loss is 6.6%, 1,65,000. So jaise jaise debtors ka aapka age badhega, matlab the chances of probability of default increases a lot. And then more than 90 days abhi tak nahi hai, to 10 lakhs pe here you will directly make a provision of 10.6%, that is 1,06,000. So the expected amount, so what is the expected amount of provision you're going to make? The expected credit loss for the portfolio, you would say, is apko add karo, you will get 5,80,000 is the expected credit loss in the whole portfolio. Are we clear? So these are the three ways. This is a something new concept. Pura expected credit loss method was expected credit loss model was a completely new concept in this Ind AS, which shows you three methods, that is loss rate, probability of default, and the third one is the aging schedule. Now coming to the last part of the accounting standard, this is now hedge accounting is not that important from your exam perspective. In fact, the sums are not a part of your syllabus. Jo apne ko syllabus mein wo khali aapko theory part hai. So let's go through the theory part. Now hedge accounting is something very different. Abhi tak aapne jo bhi financial instrument mein padha hai, jo bhi accounting treatment padha hai, everything changes over here. So hedge accounting mein is an exception which will override all the principles of AS in AS 109. So again, what is hedge accounting? Hedge accounting is an exception which will override all the principle of Ind AS 109. So hedging kya hota hai? Chalo, let's discuss what is hedging. Hedging means something you enter to reduce the risk. Agar aage jaake aapko samjho, you have taken a bond. You have taken a bond at 100 rupees. Now you want to sell the bond in 2 years. You are very scared ki kal ke bond ka price gir gaya to I won't be able to sell. So you have entered into a forward contract to purchase, to sell the bond at the same price. So isko apan hedging bolte hai. So this hedging is not compulsory. Hedge accounting is optional. Agar aap hedge accounting kar rahe ho, to it will come over here. Because agar aap dekhoonge, whenever we studied financial asset, financial liability, every time the word hedging came, we all, kabhi bhi derivatives ka aaya tha, we always
सी हेजिंग इज ओनली पॉसिबल इन डेरिवेटिव्स। सो जहां पे भी डेरिवेटिव्स का अपने मेंशन किया था, वी ऑलवेज सेड अनलेस हेज अकाउंटिंग अप्लाइज। सो इफ द हेज अकाउंटिंग इज गोइंग टू अप्लाई, वी आर गोइंग टू फॉलो दिस पर्टिकुलर थिंग, अदरवाइज वी विल स्टिक टू 109। सो हेज अकाउंटिंग में इट इज नॉट मैंडेटरी, इट इज ऑप्शनल। वेर वॉट यू हैव टू डू, एंटिटी को लेजिटली दे विल हैव टू चूज टू डेजिग्नेट, दे विल हैव टू चूज टू डेजिग्नेट अ हेजिंग रिलेशनशिप। मतलब आपको बताना पड़ेगा, आपको यू विल हैव टू पिन पॉइंट कि व्हाट इज द पर्टिकुलर हेजिंग आइटम एंड व्हाट इज द पर्टिकुलर हेजिंग इंस्ट्रूमेंट। कि इन केस में व्हाट इज द अंडरलाइंग आइटम, जैसे अपने समझो केस में बॉन्ड ले लो, एंड व्हाट इज द हेजिंग इंस्ट्रूमेंट दैट इज से द बॉन्ड डेरिवेटिव। सो इफ यू वॉन्ट यू कैन चूज टू डेजिग्नेट अ हेजिंग रिलेशनशिप बिटवीन द अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट एंड द हेजिंग इंस्ट्रूमेंट, बट प्रोवाइडेड आपको legitly you will have to identify or you can you have to pinpoint that which is the hedged item, that is the bond, ki ye particular bond ke liye aapne hedge instrument liya, that is the bond derivative, and you also have to evaluate if the hedged item and the instrument have the common relationship. Matlab entity will have to say ki क्योंकि बॉन्ड का वैल्यू ऊपर नीचे होगा, तो ये हेज जो आपने किया है दैट इज एक्चुअली प्रोटेक्टिंग यू फ्रॉम द रिस्क ऑफ दिस पर्टिकुलर आइटम। सो दे बोथ शुड हैव द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, एंड यू ऑल्सो हैव टू प्रिपेयर अ डिटेल मैनेजमेंट पॉलिसी। डिटेल मैनेजमेंट का पॉलिसी होना चाहिए, प्रॉपर डिटेल डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए अबाउट द रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी टू एस्टैब्लिश दिस इकोनॉमिक रिलेशनशिप। सो इफ यू वॉन्ट टू क्लासिफाई एनी काइंड ऑफ अ डेरिवेटिव अंडर द हेज अकाउंटिंग, there will be too many things. आपको एक तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा what is the hedge, you have to show the relationship that what is the underlying asset, what is the hedging instrument, आपको proper identifier pinpoint करना पड़ेगा. second thing, you will have to evaluate the economic relationship. अगर economic relationship आपका common हुआ तो ही you can classify the hedge instrument, otherwise you won't be able to classify it. and the management will have to have a detailed documentation about all the risk management policy, कि आपने और क्या क्या derivative के लिए risk लिया, what kind of risk, everything will have to be have a detailed policy, then only you can classify it as a hedging instrument. and in case agar aapne bol diya thi ki hedge accounting applicable hai, then you'll have to classify the hedge into three things. either it can be a fair value hedge or it can be a cash flow hedge or it can be a hedge of a net investment in foreign subsidiary or net investment in I'll say foreign operation. एक बार अगर आपने once you have see again hedge accounting is optional, but अगर आपने एक बार establish कर दिया relationship, you have been pointed, आपके report management detail discussion policy में है, the common characteristics है, then you have to classify whether the hedge is a fair value hedge, cash flow hedge, or a hedge of a net investment in foreign. So let's start with the first one, that is fair value hedge. What is fair value hedge? Now this is the hedge. Hedge मतलब अपने को आपका risk कम करना है. So this is the hedge to reduce the risk of the movement in the bond price. Again, this is the hedge. What is the aim of the hedge? To reduce the movement in bond price. Movement in bond price. That is the fair value. So what happens? समझो, 1st April the entity, on 1st April entity ने invest किया 100 रुपीज के बॉन्ड में, एंड वी एंड द बिजनेस मॉडल इज टू होल्ड एंड टू कलेक्ट एंड सेल, तो वी हैव क्लासिफाइड इनटू एफपीओसीआई। नाउ एट द सेम टाइम आई हैव आल्सो एंटर्ड इनटू अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑन द सेल ऑफ बॉन्ड आफ्टर 2 years, बिकॉज आई वॉज वेरी मच कंसर्न विद द बॉन्ड प्राइस, कल उठ के मुझे 2 साल बाद बेचना है, आई वॉज वेरी श्योर आई डोंट वॉन्ट टू होल्ड इट मैच्योरिटी, आई वॉन्ट टू collect and I will sell them on after 2 years, but you are very concerned about the price, so aapne ek forward contract mein enter kar diya at say after 2 years at 100, no amount is paid on the forward contract, theek hai. So now this is a proper derivative. So now fair value on 1/4/16, aapke forward contract ka fair value aapne kuch bhi nahi pay kiya to nil rahega. Now say 1 year is done, 1 year ke baad the fair value as on 31st March 17 of the bond investment, bond का investment का जो आपका value था वो गिर के 90 हो गया. So now because the bond the instrument का value गिर गया, the derivative will have a more value. Now derivative का if you ask me what is the forward contract का value, it will increase by 10. Since the bond investment is falling, the value of the forward contract का value बढ़ जाएगा, because now you are able to sell
the same bond at 100 when the entire market is selling it at 90. So because of that, आपके फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का भी वैल्यू बढ़ गया. सो नाउ अंडरस्टैंड, जो आपका अबव हेज है, दिस वुड बी अ फेयर वैल्यू हेज एज एंटर टू प्रोटेक्ट द बॉन्ड प्राइस. इफ यू एनी काइंड ऑफ हेज, इफ यू हैव एंटर्ड टू प्रोटेक्ट द बॉन्ड का प्राइस, उसको अपन बोलते हैं फेयर वैल्यू हेज. देयरफॉर जो भी आपका गेन होगा या जो भी लॉस होगा इस पर्टिकुलर बॉन्ड इन्वेस्टमेंट, बिकॉज यू हैव क्लासिफाइड इट एज एफवीओसीआई, द एंटायर गेन और लॉस विल गो इन ओसीआई. एंड यहाँ पे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का क्या होगा, जो भी आपका गेन और लॉस होगा विल गो इन द पीएनएल. सो व्हेन यू गो टू प्रिपेयर योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आपको क्या होगा पता है, इधर इधर आपको दिखेगा फेयर वैल्यू गेन ऑफ 10 एंड इन ओसीआई you will be seeing a fair value loss of 10. Now understand one thing, actually ye koi gain nahi hai, this is not a gain, this is only helping you in reducing your loss of 10. You wanted to sell your bond, आपने forward contract में enter किया, आपने अपने आपका risk protect करने के लिए आपने forward contract में enter किया कि कल उठ के जो भी market rate रहेगा you will be able to sell at 100. Now actually the bond price has fallen, so because of the falling on the bond price आपका derivative का value बढ़ गया, so because of which आपका gain दिख रहा था, but actually this is not your gain, this is helping you to reducing the loss of, कल उठ के अगर समझो bond price 90 था, you will be still selling it at 90 only, but because of the gain which you have already seen, that is helping you to reduce your loss of 10. So this is actually not your gain, but this is nothing but reducing your loss of 10, which is caused by change in the fair value of the investment. So now now understand very properly, Ind AS 109 goes particular hedge accounting goes against the principle of Ind AS 109. Wo kya bolta hai, as हेज अकाउंटिंग स्टेट्स दैट ये जो भी गेन या लॉस है ऑन द बॉन्ड इन्वेस्टमेंट, ये जो भी आपका गेन है दैट ऑल्सो हैज टू बी रिकॉर्डेड इन पीएनएल ओनली. तो इधर से ओसीआई से निकालो और इसको आप लेके जाओ इधर. अगेन इंड एस 109 ये अलाउ नहीं करता, बट हेज अकाउंटिंग इज एन एक्सेप्शन टू इंड एस 109. दे आर सेइंग हेज अकाउंटिंग क्या बोलता है, आई विल टेक दिस गेन एंड लॉस, entire amount will be taken to the PNL. So now what will be the journal entry, you will say fair value loss aapko PNL mein hua 10 ka to investment in bond, your bond value is reduced by 10 rupees and the derivative asset has increased and the fair value gain has come to PNL at 10. Now you can say ki abhi aapko idhar aapko fair value loss bhi dikhega, so now you can say that whatever is the gain, ye actually gain nahi, this is actually helping you to, जो आपका लॉस हुआ है वो आपको लॉस कम करने में, आपको ये गेन एक्चुअली गेन नहीं है, बट बिकॉज बॉन्ड के इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कम हो गया था तो आपको जो लॉस हुआ था, दिस गेन इज कंपेंसेटिंग फॉर द लॉस, दिस इज हेल्पिंग यू टू रिड्यूस द लॉस. आर वी क्लियर? बट व्हाट इफ अगर ये इक्विटी इंस्ट्रूमेंट होता एंड यू चोज टू गो थ्रू एफवीओसीआई, पता है यू हैड वन टाइम इरेवोकेबल ऑप्शन दैट इन केस ऑफ अ इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट यू हैड एन ऑप्शन टू गो टू एफवीओसीआई. तो नाउ अगेन सेम थिंग हैज हैपेंड, आपका पीएनएल में फेयर वैल्यू गेन दिख रहा था 10 का एंड ओसीआई में आपका दिख रहा था फेयर वैल्यू लॉस ऑफ 10. अगेन देयर इज नो रियल गेन और लॉस, बट प्रॉब्लम क्या होगा, द मोमेंट नाउ यू कैन नॉट गो टू बैक टू पीएनएल, वी हैव टेकन वन इरेवोकेबल ऑप्शन की इन केस एनी बैलेंस हैपनिंग ऑफ द इवेंट, दिस इज अ नॉन रिक्लासिबल ओसीआई, ये आप कभी भी पीएनएल में लेके नहीं जा सकते हो. बट अगेन सेम प्रॉब्लम विल कम कि फेयर वैल्यू गेन दिखेगा 10 का एंड आइडियली देयर इज नो गेन और लॉस, दिस इज हेल्पिंग यू टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट, आपका जो भी लॉस होने वाला था वो आपको हेल्प करने वाला था. सो स्टैंडर्ड इज ओवर हियर इज लाइक बिकॉज दिस कैन नॉट बी रिसाइकल बैक टू पीएनएल, तो आप इसको इधर से निकालो एंड यू टेक इट over here, you take this item to OCI. Now the user will understand, know that there is no gain, but actually the gain is compensating for the loss because of the bond. So again there is no real gain or loss, but reduction in cost. So standard says if it is investment in equity, then jo bhi gain ya loss hoga on the derivative will have to be taken to OCI. So hedged item aapka OCI mein hai, to instrument बिकॉज ऑफ द हेज आइटम ओसीआई, आपका इंस्ट्रूमेंट ओसीआई में जा रहा है तो हेज आइटम भी आपका ओसीआई में जाएगा. सो ऑलवेज रिमेंबर व्हेनेवर यू आर डूइंग द अकाउंटिंग, इफ द हेज आइटम, जो आइटम आपने हेज किया, इफ दैट इज इन्वेस्टमेंट इन से इक्विटी शेयर्स, करेक्ट,
दैट विल बी से आपने वन टाइम इरेवोकेबल ऑप्शन दिया है, तो दैट केस वॉट एवर इज द गेन और वॉट एवर इज द लॉस ऑन द हेज्ड इंस्ट्रूमेंट, ऑन द हेज्ड आइटम एंड ऑन द हेज्ड इंस्ट्रूमेंट विल बी टेकन टू ओसीआई। आपको इसको ओसीआई में लेके जाना पड़ेगा, जो भी आपका डेरिवेटिव की वजह से हेज्ड आइटम, जो भी आपका डेरिवेटिव की वजह से जो भी आपका गेन या लॉस हुआ है दैट विल बी टेकन इन ओसीआई। बट इन केस ऑफ ऑल अदर हेज्ड आइटम्स वॉट एवर इज द गेन और लॉस ऑन द हेज्ड आइटम एंड द हेजिंग इंस्ट्रूमेंट दे बोथ विल बी टेकन टू पीएनएल। तो पहले वाले केस में अपने क्या किया, दोनों को अपन ने पीएनएल में लेके गए थे, बोथ वर सेटिंग इन द पीएनएल। बट इन केस इज इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर तो आपको दोनों को ओसीआई में ही बताना पड़ेगा। दिस इज द फर्स्ट हेज दैट इज फेयर वैल्यू हेज। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट हेज दैट इज कैश फ्लो हेज। व्हाट इज कैश फ्लो हेज? नाउ दिस इज द हेज व्हिच यू हैव एंटर टू रिड्यूस द रिस्क इन द कैश फ्लो। मतलब आपको आगे लोन लेने का था, अभी से 2 ईयर से यू हैव प्लान दैट यू वांट टू बाय अ लोन, बट नाउ यू आर वेरी कंसर्न कि जिस हिसाब से मार्केट बढ़ रहा है इंटरेस्ट रेट कैन गो अप। सो व्हाट यू हैव डन इज यू हैव एंटर्ड इनटू अ हेज इंस्ट्रूमेंट टू रिड्यूस द रिस्क इन द कैश फ्लो। व्हेन आई से रिड्यूस द रिस्क इन द कैश फ्लो दैट इज रिस्क ऑफ चेंज इन द इंटरेस्ट रेट। समझो आपको लगा कि आगे जाके आपको और पैसा नहीं देना पड़े बिकॉज ऑफ द इंटरेस्ट, तो यू हैव एंटर्ड इनटू अ हेज इंस्ट्रूमेंट। आपको लोन लेने का था तो आपने आगे से ऑलरेडी सी यू इंटेंड टू बोरो 100 रुपीज आफ्टर 1 ईयर। तो व्हाट यू हैव डन इज यू हैव एंटर्ड टुडे ओनली एंड इनटू अ इंटरेस्ट रेट फॉरवर्ड। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल, से एक्स वांट्स टू बोरो 100 रुपीज आफ्टर अ ईयर। फॉर पर्टिकुलर 1 ईयर आपको बोरो करना था तो आपने क्या किया, यू हैव एंटर्ड इनटू अ इंटरेस्ट रेट फॉरवर्ड ऑन 1/4/16 ओनली एट द रेट ऑफ 10% which would be net settled once borrowing is taken. जैसे आपने 1/4/17 को borrowing ले लिया तो आपको वो settle हो जाएगा। Now nothing is paid on 1/4/2016. एक साल खत्म हो गया, 31 मार्च 17, the rate has gone up to 12%. So अभी आपका forward contract का fair value भी बढ़ जाएगा, कितने से बढ़ जाएगा? Earlier you were supposed to, अभी entire market is taking at 12%, you can easily take at 10% on 100. So आपको 2 करोड़ का आपका forward contract का value बढ़ गया as on 31st March 2016. तो what will happen? PNL में you will show as on 16-17 का आपका दिखेगा by fair value gain of 2 CR. Now understand, you are going to take the loan on 1/4/2017. तो जब आप 1/4/2017 को लोन लोगे तो 17-18 में आपका इंटरेस्ट दिखेगा, पर कितने का इंटरेस्ट दिखेगा? यू विल से पीएनएल आप जब बनाओगे 17-18 का, यू आर गोइंग टू टेक लोन ऑन, आपको जो लोन आपको सेंक्शन होगा वो 1 अप्रैल 2017 का होगा, यू विल टेक द लोन फॉर द एंटायर ईयर। तो एंटायर ईयर पे आप इंटरेस्ट कितना पे करोगे? इन 17-18 व्हेन यू एक्चुअली टेक द लोन यू विल हैव टू पे इंटरेस्ट एट द रेट 12% ओनली। मार्केट रेट में 12% चल रहा है तो आपको 12% के हिसाब से इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। यू विल से इंटरेस्ट इज 12, बट यूजर विल से आई हैव तो ऑलरेडी अवेल इट एट 10%, मैं तो ऑलरेडी मेरा डेरिवेटिव है बट स्टिल आई एम पेइंग 12%। तो अंडरस्टैंड ओवर योर 12% इज एक्चुअली नॉट योर कॉस्ट, बट एक्चुअली आपका कॉस्ट 10 ही है। आपने 10% का डेरिवेटिव लिया था, आपका 10%। ये प्रॉब्लम क्या हो रहा है दैट द 2 रुपीज विच यू शुड हैव एक्चुअली रिड्यूस्ड ओवर ईयर वो आपका लास्ट ईयर में रिकॉग्नाइज हो रहा है। क्या हो गया? यू हैड एंटर्ड अ डेरिवेटिव ऑन 1/4/16, 31st मार्च आया तो आपका जो भी गेन था वो लास्ट ईयर में पड़ा हुआ है। बट जब नेक्स्ट ईयर व्हेन एक्चुअली यू हैव टेकन द लोन यू हैव पेड एक्स्ट्रा इंटरेस्ट, बट एक्चुअली आपने एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पे किया नहीं है। Ideally, if you have taken a loan of 12%, तो आपका इंटरेस्ट भी 12 ही आया है। बट आप बोलोगे कि नहीं, मैंने तो ऑलरेडी 10% का डेरिवेटिव एंटर किया। प्रॉब्लम क्या हो रहा है? दिस विल बी स्टिल अपेयरिंग एट 12, बिकॉज जो भी आपका 2 रुपीज का जो भी था, 2 रुपीज विच एक्चुअली इज गोइंग टू रिड्यूस योर कॉस्ट इज अपियरिंग इन द प्रीवियस ईयर। Therefore, what does the standard says? कि जो भी आपका होना क्या चाहिए था कि आपने इधर 12 पे किया और 2 रुपीज का आपका गेन इधर दिखना चाहिए था, तो यू कुड हैव इजीली सेड कि दो यू हैव पेड 12 बट डेरिवेटिव जैसे आपको 2 का गेन हुआ तो आपका नेट 10 ही होने वाला था। सो वॉट डज द स्टैंडर्ड से? यू टेक द गेन एंड लॉस ऑन द डेरिवेटिव, टेक इट टू द पी एन एल इन द ईयर वेन द करेस्पॉन्डिंग कैश फ्लो और द करेस्पॉन्डिंग इंटरेस्ट गोज टू द पी एन एल। जिस साल में आपका इंटरेस्ट अमाउंट पीएनएल में देखने चालू होगा, दैट इज द ईयर यू विल स्टार्ट रिकॉग्नाइजिंग द डेरिवेटिव इन योर पीएनएल। जो भी आपका गेन या लॉस होगा डेरिवेटिव पे, वो आप अभी रिकॉग्नाइज करने चलोगे व्हेन द इंटरेस्ट स्टार्ट फ्लोइंग।
आर वी क्लियर? टिल दैट टाइम व्हाट आर वी गोइंग टू डू? अभी आपको एंट्री तो पास करना ही, स्टैंडर्ड बोलता है टिल टाइम क्या करो, ये जो भी आपका फेयर वैल्यू गेन हुआ है ना, यू टेक इट, यू कीप इट इन द रिजर्व, एक हेजिंग रिजर्व में रहने दो, ओसीआई में. सो ईयर वन में 16 17 में आप क्या करोगे, यू विल से डेरिवेटिव फाइनेंशियल असेट 2 रुपए से बड़ा है, बट आई वोंट टेक इट इन द पीएनएल, बिकॉज मैं ये साल पीएनएल में लेके जाऊंगा, नेक्स्ट टाइम मेरा इंटरेस्ट ज्यादा जगेगा तो यूजर्स को समझ में नहीं आएगा. सो आई एम गोइंग टू टेक इट टू द ओसीआई हेजिंग रिजर्व में डालूंगा, एंड वेन एवर नेक्स्ट वेन एवर विच एवर ईयर जब इंटरेस्ट विल स्टार्ट कमिंग इन द पीएनएल, हायर हायर इंटरेस्ट पीएनएल में आना लगेगा, तब वैसे वैसे मैं ओसीआई से निकाल के पीएनएल में लेके जाऊंगा, एंड दैट विल नलीफाई माई इफेक्ट और मेरा टेन ही दिखने वाला है. सो ईयर टू में आई विल शो हेजिंग रिजर्व, हेजिंग रिजर्व अकाउंट डेबिट, एंड यू विल टेक इट टू पीएनएल. That is two. Now in year two, you can say that though your expenses of 12, but आपने आपका risk hedge कर दिया था, and therefore the actual cost is only 10. Again, what was the problem happening? कि आपका fair value, the gain आपका last year में जा रहा था. Actually, this was never a gain. This was actually trying to reduce your loss, but that should have ideally appear in the next year. Problem क्या होगा? 16, 17 को आपने जब close किया, आपने forward contract को measure किया, तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू बढ़ गया, तो गेन दिखने लगा, तो आपने मेजर कर दिया, बट एक्चुअली दिस इज नॉट योर रियल गेन. रियल गेन इज दिस इज एक्चुअली हेल्पिंग यू टू रिड्यूस द कॉस्ट, बट वो होना चाहिए था नेक्स्ट ईयर. तो स्टैंडर्ड क्या बोलता है, डोंट रिकॉर्ड इट इन दिस ईयर, आप इसको ओसीआई में लेके जाओ, और जब से इंटरेस्ट विल स्टार्ट फ्लोइंग इन द पीएनएल, दैट इज द टाइम यू विल स्टार्ट रिकॉग्नाइजिंग दिस 2 रुपीज का इनकम इन द प्रॉफिट एंड लॉस. आर वी क्लियर? एंड नाउ वी कम टू द लास्ट काइंड ऑफ द हेज इंस्ट्रूमेंट, दैट इज हेज ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन ऑपरेशन. सो इसका जो आपका अकाउंटिंग है, इट्स इज वेरी मच सिमिलर टू द कैश फ्लो हेज. अपने जो कैश फ्लो हेज में अपन किया था, सेम अकाउंटिंग अपन करने वाले. इफ यू रिमेंबर इन डेज 21 में, वॉट एवर वॉज द गेन और वॉट एवर वॉज द लॉस ऑन अंडरलाइंग फॉरन ऑपरेशन, अपन क्या करते थे, वी वुड रिकॉर्ड इट इन द फॉरन करेंसी, एफ सी टी आर रिजर्व बनाते थे, एंड एफ सी टी आर रिजर्व वुड बी शोन अंडर इंडेक्स 21 में, ये पूरा का पूरा अपन ओसीए में लेके जाते थे, करेक्ट? एंड देन व्हेनेवर यू यूज्ड टू सेल द सब्सिडी, आपका फॉरेन ऑपरेशन जब आप क्लोज करने लगोगे और यू वुड सेल द फॉरेन ऑपरेशन, दैट इज द टाइम ओसीए जो एफसीटीआर का रिजर्व का पैसा निकल के यू वुड हैव टेकन इट टू पीएनएल, करेक्ट? सो इफ यू हैव टेकन एनी डेरिवेटिव, इफ यू हैव टेकन एनी डेरिवेटिव टू कवर द रिस्क ऑफ दिस फॉरन ऑपरेशन, तो डेरिवेटिव का जो भी आपका गेन या लॉस आएगा, सेम अकाउंटिंग, पहले आप उसको ओसीआई में लेके जाओ, एंड वेन एवर सी वॉट विल हैपन, जो आपका एफसीडीआर का बैलेंस आएगा वो ओसीआई में पड़ा रहेगा, ये पीएनएल में कब जाएगा, वेन यू सेल द सब्सिडी. सो द मोमेंट यू सेल द सब्सिडी, जो भी आपका एफसीडीआर का कैश फ्लोज विल स्टार्ट अपीयरिंग इन पीएनएल, नाउ दैट इज द टाइम जो आपका डेरिवेटिव आपने एंटर किया है, जो ओसीआई में पड़ा है, दैट इज द टाइम यू विल टेक इट टू द पीएनएल. इधर भी आपने क्या किया था, टिल द टाइम जब तक मेन कैश फ्लो पीएनएल में आना चालू नहीं हुआ था, यूर Take, you were carrying it in OCA, the moment the interest started flowing, आपने PNL में बता दिया. इधर भी वही लॉजिक है, जब तक FCTR का जो भी आपका गेन या लॉस है, that is not appearing in the PNL, और PNL में कब अपीयर होगा, जब when you are going to sell the subsidy, because this is not your real loss or gain until you sell it, तो because आप OCA में बताते थे, the moment you start, you sell the subsidy, और आपने ये FCTR को PNL में बताया, that is the time जो आपने derivative लिया है, जो आपने फॉरेन ऑपरेशन को, फॉरेन ऑपरेशन का रिस्क कवर करने के लिए जो आपने हेजिंग इंस्ट्रूमेंट लिया है, दैट इज द टाइम हेजिंग इंस्ट्रूमेंट का भी आपका अमाउंट जो जाएगा, दैट विल स्टार्ट गोइंग इन द पीएनएल. उसके पहले जो भी हेजिंग का आपका जो भी प्रॉफिट और लॉस रहेगा, दैट विल बी टेकन इन ओसीआई. सो एनी डेरिवेटिव विच यू हैव टेकन टू हेज द फॉरेन ऑपरेशन, फॉरेन एक्सचेंज, विल हैव टू बी टेकिंग टू द हेजिंग रिजर्व ओसीआई, एंड हेजिंग रिजर्व विल बी ट्रांसफर टू द पीएनएल इन द ईयर व्हेन एफसीटीआर गेट्स ट्रांसफर टू पीएनएल, व्हिच ईयर एफसीटीआर विल गेट ट्रांसफर टू पीएनएल, एट द ईयर ऑफ सेल. जब भी सब्सिडी बेचा तब क्या होगा, एफसीटीआर का बैलेंस पीएनएल में जाएगा, वो टाइम पे जो भी आपने डेरिवेटिव लिया ये फॉरेन ऑपरेशन को हेज करने के लिए, दैट टाइम दैट डेरिवेटिव का बैलेंस विल आल्सो गो इन द पीएनएल. आर वी क्लियर? लेट्स टेक एन एग्जांपल, से यू हैव अ नेट इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन सब्सिडी, फॉरन ऑपरेशन से अपना $100. सो से फॉर $100 वी हैव परचेज अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, कि अपना $100 का इन्वेस्टमेंट था, देयर वाज टू मच ऑफ रिस्क, तो आपने रिस्क को हेज करने के लिए आपने $100 का फॉरवर्ड लिया. नाउ टिपिकली यू हैव टेकन अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑल्सो, करेक्ट? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ $100.
नाउ टिपिकली जो भी एक कॉन्ट्रैक्ट में गेन या लॉस है इट विल गो इन पीएनएल एज इट इज अंडर एफवीटीपीएल कैटेगरी। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट तो आपका डेरिवेटिव तो एफवीटीपीएल कैटेगरी का है, तो जो भी होगा वो आपका प्रॉफिट या लॉस होगा वो आपका पीएनएल में जाएगा। सब्सिडरी का जो भी गेन या लॉस होगा दिस विल गो इन एफसीटीआर, एफसीटीआर इज अ पार्ट ऑफ योर ओसीआई। सो नाउ इन ऑर्डर टू करेक्टली मैच द गेन एंड लॉस ऑन द फॉरेन करेंसी डेरिवेटिव व्हाट आर वी गोइंग टू डू, इसको भी अपने को एफसीटीआर लेके नहीं जाना पड़ेगा, इसको अपन ओसीआई में लेके जाएंगे। जो भी आपका फॉरेन करेंसी डेरिवेटिव जैसे जो भी गेन एंड लॉस है एवरीथिंग विल गो इन ओसीआई एंड द डे, तो अब ये भी ओसीआई ये भी ओसीआई, एंड ऑन द डे व्हेन The subsidiary sold, when this gets transferred to PNL, that is the date when you dispose the subsidiary balance. तो क्या होगा, जैसे आपने subsidiary का balance dispose कर दिया, जो भी FCTR का balance था, that will get transferred to the PNL, and that is the date जो भी आपका balancing है ये hedging reserve में, this will be also taken to PNL, and then we can say that actually आपने hedge करके रखा था, तो because see दिस इज बिकॉज अगर आप इसको डायरेक्टली एफवीटीपीएल पे लेके जाओगे इट विल शो गेन, गेन तो है नहीं, एक्चुअली आपने डेरिवेटिव एंटर किया था ताकि टू कवर द रिस्क टू रिड्यूस योर लॉस, तो अगर आपने डायरेक्टली गेन बताओगे दैट विल बिकम रॉन्ग। दे आर सेइंग जब भी वेन एवर यू आर सेलिंग द सब्सिडी वेन एवर यू शोइंग द मोर आप बता रहे हो कि आपको लॉस हुआ है दैट टाइम दिस पर्टिकुलर डेरिवेटिव विल कम एज अ हीरो एंड विल हेल्प यू टू शो द रिस्क कि भाई आपने डेरिवेटिव लिया हुआ था, यू हैड हेज्ड योरसेल्फ एंड दैट इज हाउ योर रिस्क इज कमिंग टू अ वेरी मिनिमम लेवल। आर वी क्लियर? सो दिस इज योर और दिस इज योर द थर्ड डेरिवेटिव दैट इज हेज ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन ऑपरेशन। सो वी हैव टोटल थ्री डेरिवेटिव, फर्स्ट इज द फेयर वैल्यू हेज, नेक्स्ट इज द कैश फ्लो हेज एंड द लास्ट वन इज द हेज ऑफ द नेट इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन ऑपरेशन। कि फॉरेन ऑपरेशन में आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है आपका जितना भी डॉलर्स लगा था उसका रिस्क प्रोटेक्ट करने के लिए यू हैव टेकन अ डेरिवेटिव। सो डेरिवेटिव का जो भी फ्लक्चुएशन होगा वो एफवीटीपीएल जाएगा, बट स्टैंडर्ड सेज डोंट टेक इट टू एफवीटीपीएल, यू टेक इट टू द ओसीआई एंड व्हेनेवर द एफसीटीआर बैलेंस गेट ट्रांसफर टू पीएनएल दैट इज द टाइम जो भी हेज रिजर्व में आपका पैसा पड़ेगा वो आपका ट्रांसफर हो जाएगा पीएनएल में, उसके पहले नहीं होगा। दिस ऑल प्रिंसिपल्स वी आर डूइंग इन द हेजिंग आर oppositely are exactly not as per Ind AS 109. Hedge is an exception which will override all the principle of Ind AS 109. इसलिए बोला hedging optional है, mandatory नहीं है। अगर आपको hedging करना है तो you'll have to वो जो तीन condition बोला है, you have to identify the hedging relationship, identify and pinpoint which is the hedge, which is the underlying asset, which is the instrument, and then आपका detailed डॉक्यूमेंटेशन भी होना चाहिए, इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स भी कॉमन, देयर मेनी थिंग्स। तो अगर आपको लग रहा है इतना झंझट वाले में कौन पड़ेगा, यू कैन फॉलो 109, बट इन केस यू वांट टू डू हेज अकाउंटिंग देन आपको ये सब प्रूव करके फिर हेज अकाउंटिंग फॉलो करना पड़ेगा, एंड दिस थिंग नाउ एंड्स आर पर्टिकुलर इन डेज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। अभी क्लियर?